distance as the beam is not reflected, the specific charge of the cathode rays is given by. Okay, तो हमें क्या बताया गया है जो, अच्छा मैं क्लास के टर्म्स में एक बार क्विकली जस्ट बताता जा रहा हूँ. अगर एक क्यू चार्ज होता है तो हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फोर्स होता है वो क्यू इंटू ई के बराबर होता है, और वो किस डायरेक्शन में होता है, सेम डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना. और मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स जो होता है वो होता है क्यू बी क्रॉस बी के. इतनी कहानी में पता है. अब हम क्या चाहते हैं, अच्छा कोई भी टाइप ऑफ चार्ज होगा. अच्छा पहली चीज, स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है किसी भी चीज का, क्यू अपॉन एम. सो बेसिकली दे आर आस्किंग क्यू अपॉन एम का रेशियो. स्पेसिफिक चार्ज ऑफ एनीथिंग इज क्यू बाय. तो हमें पता है कि अगर कोई चीज ये चाहते हैं कि डिफ्लेक्टेड ना हो, तो न्यूटन के हिसाब से अगर कोई चीज किसी डायरेक्शन में जा रही है और वो डिफ्लेक्ट नहीं हो रही है, तो व्हाट इज द लॉजिक, नेट फोर्स हैज टू बी जीरो. दैट इज द होल आइडिया. ठीक है, तो अगर सपोजिटली मैं अगर बात करूँ, इक्विलिब्रियम बोल सकते हो बट यहाँ पे वर्ड नहीं यूज करते, बट हाँ, सो नेट फोर्स हैज टू बी जीरो. सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी इसी डायरेक्शन में, जस्ट रैंडमली टेकिंग सर्टेन डायरेक्शन, उससे फर्क नहीं पड़ेगा. क्यों नहीं पड़ेगा, आई जस्ट क्विकली टेल यू. तो उस पर क्यू इन टू ई का फोर्स इधर लगेगा. तो मुझे अगर यही पता करते हैं कि बीम डिफ्लेक्ट नहीं हो रही, तो फॉर श्योर, क्योंकि दो फोर्सेस मिलाकर हमारा अगर जीरो करना है, दो फोर्सेस का रिजल्ट है, तो दे हैव टू एक्ट एग्जैक्टली इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स है वो क्यू बी क्रॉस बी है ना, वो एग्जैक्टली ऑपोजिट लगना चाहिए और दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए, तभी ये वाली कहानी हो सकती है. ठीक है, तो हमें क्या बोला गया है, देखो ध्यान से, तो क्यू इन टू ई मेरे पास बराबर होना चाहिए क्यू इन टू V into VK. अच्छा सर, आपको ये कैसे पता कि ये QVB यहाँ लगेगा? दो रीजन. पहला रीजन कि यार हमें एक तो दोनों चीजों को बैलेंस आउट करना है, इसलिए मुझे एग्जैक्टली पीछे लगाया और यहाँ पर लिखा है सब्जेक्टेड टू क्रॉस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड. क्रॉस का मतलब क्या है, दोनों आपस में परपेंडिकुलर है. सो वेलोसिटी किस जिस भी डायरेक्शन में होगी, V क्रॉस B. सो सपोजली आई विल जस्ट क्विकली टेल यू, सपोज मैंने I'm taking a random direction, but just to make you explain. Suppose magnetic field meri dot hai. Dot matlab plus k cap hai. Aur maine is particle ko v direction mein upar phenka. To jaise hi tum v cross b cross upar nahi phenk sakte, niche phenkna padega. Ya isko cross kar dete, that'd be easier. Okay. Suppose v maine upar phenka, to v cross b karunga, to thumb is coming in the left direction. You know, so that's how it will happen. Okay. To kya q se q cancel, yes. To hamare paas e ki value aa gayi hai v into b ke barabar. Pehli cheez. To kehne se mere paas velocity aa gayi hai e by b ke barabar. अच्छा हमसे पूछ क्या रहे, द स्पेसिफिक चार्ज ऑफ द कैथोड रेज इज गिवन गाइस. स्पेसिफिक चार्ज अभी हमने क्या बात करी, क्यू बाई एम के बराबर होता है. तो हमें बेसिकली आंसर क्या चाहिए, क्यू बाई एम. बट ले मेरे आंसर सारे किसके टर्म्स में है, ई बी एंड कैपिटल बी के टर्म्स में. कह रहे थे कैपिटल बी कहाँ पर है, कहीं पिक्चर में लिखा है, अच्छा ये नीचे लिखा है, वी इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन कैथोड एंड एनोड. तो हमें एक और चीज क्या पता है, अगर किसी भी चीज का पोटेंशियल डिफरेंस, अगर दो दो कैथोड एनोड हो या कोई भी दो प्लेट हो, अगर कोई एक चार्ज एक कैथोड से एनोड की तरफ जाता है, तो उसमें जो काइनेटिक एनर्जी में गेन होता है वो, अच्छा ये केमिस्ट्री में मोस्टली पढ़ा होगा, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस इज द गेन इन काइनेटिक एनर्जी विच इज हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर होता है. ठीक है, तो हमें यहाँ से ध्यान से देखो, तो हमें क्या पता लगा, हमें निकालना क्या है, क्यू बाय एम. तो क्यू बाय एम मेरे पास आ रहा है इस इक्वेशन से, इट इज कमिंग आउट टू बी वी स्क्वायर अपॉन टू वी. फिर से वही प्रॉब्लम, क्या हमें वी पता है डायरेक्टली, तो वी हमें गिवन नहीं था, बट हमने वी E और B के बीच में रिश्ता निकाल लिया है V का. तो इस V को E और B के टर्म्स में रख दो, तो कह रहे हैं से यहाँ पे आएगा E square upon V की जगह रख रहा हूँ E by V, B square 2 into V के बराबर. I hope this is clear to everyone now. बताओ 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 बताओ, समझ में आया क्या? So उत्तर क्या होगा ये बताओ, is that clear to everyone now? अच्छा फिर से वही वाली चीज, एक चीज जो मैंने पहले भी बोली थी कि यार लास्ट पार्ट नहीं आया, ये वाला पोर्शन समझ में आ गया क्या, उसकी वेलोसिटी ई बाय बी के बराबर होगी. ये यार केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि अगर एक कोई चार्ज पार्टिकल किसी एक पर्टिकुलर पोटेंशियल से दूसरे पोटेंशियल पे पहुंचता है, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है इनटू क्यू इज द काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है ना. तो बस हाफ एम वी स्क्वायर हुआ वो है ना. तो अभी इन दोनों को देखो, मुझे निकालना क्या, स्पेसिफिक चार्ज होता है क्यू बाय एम. तो क्यू बाय एम इज कमिंग आउट टू बी वी स्क्वायर अपॉन टू कैपिटल वी, वेयर वी इज द पोटेंशियल डिफरेंस, राइट ठीक है. और वेलोसिटी की जगह मैंने लिख दिया ई अपॉन बी. ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया, इज दैट क्लियर ना. अच्छा दूसरी चीज, मैं यहाँ पर एक और चीज यहाँ पे ये समझाना चाह रहा हूँ, प्लीज ध्यान से समझना. जैसे ही मैंने, अच्छा सॉल्व करना इज वन थिंग, आंसर पे आना इज अ डिफरेंट थिंग. आई टोल्ड यू मल्टीपल टाइम्स, जैसे ही तुम इन सबको देखोगे, अगर इज्जत से देखो तुम इन सबको, इन चारों की डायमेंशन अलग अलग दिख रही है. जस्ट इन केस किसी को प्रॉब्लम नहीं समझ में आया, बट उसने जैसे ही ये देखा यार ये चारों चीज की डायमेंशन मेरी अलग अलग है और मुझे निकालना क्या है क्यू बाय एम,
तो अगर तुम केवल डायमेंशनल फॉर्मूला भी लगाओगे ना यहाँ पे, तो तुम्हारा आंसर यही आएगा, क्योंकि और कोई डायमेंशन है ही नहीं. सो आई एम नॉट सॉल्विंग दैट फॉर यू. तो तुम अगर इंडिपेंडेंटली सबकी डायमेंशन लिखना स्टार्ट करो एंड चेक इट, तो यू विल गेट द आइडिया कि हमारे पास क्यू बाई एम केवल फोर्स में आ रहा है, क्योंकि वो ऑप्शन देख के पता लग रहा है कि सबकी डायमेंशन अलग अलग है ना. ट्राई दैट लेटर है ना, बट आई गेस दैट बी क्लियर टू यू. समझे ना? बोलो 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 बोलो, क्लियर है ना? प्लीज उससे भी ट्राई करके देखना डायमेंशनल फॉर्मूले से. एंड जस्ट सिंक, क्योंकि सम ऑफ द प्रॉब्लम्स में ये कहानी होती है कि हमें प्रॉब्लम नहीं समझ में आता है ना, बट बाय हुक एंड क्रूक अगर हमें कैसे भी सॉल्व करना है इन द एग्जाम हम कर ही सकते हैं. सो द पॉइंट इज डू दैट आल्सो. ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड. ओके, थर्ड. अ करंट लूप कंसिस्टिंग ऑफ टू सेमी सर्कुलर पार्ट ऑफ रेडियस एंड वन इज लाइंग इन द एक्स वाई प्लेन अदर इन द एक्स जेड प्लेन. अच्छा, अब द प्रॉब्लम इज इसको बनाने वाली कहानी थोड़ी सी अजीब सी होगी, बट स्टिल आई विल ट्राई एंड बट तुम्हें थोड़ा सा फील कराता हूं कि कैसे करते हैं. ओके, ये हमारे लिए एक्स होता है नॉर्मली, ये वाई होता है और जेड होता है हमारा ये. मतलब एक लूप रखा है ऐसे जो तुम्हारे सामने स्क्रीन पे है, दिस इज एक्स वाई प्लेन, और दूसरा एक्स जेड प्लेन है. तो अभी जेड प्लेन कौन सा है? ऊपर वाला, राइट? तो उसमें लूप कैसे रखा होगा? जस्ट मेकिंग यू फील दिस थिंग आउट टू. किससे 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 कॉपी से समझ में आएगा क्या? तो दिस कॉपी इज लेट्स से माय एक्स वाई प्लेन. तो एक लूप इस कॉपी में रखा है, ठीक है, दिस इज एक्स वाई प्लेन, और दूसरा लूप एक्स जेड प्लेन में, मतलब ऐसे है. ठीक है, क्या बोला गया है? करंट इन द लूप इज आई, दोनों में करंट हमारे पास आई दिया गया है, और रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द टू सेमी सर्कुलर पार्ट एट द कॉमन सेंटर. अच्छा, दे आर सेइंग दैट दे हैव अ कॉमन सेंटर. सो वन लूप इज दिस, तो लेट्स से दिस इज द ओरिजिन, दैट बी इजीियर टू अंडरस्टैंड. दूसरा लूप कहां से स्टार्ट हो रहा है? जस्ट यहां पे बता रहा हूं तुम्हें, वो जेड एक्सिस पे, ठीक है. तो दूसरा लूप इज समथिंग लाइक दिस, दिस इज एक्स जेड प्लेन. तो हमें क्या बताया? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आधा लूप. जब पूरा लूप होता है तो मैग्नेटिक फील्ड एक्जैक्टली एट द सेंटर क्या होती है? 1/2 r का फैक्टर आता है वहां पर. अगर आधा लूप है तो वो थीटा पॉइंट 2π से बोल दो, या फिर जैसे भी तुमने याद किया हो, दैट बी इजियर है ना. तो उसका आधा, क्योंकि हमने आधा पार्ट लिया. तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वन ऑफ द लूप कैन आई से वो हमारे पास ये आएगी. तो अगर मैं एक्स वाई प्लेन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, सपोजिटली करंट इसमें ऐसे फ्लो कर रहा है, तो कैन आई से यहाँ पर आएगा डॉट, है ना, कर्ल योर फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो डॉट विल थंब विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. कैन आई से दूसरे वाले लूप में भी एग्जैक्टली सेंटर वहीं पर है, मैग्नेटिक फील्ड यही आएगी मैग्नीट्यूड वाइज, बट क्योंकि वो एक्स जेड प्लेन में, तो हमें पता है कि एक्स जेड प्लेन में, तो उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो जे कैप में आएगी, है ना. प्लस जे हो चाहे माइनस जे, उससे दिमाग नहीं लगाना. तो कहना है से एक मैग्नेटिक फील्ड ये है, दूसरी भी मैग्नेटिक फील्ड यही है, बट अगर दोनों आपस में 90 डिग्री पर है, तो कहना है से नेट मैग्नेटिक फील्ड को मैं डायरेक्टली रूट टू टाइम्स ऑफ बी बोल सकता हूँ क्या? मतलब इसमें यहाँ पे 4 का फैक्टर आ रहा है और एक रूट टू से मल्टीप्लाई कर दू, कहना से नीचे 2√2 जैसा फैक्टर आ रहा हो. जस्ट इन केस किसी को अभी भी 3D वाली कहानी इमेजिन करने में समझ में नहीं आ रहा, तो लेट मी नो, सो आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन विद समथिंग बेटर इफ आई हैव. या समझ में आ गया है? जिसको नहीं आया हो वो बता दो. मतलब अगर अगर किसी को ऐसा लग रहा हो कि नहीं आया है अभी भी, वो 3D में कैसे इमेजिन करें, सर ये आपने डायरेक्शन में √2 क्यों मल्टीप्लाई कर दिया, क्विकली जस्ट से टेल मी. ओके, आई नो तुम लोगों ने लंच कर लिया है ना, बट प्लीज आंखें कान खुले रखो, स्क्रीन पे ध्यान दो, डोंट हैव टू नोट इट डाउन. नहीं आया, ओके. प्रसाद एक बार वापस से समझते हैं. क्या बोला? एक्स जेड प्लेन वाली कहानी. तुम अब भूल जाओ, मैं बोल रहा हूँ एक्स वाई भूल जाओ. मैं तुमसे बोलूँ मेरा लूप कहाँ रखा है? ऐसे रखा है, ठीक है, ये. अच्छा, एक्स वाई जेड पहले मैं एक बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ. ये एक्स है मेरा, ठीक है, ये एक्स, इसके परपेंडिकुलर वाला वाई, अरे यार ये ब्लर हो जा रहा है, ठीक है, और ये वाला जेड है. तो अब मैं बोल रहा हूँ एक्स जेड प्लेन किसको बोलूंगा? मैं ये वाले प्लेन का एक्स जेड बोलूंगा ना, क्योंकि मैं वाई में नहीं जाना चाहता. सो दिस इज माई एक्स जेड प्लेन, ठीक है. यहाँ पे लूप कैसा रखा है? ऐसा आधा लूप है, तो आधे लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या, ये बात समझ में आती है? ये मैग्नेटिक फील्ड है, राइट? आधा लूप ये है. करंट सपोज क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, डज नॉट मैटर. अगर मेरे पास करंट जिस भी, ये अच्छा, ये चीज बचपन में बहुत बार अभी देख लिया बचपन के अंदर, ठीक है, हमेशा लूप में जहां पर भी कोई भी पॉइंट होगा अंदर, मैग्नेटिक फील्ड उस लूप के प्लेन के परपेंडिकुलर होगी. क्या ये बात समझ में आती है? जब जैसे ये एक्स वाई प्लेन में था, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आ रही थी? जेड एक्सिस. अगर कोई लूप हमारा एक्स जेड प्लेन में, तो उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी, कहने से वो जे कैप में आएगी. क्या ये बात समझ में आती है? साथ फटाफट बताना है ना. तो कहने से मैग्नीट्यूड यही है, तो हमारे पास दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम है ना, और एक हमारे पास है जेड डायरेक्शन में और एक है जे डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में. कहने से वो आपस में 90 डिग्री पर होंगे. अच्छा, ओके, समझ में आ गया ना, कूल है ना. तो इसलिए मैंने, अगर दो वेक्टर मेरे पास 90 डिग्री पर होते हैं, तो हमें क्या पता है अगर उनका मैग्नीट्यूड सेम है, तो सीधे रूट टू एफ कर दो, वही वाला काम करा है ना. तो यहाँ पे रूट टू भी हो जाएगा. क्लियर? ओके, क्वेश्चन नंबर 5. कुछ गंदा सा प्रॉब्लम दिख रहा है. गंदा सा का मतलब क्या, कि बहुत सारी वैल्यूज दी गई है, ठीक है.
क्लोजली बाउंड सोलेनोइड 2000 टर्न्स दिए गए हैं। तो अच्छा, जब भी हमें टोटल नंबर ऑफ टर्न्स दिए जाते हैं उसको हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, वो दिया गया है 2000। फिर बोला गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1.5 × 10⁻¹¹ SI यूनिट में, सो आई एम नॉट राइटिंग। कैरीज अ करंट आई 2 एम्पीयर इज सस्पेंडेड थ्रू द सेंटर। तो सोलेनोइड इज सस्पेंडेड थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ, अलाउिंग इट टू टर्न इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन in a uniform magnetic field, making angle 30 degree with the axis of the solenoid. Okay. पूछा क्या गया है? एक मिनट. Will be. What is will be? Something is wrong क्या? ये मुझे गलत लग रहा है. वो option से तो मुझे भी obviously दिखा कि वो torque है ना? मैं ये बोल रहा हूँ torque पूछा है वो समझ गया, पर मैं बोल रहा हूँ कि कहीं ये कोई information missing तो नहीं है ना? Just trying to, है ना? वो तो अच्छा डायमेंशन से समझ में आ रहा है, न्यूटन इनटू मीटर है, ये किसके डायमेंशन है? टॉर्क की। जैसे कि कोई इंफॉर्मेशन मिसिंग हो, ओके चेक करके देख लेते हैं, ठीक है? तो हमसे बोला गया कुछ एक कहानी है, ये एक मेरे पास सोलेनोइड है, ये एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, जो इसकी एक्सिस है ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड से 30 डिग्री का एंगल बना रही है, समझिए मैग्नेटिक फील्ड। ओके अच्छा, हमें टॉर्क का क्या फॉर्मूला बताया गया? टॉर्क का फॉर्मूला होता है एम क्रॉस बी, दिस इज द ओनली थिंग दैट इज बीइंग टोल्ड टू अस, ठीक है? M cross B क्या होता है? M into B into sin theta. अगली चीज क्या होती है? M. M हमारा define कैसे होता है? पहली चीज, M हमारा define होता है N into I into A से. अच्छा, ये सब कहानी जो मैं directly लिख रहा हूँ, क्या ये सबको समझ में आती ना? है ना? क्योंकि यहाँ पे solenoid के लिए बात हो रही है, right? So क्या मुझे N given है? Yes. क्या मुझे I given है? N मतलब total number of turns, right? है ना? N given है, I given है, क्या एरिया given है? Yes. तो basically अगर मैं इस actually अगर ध्यान से सोचो ना, solenoid को अगर मैं चिपका दूँ तो basically एक ring की तरह behave करेगा जिसमें number of turns 2000 और ring के लिए हमें बहुत आसान, मतलब मुझे M पता है, yes पता लग गया, N, I, A सब given है, theta given है क्या? अच्छा, जो हमारी एरिया की direction होती है वही M की direction होती है, और इन्होंने बोला है कि एक्सिस हमारी 30 डिग्री, हमारे पास एक्सिस ऑफ सोलेनोइड से मैग्नेटिक फील्ड लिए, मतलब ऑलरेडी थीटा दिया है, थीटा 30 गिवन है, यस, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू गिवन है, यस। क्या ना ऐसे सारी चीजों को मल्टीप्लाई कर दो तो मेरा उत्तर आ जाएगा? मल्टीप्लाई करके दिखाऊं या आ जाएगा? मतलब कुछ है नहीं, सारी चीजें गिवन है ना, यू जस्ट हैव टू मल्टीप्लाई एवरीथिंग, है ना? ओके कूल, है ना यार? मैथ्स मत करा, अरे जैसे मैंने बोला मैथ्स मत करा ना, किसी ने बोल दिया। ओके ओके क्विकली देखो यार, इसमें अच्छा क्या तकलीफ हो सकती है? देख देख देख, अच्छा चलो अब बोल दिया तो सुन लो एक बार। इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ रहा है एक बार ये देखते हैं। एक दो तीन, यहाँ पे माइनस वन बचेगा, ठीक है? ये पांच, ये 1.5 × 2 3 हो जाएगा, 3 × 2 = 6 हो जाएगा, ठीक है? 6 ये 0.6 हो गया। B की वैल्यू गिवन है 5 × 10⁻²⁻¹. साइन थीटा कितना हो जाएगा? साइन 31/2। यहाँ पे अगर 10 रखूं और ये 3 कर दूं तो कहना है से यहाँ 15 आ रहा है, 15 × 10⁻²⁻¹. अच्छा इसमें मतलब मुझे क्या, क्यों ऐसा ये सॉल्व करवाया? किसने करवाया? श्रावणी, क्यों इतनी मेहनत कराई मेरे से? आंसर इसका क्या दिया गया है? बॉम्बे मतलब बी दिया गया है क्या? सेकेंड वाला मतलब नहीं नहीं सॉरी, -3 है 15 में ना, नहीं नहीं क्या किया मैंने, 15 में -3 है ना, अच्छा इसीलिए मुझे आई डोंट लाइक डूइंग मैथ्स, है ना? ओके अरे ये तो 0.6 तो सही है, सही तो किया यार, ये 15 है ना, और ये 10 ऊपर जाएगा, 10 से -3 बचे, तो 15 × 10⁻²⁻¹ या फिर 1.5 × 10⁻²⁻¹। यार अब ये मैथ्स है, थोड़ा फालतू चीज है, बहुत फालतू चीज है, बट आते सर से पूछना ना ये वैल्यू रख के कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, इससे पूछना। अच्छा शर्मी समझा ना, अब मैं मैथ्स नहीं करूंगा, है ना? गलती होती है ना, बोलोगे सर सिली मिस्टेक, है ना? मतलब पॉइंट इज की वेयर यू हैव टू जस्ट पुट डाउन द वैल्यूज एंड सी, क्लियर है क्या? ओके क्वेश्चन नंबर 7, चाकी स्प्रेड ऑन द थिन रिंग ऑफ रेडियस आर, रिंग रोटेट्स अबाउट एक्सिस, दिस मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक इंडक्शन। ओके अब एक चीज समझना, हमने एक चीज जो याद करी अभी अभी जो ऊपर डिस्कस करी, ठीक है? उसमें हमने क्या बोला, अगर एक करंट फ्लो हो रहा होता है उसकी एक इन रिंग, उसकी वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय म्यू नॉट आई बाई टू आर,
ये हमने याद किया हुआ है. करंट इज बेसिकली द फ्लो ऑफ चार्ज. ठीक है, इन्होंने दूसरी चीज क्या बोली, मैं बोलूं यहाँ पर एक क्यू चार्ज पड़ा है, ये क्यू चार्ज एक आर रेडियस के सर्कल में घूम रहा है. सो कैन आई से इफेक्टिवली इट इज प्रोड्यूसिंग अ करंट. क्या ऊपर वाला मैंने गलत निकाला? आ रहा है ना 15 × 10⁻³ आ रहा है यार. आंसर ये दिया है ना, थर्ड वाला बोला ना, किसी भी 15 × 10⁻³ आ रहा था, उसको 1.5 × 10⁻³ लिखा है. क्या बोलो बोलो बोलो, है ना, क्लियर है ना यार? देख लो एक बार, कैलकुलेशन यार आई गेस मोस्टली सही है मतलब अब तो. ओके अच्छा, दूसरी चीज. अच्छा, सो प्रैक्टिकली व्हेन अ क्यू चार्ज इज रोटेटिंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर, तो हमें क्या पता है इसका जो इफेक्टिव करंट होता है. मैं अगर यहाँ पर एक कोई छोटू सा एरिया लू, मैं बोलूंगा ये क्यू चार्ज हर एक टी टाइम में, विच टी टाइम, कैपिटल टी टाइम में यहाँ से पास हो रहा है, तो करंट कैसे डिफाइंड है, क्यू अपॉन टी से. दिस इज विच टी, टी विच इज बेसिकली हाउ इट इज इन, सो विच इज इन दिस केस इट इज टाइम पीरियड. एक टाइम पीरियड में एक क्यू चार्ज इस जगह से पास हो रहा है, तो इफेक्टिव करंट इज गिवन बाय दिस. तो कैन आई से क्यू, अच्छा, और टी और एफ में क्या रिश्ता होता है, 1/2 इसका. तो करंट इज इफेक्टिवली गिवन बाय क्यू एफ, और इसको एक तरीके से और याद रखते हैं, विच इज ओमेगा बाय 2 पाई, क्योंकि कई बार ना ओमेगा दिया जाता है इंस्टेड ऑफ एफ. तो याद रखना कि करंट इज क्यू एफ या फिर क्यू ओमेगा बाय 2 पाई होता है. तो पहली चीज, करंट मुझे पता है, यस. अच्छा फिर तो खत्म हो गया, प्रॉब्लम ही नहीं बचा कुछ. ओके, तो बेसिकली म्यू नॉट आई की जगह हमने लिखा क्यू इंटू एफ डिवाइडेड बाई 2 आर. I guess इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है ना? पक्का है ना? काफी आसान आसान कहानी है ना, कुछ ऐसा नहीं है इसमें पर्टिकुलरली. बस ये पता होना चाहिए कि Q charge when it is rotating, it is behaving like a effective current in the problem. ठीक है? Okay, question number 9. Alternating current दिया गया है, alternating electric field दी गई है, frequency दी गई है. R applies across the D's of Rayleigh cyclotron. Kinetic energy of the proton beam produced by it are given by. Okay. अच्छा, अब सवाल समझते हैं. अच्छा, क्या सबको ये चीज पता है कि यार साइक्लोट्रॉन क्या होता है? How does the cyclotron works? Basically, ये basically एक ऐसी चीज होती है, इसको हम बोलते हैं डील. थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूं, ठीक है? ये दो चीज होती है डील, ठीक है? एक अच्छा समझने मतलब अच्छा बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करते हैं. आइडिया क्या होता है कि ये हमारे पास दो डीज होती है, ठीक है? इसके अंदर मेरे पास एक मैग्नेटिक फील्ड होती है, ठीक है? और उसकी वजह से ना इस साइक्लोट्रॉन के अंदर यहां से यहां इलेक्ट्रॉन जाता है, ठीक है? यहां पे एक चक्कर काटता है, फिर यहां जाता है, ठीक है? यहां पहुंचता है, फिर से वो घूमता है, उसकी स्पीड बढ़ जाती है तो बड़े सर्कल में आता है, फिर इधर पहुंचता है, ठीक है? और फिर कंटिन्यूअसली फिर इधर आता है और फिर इधर आता है, ठीक है? दैट्स हाउ इट कीप्स ऑन रोटेटिंग एंड स्टार्ट इंक्रीजिंग इट्स रेडियस, तो उसकी वेलोसिटी बढ़ती चली जाती है, ठीक है? तो आइडिया क्या होता है यहाँ पर, कि हमें दी गई है इसकी फ्रीक्वेंसी, किसकी? ऑल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की फ्रीक्वेंसी. रेडियस दी गई है आर, प्रोटॉन जिसको एक्सेलरेट करा रहे हैं उसका मास दिया गया है, बाहर निकल गया तो यस, इवेंचुअली हम इसको बाहर ही निकालते हैं. सो बेसिकली अच्छा, तो अब मैं अच्छा समझना, जिंदगी में ना हमें जरूरत क्या है उसको इस प्रैक्टिकल पर्पस में यूज कर सकते हैं. मैंने तुमसे बोला कि अगर मुझे किसी एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन को या प्रोटॉन को एक्सेलरेट कराना है, तो कहना से और मतलब एक्सेलरेट कैसे होगा, अगर मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी तो वो एक्सेलरेट कैसे होगा, जब बार बार उस इलेक्ट्रिक फील्ड में उसको ज्यादा मूव कराया जाए, ठीक है? समझना, मैंने बोला अच्छा एक यार अच्छा ओके सुन लो, अच्छा एक बार सुन लो. अच्छा, एक क्यू इलेक्ट्रॉन है, क्यू चार्ज का पार्टिकल है, इसको एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो इस पर एक फोर्स लग रहा था क्यू टू ई के बराबर. अगर मुझे इसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा चाहिए तो कहना है सर मुझे इसको बहुत ज्यादा दूर तक चलाना पड़ेगा, जितनी ज्यादा वेलोसिटी चाहिए. क्यों? क्योंकि वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s होता है. तो मतलब मुझे ये s जितनी ज्यादा वेलोसिटी चाहिए, क्योंकि एक्सेलरेशन तो उसका कांस्टेंट है, विच इज क्यू बी बाय m, क्यू ई बाय m. तो जितनी ज्यादा डिस्टेंस होगी उतनी ज्यादा उसकी वेलोसिटी होगी, ठीक है? अब लेकिन जिंदगी में हमारे पास बहुत ज्यादा जगह नहीं, तो हमने क्या किया, हमने एक सेटअप बनाया. क्या सेटअप बनाया? हमने बोला ये दो हमारे पास डीज है, अच्छा डीज, अच्छा नाम से कुछ कंफ्यूज ना, तो ये दो चीजें हैं जिनके बीच में लेट्स से पोटेंशियल डिफरेंस है हमारा वी का,
ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन अगर यहां से यहां गया तो उसने काइनेटिक एनर्जी गेन कर ली ई इंटू वी के बराबर। ये यहां पर मैग्नेटिक फील्ड थी अंदर। हमें पता है कि अगर एक कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर थ्रू करा जाता है तो वो सर्कल में घूमता है, तो वो सर्कल में घूमा, जैसे ही वो यहां पहुंचा अब उसको पता लगा मैग्नेटिक फील्ड गायब हो गई है तो सर्कल में घूमना बंद करेगा। बट जैसे ही वो बंद किया, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड पहले इस डायरेक्शन में थी, उसने जितनी देर में ये घूमा उतनी देर में इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई इधर, तो वो चार्ज पार्टिकल अब फिर से एक्सीलरेट करेगा। मतलब वो जब यहाँ से यहाँ पहुंचेगा तो उसके पास नई वाली एनर्जी कितनी है? सब तो सपोज यहाँ पर उसकी काइनेटिक एनर्जी थी जीरो जब फर्स्ट टाइम वो हुआ, जब वो पहली बार इधर से इधर आया तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी ई इंटू वी के बराबर। घूमा फिर जब वो एक बार और चक्कर मारा तो उसके पास एनर्जी ई इंटू वी से और बढ़ गई, तो टू इंटू ई इंटू वी हो गई। फिर उसने एक चक्कर मारा जैसे वो फिर से यहाँ पहुंचा, है ना। अच्छा, यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड फिर से अंदर है, तो मैग्नेटिक फील्ड उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं कर सकती, केवल उसको सर्कल में घुमा सकती है। जैसे वो फिर से यहाँ पहुंचा, फिर उसको देखा कि वो मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो चुकी है और हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से अपनी डायरेक्शन चेंज कर चुकी है, तो उस पर फिर से फोर्स लगेगा। फिर से जब दोबारा से यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन पहुंचा तो उसके पास एनर्जी होगी थ्री इंटू इंटू वी के बराबर। सो दैट्स हाउ इट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग। तो हमारे पास उतनी ही डिस्टेंस में, कम डिस्टेंस में हमने उसको इतनी बार रोटेट करा दिया कि जो हमें काइनेटिक एनर्जी हमने कम जगह पर, सो दैट इज द यूज ऑफ दिस। क्या लॉजिक चीज समझ में आ गई है क्या? बताओ बताओ बताओ। अच्छा, बहुत लोगों को डाउट था, अभी ये क्लियर है क्या? जल्दी से अब हमें क्या क्या गिवेन है? हमें गिवेन है फ्रीक्वेंसी गिवेन है, ठीक है। इस गिवेन जो गिवेन है मैं केवल उसको ले रहा हूँ। मास ऑफ द प्रोटॉन गिवेन है, मैग्नेटिक फील्ड गिवेन है, काइनेटिक एनर्जी के गिवेन है। नहीं, अच्छा, के के हमको निकालना है, के और बी में कुछ एक रिश्ता निकालना है, और हमें निकालना किसके टर्म्स में है, एम इंटू वी अपॉन ई, कुछ इस टाइप के फैक्टर है एम वी। व्हाट इज वी नाउ? अच्छा, वी नहीं है, वो फ्रीक्वेंसी, सॉरी, दिस इज द फ्रीक्वेंसी जो इन्होंने वी लिखा है, यार मैं उसको एफ ही लिख रहा हूँ, बाद में वो वी और वेलोसिटी से कंफ्यूजन होगा, बाद में उसको चेक करें। सो फ्रीक्वेंसी को हम राइटिंग है। सो बेसिकली मुझे इन तीन चीजों के टर्म्स में वी और के बताना है। क्या करा जाए, क्या करा जाए? यार बी और ये तो यार फिर थोड़ा सा वैसे ही आसान हो गया क्या, कि हमें क्या पता है? हमें एक फॉर्मूला पता है, ओमेगा होता है क्यू बी बाई एम का, है ना। ओमेगा क्या होता है? टू पाई एफ के बराबर। ये हमसे पूछ रहा है बी बता दो, तो बी की वैल्यू क्या आ गई? कहना ऐसे आ गई बी की वैल्यू टू पाई एफ एम अपॉन क्यू के बराबर। तो पहला पार्ट तो ऐसे ही आ गया। अगर मुझे नहीं पता होता ना कि ये सब चीजों को सॉल्व करना है तो भी मेरा आंसर ये आ जाता। क्या यहां तक कहानी समझ में आ रही है? मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कहना ऐसे टू पाई एफ एम अपॉन क्यू डायरेक्टली आ जाएगी। इज दैट क्लियर? क्या जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, है ना। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू एटलीस्ट, ठीक है। अच्छा, ओके, डू यू रिमेम्बर हमें क्या बताया गया है? आर का फॉर्मूला बताया गया है एम वी बाई क्यू वी, टाइम पीरियड का फॉर्मूला बताया गया है टू बाई एम बाई, ठीक है, और ओमेगा का फॉर्मूला बताया गया है क्यू बी बाई एम। ये फॉर्मूले हमें याद करने को बताएंगे, ठीक है। तो ओमेगा क्यू बी बाई एम है, ओमेगा होता है टू पाई एफ के बराबर, तो बी की वैल्यू एफ के टर्म्स में क्या आ रही है? टू पाई एफ एम अपॉन क्यू। अभी सही है क्या? इज दैट क्लियर? तो पहला वाला, तो बेसिकली ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता, ये दोनों में अब मैच करा लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी निकालना। ओके, समन सिंह लैग हो रहा है। अच्छा, एक सेकंड, मैं अपने वीडियो ऑफ कर रहा हूँ, जस्ट लेट मी नो कि अभी भी अगर लैग हो रहा है थोड़ी देर, एक बार फिर सही चल रहा है, अच्छा बस चेक करता हूँ, अगर फिर से हो रहा तो लेट मी नो, ठीक है। तो मेरे पास बी की वैल्यू आ गई ये वाली, ठीक है। आई होप यहां तक ये चीज समझ आ रही होगी कि बी की वैल्यू ये आ रही। दूसरी चीज, हमें काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। काइनेटिक एनर्जी कहां से आएगी? काइनेटिक एनर्जी आएगी हाफ एम वी स्क्वायर से। अभी वी स्क्वायर वाली चीज कहां से आएगी हमारे पास? या तो रेडियस के टर्म्स, क्योंकि आंसर मेरा रेडियस के टर्म्स में, तो रेडियस क्या होती है? एम वी अपॉन क्यू बी। तो कहना है यहां से वेलोसिटी क्या हो जाएगी मेरे पास? क्यू बी आर अपॉन एम। कहना से इस v की वैल्यू को यहाँ पे डाल देंगे, है ना। कहना से जैसे ये v की वैल्यू को यहाँ पे डालेंगे तो मेरे पास क्यू बी आर स्क्वायर अपॉन एम आएगा, और b की वैल्यू f और m के टर्म्स में ही है। कहना से इन सबको जब जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो आई गेट जो नोन चीजें उन दोनों के टर्म्स में आंसर आ जाएगा। अच्छा, इन दोनों में ना केवल अंतर केवल एक टू का अंतर है, तो वैसे ही मुझे पता लग जाएगा कि वो टू का अंतर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो ऐसे देख के ही बता दे रहा हूँ, ठीक है।
यहाँ पर 1/2 का फैक्टर है, जैसे तुम v की वैल्यू डालोगे ये, तो वहां पर आएगा एक बी स्क्वायर का टर्म, तो बी स्क्वायर के टर्म में यहाँ पे आएगा 4π² 4π² है और यहाँ पर 2 है, तो 2 का फैक्टर बच रहा है, बेसिकली थर्ड हो जाएगा आंसर। अभी क्लियर हो गया? अच्छा, सो बेसिकली यहां पर ना बहुत ज्यादा यूज नहीं था। यू कैन नॉट हेयर मी एनी मोर, यार मेरी आवाज आ रही है क्या सबको? यार आ रही है यार जिसको, वेरी क्लियरली। अच्छा किसी को, अगर सबको आ रही है, अच्छा जिसको नहीं आ रही, एक बार जस्ट मैंने वीडियो ऑफ करा, एक बार जस्ट क्विकली वापस एक बार रिज्वाइन करो जस्ट इन केस, है ना? पहले भी लैग नहीं था। अच्छा पता नहीं यार ये किसी के साथ, अब हो सकता है वो डिवाइस का प्रॉब्लम हो, है ना? वैसे तो अच्छा, आई एम ऑडिबल क्रिस्टलाइज। ओके यार किसी को आ रही तो आई थिंक मेरे एंड पे सही है ना? एक बार जस्ट रिज्वाइन कर लो यार, कुछ वो नहीं है, ठीक है? मेरा माइक है, ठीक है यार, इफ यू वांट मैं दोनों लगा लेता हूँ। दोनों लगा के ना बाहर की आवाजें बिल्कुल बंद हो जाती है, कोई ना घर पे चोरी करके चला जाएगा ना, पता नहीं लगेगा। ओके इतना दैट्स आई डोंट लाइक, अभी सही है यार, मुझे आवाजें बंद हो जाती है। अच्छा चलो ठीक है, अभी बेटर आ रही है, मैंने दोनों लगा लिए यार। अब इससे नहीं तो फिर प्रोफेशनली अरिजीत सिंह वाला माइक लाना पड़ेगा। अभी बेटर आ रही ना? अच्छा सुनो, तो पॉइंट क्या था यहाँ पे बताने का? अच्छा ध्यान से देखोगे ना, इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में अगर मुझे नहीं पता होता, नॉर्मली ना जैसे ये सब प्रॉब्लम देखते हैं ना, जो मेरा भी पहला थॉट यही है कि यार अब मुझे जैसी ऐसी चीजें देखने को मिल रही है कि यार साइक्लोट्रॉन क्या होता है, तो मुझे लगेगा मुझे साइक्लोट्रॉन नहीं आता है, ठीक है? साइक्लोट्रॉन अगर नहीं आता है तो भी यार वही वाली कहानी है, प्रॉब्लम क्या है यार? मैं एक बार यार वीडियो ऑन, मेरे को देख के क्या फायदा होगा तुम्हें यार? अगर अगर वो आवाज किसी को कट रही है ना तो लेट मी नो। ऐसा लगता है कि ऐसे ऐसे क्लासरूम फीलिंग आती है क्या, यहाँ समवन इज टीचिंग? ओके तो पॉइंट क्या है यहाँ पे, प्लीज जब भी कुछ चीजें अगर नहीं भी पता हो, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि साइक्लोट्रॉन सपोजिटली मुझे नहीं पता था, वैसे तो पता होना चाहिए, इट इज इन द सिलेबस, बट अगर तुम यहाँ पर देखोगे चीजों के, जैसे ही तुम नंबर्स देखना स्टार्ट करोगे तो तुम्हें समझ में आएगा, अच्छा फॉर्मूले तो मुझे ये पता ही है ना, ये फॉर्मूले तो सबको, ये बेसिक फॉर्मूले है, ठीक है? जैसे मैंने ये फॉर्मूला लिखा ना, मैंने देखा बी का फॉर्मूला इनके टर्म्स में क्या होता है, तो एनी विच वे तुम दो ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट कर सकते हो। तो पॉइंट इज कि डोंट जस्ट गेट कंफ्यूज कि हमें कुछ चीजें नहीं पता है। प्रोबेबली इन द फर्स्ट गो यू विल लीव दिस प्रॉब्लम, बट सेकेंडली ना केवल वो डायमेंशन मैच करके या केवल चीजें करके वो पता होना चाहिए, बट अदरवाइज एज ऑफ नाउ अभी साइक्लोट्रॉन बता दिया और साइक्लोट्रॉन के प्रॉब्लम्स पूछे गए हैं कई बार, है ना? क्योंकि लोग टेंस टू छोड़ने वाली कहानी होती है, तो अभी कंसेप्चुअली तुम्हें पता लग गया कि हाउ इट वर्क्स, तो वो याद ही रखना है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 11, अ प्रोटॉन इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट इन द रूम, इट स्टार्ट्स विद द इनिशियल एक्सेलरेशन। ओके पहले स्टेटमेंट को लिख लो पहले, तो इज्जत से, प्रोटॉन रेस्ट से स्टार्ट करा, रेस्ट से छोड़ा है, तो हमें पता है कि अगर कोई चीज रेस्ट से छोड़ी जाती है तो मैग्नेटिक फील्ड उस पर फोर्स लगा ही नहीं सकती, क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स ही होता है क्यू वी क्रॉस बी, ठीक है? मतलब अगर उसके पास लेकिन एक्सेलरेशन आ रहा है, मतलब डेफिनेटली कहीं ना कहीं पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी जो उसको एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रही है। प्रोटॉन क्या पॉजिटिव चार्ज होता है? यस। अगर उसका एक्सेलरेशन वेस्ट में आ रहा है, नॉर्थ ईस्ट, हर बार मुझे ईस्ट सोचने के लिए ना वेस्ट बंगाल सोचना पड़ता है। ओके सो इसका वेस्ट में आ रहा है एक्सेलरेशन, तो इसका मतलब क्या है कि उस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स लग रहा होगा वो इधर लग रहा होगा, मतलब डेफिनेटली इलेक्ट्रिक फील्ड तो पक्का सा इधर होगी, पहली चीज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ईस्ट में है तो ये गलत। अच्छा तो यहाँ पर अब जैसे ही मैंने ये लिखा ना, तो अभी देखो ध्यान से, मैं आगे चेक ही नहीं करूंगा टू बी ऑनेस्ट, ये वैल्यू में कितना है, तीनों सेम ही है, तो मैं इसको सोचू भी क्यों आगे कितना क्या हो रहा होगा, तो आई वोंट इवन चेक। सो लेट्स क्विकली कम टू द सेकंड पार्ट, व्हेन इट इज प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ, मतलब हमने इसको वी नॉट वेलोसिटी से इधर थ्रो करा, इट मूव्स विद द इनिशियल एक्सेलरेशन 3a0 टुवर्ड्स रेस्ट, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स को फर्क ही नहीं पड़ता है कि मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, मतलब ये जो 3a0 है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ऑलरेडी a0 इस डायरेक्शन में आ रहा था, अगर उसका एक्सेलरेशन a0 से इंक्रीज करके 3a0 हो गया, इसका मतलब क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड के फोर्स की वजह से उसको एक्स्ट्रा 2a0 एक्सेलरेशन मिलेगा। पहला स्टेटमेंट ये समझना, मतलब जो भी मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स आएगा डिवाइडेड बाय उसका मास will be equal to, force divided by mass will be equal to 2a0, not 3a0.
क्योंकि अभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही पिक्चर में, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी उसको वेस्ट डायरेक्शन में ए नॉट एक्सलेशन दे रही थी। उसका टोटल एक्सलेशन अगर 3 a0 हो रहा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की वजह से 2 a0 आएगा। क्या ये बात समझ आ रही है? आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, राइट? है ना, मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स क्या होता है? इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, ठीक है। अब v की डायरेक्शन मुझे दी गई है, यस। हम v क्रॉस b के ऐसा कुछ करें, b की डायरेक्शन ऐसी कुछ अज्यूम करें सच दैट v क्रॉस b हमारा इस डायरेक्शन में आए, विच इज आर वेस्ट। अगेन आई एम रिपीटिंग, मुझे v की डायरेक्शन पता है, मुझे v क्रॉस b की डायरेक्शन पता है। कैसे पता है? क्योंकि वो 2 a0 मुझे इसी डायरेक्शन में चाहिए। तो v क्रॉस b इज इन दिस डायरेक्शन, सो इफ इट इज इन दिस डायरेक्शन कैन आई से, तो b का हमारे पास क्या रहा है? ये v है ऊपर, अच्छा, सो इट्स लाइक दैट, है ना, क्रॉस इधर मतलब अंदर की तरफ। आई होप दिस इज क्लियर, है ना, तो कैन आई से वो डाउन होगा। ये बात समझ में आ रही है? बताओ बताओ बताओ। अच्छा, लेकिन पता है फिर से, हाँ, लेकिन ये ऑप्शन क्यों नहीं है? v क्रॉस b ना, अच्छा मुझे लग रहा है सारे आंसर गलत है इसके। ओके, पहले जो मैं तुम्हें आंसर बता देता हूँ, फिर बताता हूँ गलत क्यों सारे आंसर। ओके, v क्रॉस b क्या रहा है? तो मेरा हाथ जा रहा है अंदर की तरफ, मतलब मेरा होना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड q, बता रहा हूँ एक मिनट, q इंटू v इंटू b डिवाइडेड बाई m इज इक्वल टू 2 a0 होना चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स कहता है क्यू वी बी साइन थीटा, तो q इंटू v इंटू b अपॉन दिस, तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ रही है ट्वाइस m a0 डिवाइडेड बाई q इंटू v के बराबर, ठीक है ये, और ये मेरे पास आ रहा है आंसर डाउन। अब वही वाला प्रॉब्लम है विच इज नॉट गिवन। ये मैंने गलत क्यों बोला? ये है ना आंसर, ये फोर्थ गलत क्यों बोला? फोर्थ गलत क्यों बोला था मैंने? वेस्ट है यहाँ पर तो, और वेस्ट ही होना चाहिए, ये ईस्ट तो है ही नहीं। अरे हमने सॉल्व ही क्यों किया ये प्रॉब्लम? हमारा तो पहली बार में आंसर आ चुका है, ये एम ए नॉट बाई ई, ये वेस्ट तो यही है। क्या इसका आंसर फोर्थ दिया है ना? एक बार जस्ट चेक, इसका आंसर फोर्थ है क्या? अच्छा, मैं फालतू सॉल्व ही क्यों किया, क्विकली चेक, 11th का आंसर फोर्थ है क्या? मैं वापस बताता हूँ, एक मिनट आंसर चेक कर लेता हूँ। Is the answer of 11th is 4th? Hello, yes. यार अच्छा, मैंने ईस्ट को वेस्ट क्यों पढ़ा? हमने बोला ना इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, विच इज इन डायरेक्ट, विच डायरेक्शन, दिस इज अ वेस्ट डायरेक्शन, और इलेक्ट्रिक फील्ड का हमारे पास देखो यहाँ ईस्ट लिखा है, यहाँ ईस्ट लिखा है, यहाँ ईस्ट लिखा है, ये तो पहले ही मेरे पास वेस्ट का ऑप्शन ही एक है। हाँ, हमने सॉल्व क्यों किया? नहीं करना था मुझे सॉल्व एक्चुअली, है ना। अच्छा अब लेकिन क्योंकि सॉल्व कर दिया, एक बार मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, है ना, तुम्हें पता तो होना ही चाहिए ना सॉल्व कैसे करना है। ओके, सो ये वेस्ट डायरेक्शन आ रही है, कैसे आई है? क्योंकि अगर हमने प्रोटॉन को छोड़ा, ए नॉट हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आया है, और दूसरा वाला हमारा मैग्नेटिक, वो क्या होगा? टू ए नॉट एफ एम डिवाइड बाई एम इज इक्वल टू टू। ये सब सॉल्व करें तो हमारे पास ये आया है, वी के पता है हम भी चाहिए इन द वेस्ट, वी क्रॉस बी, क्रॉस मतलब अंदर की तरफ, तो दैट्स हाउ इट विल कम टू बी राइट। क्लियर है ना? सर अगेन इट इज अ डेंजरस लैंड। ओहो, मैं एक मिनट वाईफाई चेंज कर रहा हूँ, वन सेकेंड। ये
ओके यार, अभी एक मिनट ये बंद करते हैं। आई डोंट नो समथिंग, अभी आवाज आ रही है क्लियरली सबको क्या? नाउ इज दैट क्लियर टू वीडियो? आई मीन वॉइस इज क्लियर? ओके चल ठीक है। अच्छा सो द पॉइंट इज, क्या ये बात समझ में आ गई ना? है ना, 2ma0 डिवाइडेड बाई क्यू वी आएगा, है ना। सो मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों हम निकाल सकते हैं जस्ट इन दिस केस, क्योंकि ये पता। अच्छा वैसे टू बी ऑनेस्ट में ऐसे ऑप्शन नहीं होते है ना यहाँ पर, क्योंकि अगर पहली चीज हमारी वेस्ट आ रही तो आइडियली तीन जगह पे वेस्ट लिखना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 13। अच्छा बार मैग्नेट के बारे में एक चीज तुम्हें क्लास में भी रिवाइज कराई गई है। बार मैग्नेट क्या होती है? हमारे पास ऐसी कोई चीज होती है जहां पर एक माइनस एम होता है जिसको हम बोलते हैं पोल स्ट्रेंथ, ये होता है प्लस एम, ये अगर इसकी लेंथ है बीच की एल होती है तो हमारे पास डायपोल मोमेंट इसका डिफाइंड है एम इंटू एल से। अगर मैंने इसको बेंड किया, अच्छा ये किस पे डिपेंड करता है? ये मटेरियल पे और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है। अगर मैंने इस बार मैग्नेट ऑफ लेंथ एल को हमने बेंड करा इस फॉर्म में, ठीक है, तो क्या उसकी क्या चीज सेम रहेगी? उसकी यार लेंथ सेम रहेगी फॉर श्योर, है ना, बट हम कितना बेंड कर रहे हैं उससे उसका एंगल ऑफ आर्क का जो एंगल है, जो इस केस में हमें 60 डिग्री दिया गया और इसकी रेडियस आर है, तो आर और लेंथ में क्या रिश्ता होगा? आर इंटू थीटा। थीटा का काम कौन कर रहा है यहाँ पर? मेरे पास पाई बाई थ्री, ये हमारे पास एल के बराबर होगा। तो मतलब प्रैक्टिकली जो यहाँ पर माइनस एम यहाँ था वो यहाँ पहुंच गया है, जो प्लस एम था वो यहाँ पहुंच गया है, राइट। तो हमें क्या बताया गया? हमें पहली चीज आर और एल में रिश्ता ये पता लग गया, ये माइनस एम और इस प्लस एम के बीच की दूरी कितनी होगी, ये निकाल सकते हैं। हाँ निकाल ही सकते हैं मैथ से। कैसे निकाले? अगर ये आर है तो ये 30 डिग्री हो जाएगा, तो ये आर साइन 30 ये हो जाएगा। माने कॉर्ड नहीं, कॉर्ड मतलब कॉर्ड ही है ना ये, तो दिस इज लाइक अ कॉर्ड, यहां पर कुछ है नहीं। अगेन प्लीज अंडरस्टैंड देर इज नथिंग हेयर, ये केवल मैंने डॉटेड लाइन बनाई है एक मिनट, सो देर इज नथिंग हेयर, है ना। हमारी जो बार मैग्नेट की जो डायपोल मोमेंट होता है वो उसके पोल स्ट्रेंथ इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम होता है। अगर मैंने उसको कोई भी आर्क बनाया कुछ भी बनाया तो उसके बीच की जो डिस्टेंस है वो चेंज हो गई है ना, तो उस कॉर्ड की लेंथ हमको निकालनी पड़ेगी। तो कहना से अगर ये आर है ये 30 है तो ये आर साइन 30, तो कहना से इस केस में नया वाला जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा तो एम तो चेंज होगा नहीं, क्योंकि वो उसकी किस पे डिपेंड करता है? मटीरियल एंड एरिया पे मल्टीप्लाई पे। मेरा आंसर आएगा ये वाली डिस्टेंस, विच इज वॉट 2r sin 30, आर साइन 30 प्लस आर साइन 30, तो कहने से वो ये आएगा। तो मेरा आंसर क्या आ रहा है? एम साइन 30 से गायब हो गया, एम इंटू आर इज माई आंसर, बट आर ऑब्वियसली नहीं गिवन है, तो आर और एल में हमने रिलेशन निकाल दिया है। हाँ वो क्या आ रहा है? 3 एल अपॉन पाई के बराबर, तो एम इंटू 3 एल अपॉन पाई इज माई आंसर, ठीक है, नया वाला एम डैश। कहना से हमें आंसर कैपिटल एम के टर्म्स में बताना है, तो एम इंटू एल की जगह वापस से रख दो, तो कहना से 3 एम अपॉन पाई जैसा कुछ आ जाएगा। सिंपल सा प्रॉब्लम है, कंसेप्चुअली बस दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि ये छोटा एम होता है वो पोल स्ट्रेंथ, वो चेंज नहीं होता है अनलेस अंटिल यू आर कटिंग द मैग्नेट हॉरिजॉन्टली। मतलब क्या? छोटा सा एक आइडिया बता रहा हूँ बस केवल। अगर मैंने मैग्नेट को ऐसे कट करा सपोज, है ना, ये सपोज हमारे पास माइनस एम था, ये प्लस एम था। अगर मैंने मैग्नेट को ऐसे कट करा तो यहाँ पर प्लस एम बन जाएगा, यहाँ माइनस एम बन जाएगा, बट इस एम का कोई फर्क नहीं होगा। बट अगर मैंने एम को सॉरी बार मैग्नेट को अगर हॉरिजॉन्टली कट करा तो जो ये हमारे पास यहाँ पर एम था वो हमारा काम अब करेगा माइनस एम बाई टू एंड प्लस एम बाई टू का। सो मेक श्योर तुम्हें क्या पता होना चाहिए कि हमारे पास जब तक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और मैग्नेट का मटीरियल चेंज नहीं कर रहे हो तब तक हमारे पास स्मॉल एम सेम रहता है, कैपिटल एम डिपेंड करता है स्मॉल एम इंटू द डिस्टेंस बिटवीन देम। इज दैट क्लियर? क्या जल्दी 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 बताओ, समझ में आ रहा है ना ये? रूटीन इज क्लियर टू एवरीवन? ओके क्वेश्चन नंबर 15। सर्कुलर कॉइल, करंट दिया गया है ए बी सी डी वट एवर, मैग्नेटिक फोर्स ऑन द सेगमेंट ए बी इज एफ, द फोर्स ऑन द रिमेनिंग सेगमेंट बी सी डी। ओके हमें क्या बताया गया है? सर अगर वन थर्ड कट किया तो वन थर्ड इन दिस प्रॉब्लम यू आर सेइंग Which problem? 13th पूछ रहे हैं यश, और which one? Yes, one third cut किया मतलब ऐसे वाला कि ऐसे वाला। How you are cutting depend horizontally or vertically? Horizontal. Okay. So basically समझो ना ये magnet, अच्छा तुमने देखी होगी यार, time pass तो करा ही होगा, ये magnet जब हम ऐसे बना रहे हैं basically this is like a cuboid, है ना, ये ऐसा cuboid है। तो अभी इस cuboid का ये वाला cross sectional area है ना,
तुम अगर हॉरिजॉन्टली 1/3 कट कर रहे हो, मतलब प्रैक्टिकली तुम अगर इसका जो भी एरिया है जो तुम्हारे पास नई वाली मैग्नेट है, अगर उसका एरिया पहले पूरे का ए था और कट करने के बाद अगर वो एरिया a/3 हो गया है, तो बस तुम याद रखो कि अगर यहाँ पर m था तो इसका वाला हमारा काम m/3 करेगा। मतलब तुम बस याद क्या रखना है, m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो तुम कैसे भी कट करो, तुम उसको चार पार्ट में कट करोगे अगर सिमेट्रिकली, तो m/4 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 होगा। सो डिपेंडिंग अपॉन हाउ यू आर कटिंग इट और उसका एरिया चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, दैट्स द होल आइडिया। गॉट इट? ओके। अच्छा एक चीज और, यहाँ पर हमें क्या बताया गया है कि वेन एवर अ कॉइल इज प्लेस्ड, अब वो कॉइल हो चाहे वायर हो चाहे लूप कुछ भी हो, अगर वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो हमें पता है दैट फोर्स ऑन दैट इज गिवन बाय IL×B। दिस इज द ओनली फॉर्मूला दैट यू हैव टू रिमेम्बर। एल क्या हो रहा है हमारा, एल इज नथिंग बट इज लाइक अ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। मतलब अगर मेरे पास कुछ अजीब सा वायर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है लाइक दिस, ठीक है, हमें बोला गया फाइंड आउट द नेट फोर्स ऑन दिस, तो हम क्या बोलते हैं इस पूरी चीज को हटाकर यू कैन जस्ट रिप्लेस इट बाय इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, और वो हमारा एल वेक्टर का काम करता है। दिस इज वॉट यू हैव टू रिमेम्बर, ठीक है। अब अगर मैं बी पॉइंट को उठा के मूव कराऊं 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 और ए पॉइंट से मैच करा दूं, मतलब प्रैक्टिकली मेरा इनिशियल और फाइनल पॉइंट एग्जैक्टली मैच हो जाए, तो कैन आई से मेरा एल वेक्टर जीरो हो जाएगा। सो वेन एवर आई हैव एल वेक्टर जीरो, मतलब नेट फोर्स जीरो का, रिमेंबर दिस थिंग, कभी भी नेट फोर्स जीरो का मतलब ये नहीं होगा कि हर एक छोटू छोटू पार्ट पर हमारा एफ जीरो है, नेट फोर्स जीरो। तो हमें क्या याद रखना है कि हमें बोला गया अगर ए बी सेगमेंट पे फोर्स एफ है और अगर ये पूरा लूप है, तो टोटल नेट फोर्स ऑन दिस लूप विल ऑलवेज बी जीरो। अभी लूप को तुम कैसे भी ट्रीट करो, तुम बोलो कि जो ये लूप है इसके दो पार्ट अलग अलग हैं, कौन से, एक ए बी पार्ट अलग ट्रीट करना चाह रहा हूं मैं और दूसरा पार्ट है बी सी डी ए, हमारा जो नेट फोर्स है इन दोनों पर मिलाकर वो जीरो होगा। सिर्फ 3F, सिर्फ 3F का मतलब क्या, व्हाट एग्जैक्टली आर यू आस्किंग, एक मिनट पहले मुझे कंप्लीट कर लेने दो, फिर एक मिनट पूछना। ओके तो पॉइंट इज, तो हमारे पास अगर नेट फोर्स जीरो है, ठीक है, अगर नेट फोर्स जीरो है एक पर, अगर किसी एक पर्टिकुलर पार्ट पे फोर्स एफ लग रहा है और मैं नेट फोर्स जीरो चाह रहा हूँ, तो कहने से दूसरे पर एग्जैक्टली इसके ऑपोजिट आंसर, ऑपोजिट फोर्स लगेगा, विच इज दिस। ओके, इट डज नॉट मैटर, अगेन आई एम रिपीटिंग, इट डज नॉट मैटर उसकी लेंथ क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मैं अगर ये इस लूप को ना ऐसा बनाता, सपोज ये हमारा पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और दूसरा पोर्शन ऐसा होता, अभी ऑब्वियसली तुम्हें दिख रहा है मैं सर कुछ भी टाइम पास कर रहा है ना। सो पॉइंट इज, अगर मेरा ए बी और ये नेट मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, तो अगर ए बी पे फोर्स अगर किसी डायरेक्शन में ऐसा लग रहा है और ये क्लोज्ड लूप है, अगेन रिमेम्बर क्लोज्ड लूप के ही केस में एल वेक्टर जीरो होता है, तो नेट फोर्स जीरो होगा, तो दूसरे पर एग्जैक्टली इसके, ऐसे लाइन बना रहा हूँ, इसके एग्जैक्टली ऑपोजिट फोर्स लगेगा। तो अगर इसको मैं एफ वेक्टर बोल रहा हूँ, तो दिस वुड बी माइनस एफ वेक्टर। इसमें ये 3d का कोई चक्कर आएगा ही नहीं, क्योंकि इसकी लेंथ पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पे डिपेंड कर रहा है। क्या ये बात समझ आ रही है, कंसेप्ट समझ में आ रहा है कि हाउ टू हाउ वी आर अप्रोचिंग दिस, है ना। इसमें सॉल्व करने का कुछ नहीं, मैं लिख के बता रहा हूँ तुम्हें, बट यहाँ पे सॉल्व नहीं करना था, तुम्हें नेट फोर्स पता है तो इसका एग्जैक्टली ऑपोजिट कर दिया बस, राइट। सेवनटीन, प्रोटॉन दिया गया है, अल्फा पार्टिकल दिया गया, बोथ एंटर इज इक्वल काइनेटिक एनर्जी करंट, एनर्जी रिक्वायर्ड एक्वायर्ड बाय द अल्फा पार्टिकल विल बी काइनेटिक एनर्जी, लेकिन आएगी क्यों यार, मैग्नेटिक फील्ड कभी भी काइनेटिक एनर्जी तो बढ़ाता नहीं है यार। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 17 में बोला है कि अच्छा एक चीज, ये कुछ ऐसे ये लैंग्वेज का क्वेश्चन है, ये है ना, ये सॉल्व करने का क्वेश्चन नहीं है मोस्टली। क्या बोला गया कि अगर एक प्रोटॉन, ये सपोज मैग्नेटिक फील्ड का एरिया ये है, ठीक है, एक प्रोटॉन और एक, सो एक प्रोटॉन और एक अल्फा पार्टिकल, ठीक है, ये दोनों राइट एंगल टू मैग्नेटिक फील्ड एंटर कर रहे हैं, तो हमें क्या बताया गया है, क्या पता है, हमें पता है कि रेडियस इज गिवन बाय mv/qb, पहली चीज। तो जो उसकी रेडियस होती है वो हमारे पास इसके बराबर होती है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड कभी भी उसकी स्पीड चेंज कर सकता है क्या, नहीं, मैग्नेटिक फील्ड कैन नेवर चेंज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल। मतलब अगर ये v स्पीड से एंटर करा है, तो हर इंस्टेंट पर उसकी स्पीड v ही होगी। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन।
ठीक है, तो अगर यहाँ पे क्या बोला है कि उसकी रेडियस इक्वल है, रेडियस इक्वल है अगर, अरे मतलब मुझे ऐसा लग रहा है ये प्रॉब्लम ना। अच्छा ओके, हाँ दोनों की रेडियस इक्वल है, मतलब अगर एक की रेडियस को मैं बोल रहा हूँ, एक क्या था, एक प्रोटॉन था और एक था हमारे पास अल्फा पार्टिकल, एम वी अपॉन क्यू बी, दोनों की रेडियस इक्वल है, मैग्नेटिक फील्ड तो वैसे भी इक्वल, इसको ना किसी और तरीके से सोचते हैं, दैट बी बेटर वे टू थिंक अबाउट दिस प्रॉब्लम, एनर्जी एक्वायर्ड बाय अल्फा पार्टिकल। ओके एक चीज समझे, अच्छा अगर मैं यहां पर वी से मल्टीप्लाई करूं और वी से डिवाइड करूं, अच्छा या फिर मैं एम वी को ये भी लिख सकता हूं क्या, ट्वाइस एम अंडर रूट ऑफ ट्वाइस एम के ई डिवाइडेड बाय क्यू इंटू बी। अच्छा इससे सोचते हैं, दैट बी इजियर टू थिंक। ओके समझना, क्योंकि हमें रेडियस इक्वल बोलिए और काइनेटिक एनर्जी में रिश्ता पूछने की कोशिश कर रहे हैं, समझना। सो रेडियस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एम एम इंटू वी को, एम इंटू वी को मैं लिख रहा हूँ अंडर रूट ऑफ टू एम के ई, के ई होता है हाफ एम वी स्क्वायर, ये बेसिकली दोनों चीजें सेम लिखिए, जो चीजें सेम है उसको एक मिनट के लिए भूल जाए, मैग्नेटिक फील्ड सेम यस, रेडियस सेम यस, तो हमारे पास फैक्टर क्या आ रहा है, कहना से अंडर रूट ऑफ एम इंटू के ई अपॉन क्यू, सबके लिए सेम होना चाहिए, तो बेसिकली अंडर रूट ऑफ एम फॉर दोनों के लिए, प्रोटॉन के लिए अलग लिख रहा हूं, काइनेटिक एनर्जी क्यू ऑफ प्रोटॉन बराबर अंडर रूट ऑफ एम फॉर अल्फा पार्टिकल, अंडर रूट ऑफ के ई फॉर अल्फा पार्टिकल अपॉन क्यू ऑफ अल्फा पार्टिकल। ओके क्या यहां तक सबको चीज समझ में आई है, फिर आगे बताता हूँ। ओके जल्दी से, हमें क्या बोला गया था, हमें बोला गया था टू कहाँ से आया, टू कहाँ गया। ओके मैं दो चीजों को इक्वेट कर रहा हूँ ना, तो टू और बी दोनों के लिए सेम है ना, रेडियस में दोनों दो चीजों को कंपेयर कर रहा हूँ, क्योंकि दोनों की रेडियस इक्वल है राइट, तो टू तो दोनों जगह आएगा और बी भी दोनों जगह आएगा राइट, तो हमारे लिए कहने से ये पूरी चीज सेम होगी। अब अल्फा पार्टिकल और जो हमारे पास प्रोटोन होता है, अगर मैं प्रोटोन के मास को एम बोल रहा हूँ, तो कहने से अल्फा पार्टिकल का मास 4m होता है क्या, ये पता है क्या, अच्छा अल्फा पार्टिकल होता क्या है, हीलियम 2+ है ना, मतलब अगर हीलियम से अगर हम दो इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं तो उसको अल्फा पार्टिकल बोलते हैं, तो इसमें अगर प्रोटॉन के पास एम मास है तो अल्फा पार्टिकल का मास 4m होगा क्या, ये बात समझ में आती है सबको, है ना, अगर प्रोटॉन का चार्ज हमारे पास क्यू है तो, अच्छा तो इसको बेसिकली मैं एम लिख रहा हूँ, तो ये हो गया हमारे पास 4m, प्रोटॉन का चार्ज अगर हमारे पास क्यू है या वट एवर इलेक्ट्रॉन के बराबर बोल, क्या हुआ, तो इसके चार्ज को अगर मैं इलेक्ट्रॉन के बराबर बोलूँ तो अल्फा पार्टिकल पे दो इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज होगा, क्या ये बात समझ में आ रही है, तो देखो ध्यान से एम एम तो वैसे भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से अंडर रूट 4 से 2 बाहर आएगा, तो कहना से वो 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, ई से ई कैंसिल हो जाएगा, एम से एम कैंसिल हो जाएगा, कहना से सारी चीजें कैंसिल हो गई, ये और ये एग्जैक्टली बराबर दिख रहे हैं क्या आप, अगर ये दोनों एग्जैक्टली बराबर हैं तो हमें प्रोटॉन की एनर्जी दी गई है, काइनेटिक एनर्जी, तो कहने से अल्फा पार्टिकल की भी एनर्जी वही होगी, इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम, मतलब चीज वही लिखी थी बट इंटरेस्टिंग वे में पुट अप करा गया है। अच्छा स्टिल किसी को कोई डाउट हो तो जल्दी से बोल रहे हैं, केवल हमने उसको इस चीज को काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में रखा है ना, और उसको उस तरह से अरेंज करके केवल अल्फा पार्टिकल और प्रोटोन को कंपेयर करते हैं, बताओ बताओ बताओ, इज दैट क्लियर, ओके मीत ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूँ, रेडियस किसी भी चार्ज पार्टिकल को जो हम मैग्नेटिक फील्ड में थ्रो करते हैं, तो कहना ऐसे ये फॉर्मूला पता है क्या, है ना, क्या हम एम इंटू वी को अंडर रूट ऑफ ट्वाइस एम इंटू काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं क्या, ये चीज बताना जल्दी से, है ना, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर, तो एम वी स्क्वायर एम स्क्वायर वी स्क्वायर एम वी, ये चीज समझ में आ रही है राइट, ओके ये चीज अगर समझ में आ रही है तो मैंने इसको ये लिखा, अब दोनों जगह पर अल्फा पार्टिकल की और उसकी रेडियस बराबर बोली थी, जो चीजें एनी विच वेज बराबर थी विच इज टू एंड बी, उसको तो मैं भूल गया क्योंकि मैं दोनों की रेडियस को इक्वेट कर रहा हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे क्या बचा, अंडर रूट ऑफ एम पी अंडर रूट ऑफ के ई पी अपॉन क्यू पी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ अल्फा एम अल्फा के ई अल्फा अपॉन क्यू अल्फा, ठीक है, अगर हमारा प्रोटॉन का मास एम है तो ये समझ में आ रहा है अल्फा पार्टिकल का मास 4 टाइम्स होगा, है ना, सिमिलरली अगर हमारा प्रोटॉन पे चार्ज अगर ई बोल रहा हूँ तो अल्फा पार्टिकल पे चार्ज कितना होगा, 2e के बराबर, है ना, तो वो 4 से 2 बाहर आके वो कैंसिल हो गया, तो ये दोनों बराबर आ गए, गॉट इट, ओके,
क्वेश्चन नंबर 19, स्क्वायर लूप दिया गया है एबीसीडी, करंट आई प्लेस द लूप पेन एंड स्टेट कंडक्टर नियर एंड कोप्लेनर विद द लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर एक्स वाई कैरिंग करंट आई, बट लेकिन रखा कहां है? नियर का मतलब अच्छा नियर एंड कोप्लेनर, अच्छा लेकिन ये बताना चाहिए कि कहां रखा है, नहीं तो फिर वो ये मेरे पास स्क्वायर लूप है, इसमें लेट से करंट आई फ्लो हो रहा है लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट आई, यार फिर से वही प्रॉब्लम कि अगर को प्लेनर है विच इज फाइन, मतलब इसको मैंने एक स्ट्रेट कंडक्टर जिसमें करंट कैपिटल आई फ्लो कर रहा है, हमसे बोला गया नेट फोर्स बताओ, ओके देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी, हो सकता है कि उसकी जरूरत ना पड़े जो मैं सोच रहा हूँ। अच्छा पहले सवाल समझना सब लोग, हमें बोला गया कि एबीसीडी ये एक लूप है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है लेट्स से लाइक दिस, इसको हमने सेम प्लेन में एक इन्फिनिट वायर जिसमें करंट कैपिटल आई फ्लो कर रहा है वो ऐसे रखा, हमें बोला गया फाइंड आउट द नेट फोर्स ऑन द लूप, ठीक है इस पर नेट फोर्स बताना है पहली चीज। इस होगा क्या, ये जो वायर है इन्फिनिट वायर, ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा अपने राइट साइड वाले रीजन में, उस राइट साइड वाले रीजन में जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी उसकी वजह से ए बी पे अलग, बी सी पे अलग, सी डी पे अलग और डी ए पे अलग अलग फोर्सेज लगेंगे, तो हम उसका नेट फोर्स निकालना चाह रहे हैं। ओके अच्छा आई एम अज्यूमिंग कि यहाँ पर जो ये एल दिया गया है ना, शायद ये लेंथ ऑफ द लूप दी गई है स्क्वायर लूप, क्योंकि ऊपर कहीं लिखा नहीं है तो मोस्टली ये होगा। हमें क्या नहीं गिवन है, जो हमें डाउट हो रहा है वो ये नहीं गिवन है, विच इज दिस, उसको ए बोल देता हूँ, ठीक है क्योंकि ऑप्शन में ना यहाँ पर फैक्टर एल का है बट ये ए का फैक्टर नहीं है, तो या तो ए कैंसिल हो रहा होगा वाइल सॉल्विंग। ओके पहली चीज, अच्छा इसकी वजह से क्या सबको ये बात समझ में आती है कि किसी भी एक इन्फिनिट वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होती है ऑन द राइट साइड वो म्यू नॉट आई बाई टू पाई एक्स होती है। अब यहाँ पर आई कौन सा है, कैपिटल आई नॉट छोटा है, ठीक है किसी एक जनरल एक्स पर कहना है इसे वो, और डायरेक्शन क्या होगी क्रॉस डीएल क्रॉस आर की वजह से। अब सोचो अगर मैं यहाँ पर एक छोटा सा वायर यहाँ लूँ और एक छोटा सा वायर एग्जैक्टली ऑपोजिट लूँ, तो ध्यान से देखो इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रहा है और इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, तो कहना है इसकी वजह से, इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस आई है डीएल क्रॉस आर करके देखो तुम, तो उस पर जो डीएफ आ रहा है वो ऐसे आएगा, और इस पे करके देखोगे क्योंकि करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट हो गई, मैग्नेटिक फील्ड की अभी भी वही डायरेक्शन है, उस पे डीएफ आएगा ऐसे। तो जो हमारे यहाँ पर दो वायर है विच इज ए बी एंड सी डी, इन दोनों पर जो नेट फोर्स आएगा वो जीरो आ जाएगा फॉर श्योर, तो इन दोनों के बारे में मुझे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। क्या ये बात समझ में आ रही है? केवल पहले इतना सा पार्ट, कौन सा पार्ट, कि ए बी पर जितना भी नेट फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है सी डी पर भी एग्जैक्टली उतना ही लगेगा, इसको मुझे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है फर्स्ट थिंग। इज दैट क्लियर? जल्दी बताओ तुम आगे बढ़े, ठीक है। सेकेंड पार्ट क्या है, जो हमारा वायर बचा बी सी एंड डी ए, बी सी पर हमारे पास जो नेट फोर्स आएगा डी एल क्रॉस आर करके देखो, डी एल हमारा है बी से सी के डायरेक्शन में और बी ए हमारा अंदर की तरफ, तो यहाँ पर जो फोर्स आ रहा है बी सी पर वो आ रहा है इस डायरेक्शन में। फोर्स हमने क्या पढ़ा है, फोर्स होता है आई एल क्रॉस बी, आई का काम कौन कर रहा है यहाँ पे छोटा आई, एल का काम कौन कर रहा है, आई एम अज्यूमिंग की लेंथ ऑफ दिस इज गिवन एज एल, और बी का काम क्या कर रहा है यहाँ पर म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई, अच्छा वो कैंसिल नहीं होगा, अच्छा समथिंग इज रॉन्ग देयर, ये आ रहा है। अच्छा प्लेस्ड हो सकता है दे आर ट्राइंग टू से कि वेरी नियर है, मतलब इवेंचुअली दे आर ट्राइंग टू से शायद कि ए को जीरो कर दो, लेकिन वो भी नहीं हो सकता, ये जीरो के वो इन्फिनिट हो जाएगा। अच्छा आई डाउट इन दिस प्रॉब्लम देन ना, क्योंकि और इस पे तुम निकालोगे ना ए डी पर तो फोर्स आएगा इधर, वो कितना आएगा आई एल क्रॉस बी, आई का काम कौन कर रहा है आई, एल का काम इसकी लेंथ एल और बी का काम कर रहा है म्यू नॉट आई बाई टू पाई ए के बराबर, तो अगर मैं इन दोनों को माइनस भी कर रहा हूँ ना तो भी यार ए कैंसिल तो होता हुआ वैसे भी नहीं दिख रहा है, समझ में आ रही ना ये चीज की ए कैंसिल नहीं हो रहा है यहाँ पे। इज ए प्लेस्ड नियर एंड को प्लेनर विद द लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर एक्स वाई, नहीं यार क्योंकि इन दोनों को अगर माइनस करूंगा ना देन ऑल्सो दिस वोंट गेट कैंसिल, और ये मोस्ट प्रोबेबली मुझे ऐसा लग रहा था कि ये जो कैपिटल एल है ना ये लेंथ ऑफ द कंडक्टर देना चाहिए था, बट अगर मैं माइनस, मैं बस थोड़ा सा एक बार सॉल्व करके दिखा देता हूँ, म्यू नॉट कैपिटल आई छोटा आई एल ये कॉमन आ रहा है अपॉन टू पाई इज ऑल्सो गेटिंग कॉमन, वन अपॉन
एक जगह फैक्टर आ रहा है ए का और एक जगह आ रहा है ए प्लस एल का। तो यार यहां से ए ऊपर तो कैंसिल हो रहा है ना, ऊपर एल आ रहा है, नीचे नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर मैं इसको ये चीज भी यूटिलाइज करूँ ना कि ये बहुत नियर रखा है, तो भी प्रैक्टिकली वो आंसर मैच नहीं होगा। किसी को कुछ और समझ में आ रहा है तो जल्दी से एक बार मुझे चैट में बताओ, बट एज फार एज आई रिमेम्बर 480 जीरो इफ इट इज नियर बाय, वही मैं बोल रहा हूँ कि मैं वो जीरो मान लेता हूँ, है ना, क्योंकि वो नियर, क्योंकि कितना नियर है इसलिए मैं ए को जीरो मान लूंगा। दिस इज व्हाट प्रोबेबली यू आर ट्राइंग टू से, है ना, देन वी कैन कम, है ना, इसीलिए मैं वही बोल रहा हूँ कि अगर इसको बिल्कुल ही पास मान लो, बिल्कुल ही पास का मतलब फिर से वही है, बिल्कुल क्लोज मानना पड़ेगा फिर, देन वी कैन से दिस थिंग, अदरवाइज नॉट। तो यार ये नियर नहीं रख रहा फिर, अच्छा थोड़ा सा लैंग्वेज कंफ्यूजन है। अच्छा क्या उससे आंसर मैच कर रहा है, तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। अगर ये बिल्कुल नियर है ना, तो ये वाली पूरी चीज जीरो हो जाएगी, और ये हमारे पास अगर बिल्कुल नियर है तो ए जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरे पास आंसर क्या आएगा, म्यू नॉट एल दिस दिस अपॉन 2 पाई एल। अच्छा फिर एल से एल भी कैंसिल हो जाएगा इन दैट केस। तो मेरे पास नीचे ऑप्शन में क्या आएगा, 2 पाई का फैक्टर आएगा और एल भी नहीं आएगा, तो आंसर फिर 4 आएगा उस केस में। क्या आंसर 4 है? नहीं यार ये, लेकिन सेंस बनेगा नहीं उसका फिर, इज द आंसर इज 4, मतलब फिर प्रॉब्लम का सेंस नहीं बनेगा, मतलब एक बार चेक करो। टेल मी टेल मी टेल मी यार। अच्छा देयर इज समथिंग, क्विकली समवन चेक एंड आंसर इज 4 और नॉट। अच्छा यार इतना प्लीज सो मच, अच्छा थर्ड दिया है, प्लीज आंखें खोलो यार सब लोग जल्दी जल्दी। आंसर इज गिवन एज थर्ड, 2/3 का फैक्टर है, नो देन इट इज नॉट पॉसिबल, है ना। तो आइदर आइदर प्रोबेबली या तो कुछ डायग्राम कुछ और दिया हो गया इन द ओरिजिनल प्रॉब्लम, या फिर यहाँ पर जो हमने चीज मानी है ना, अकॉर्डिंग टू दैट जो हमने माना है कि मैं एडी को यहाँ पे मान लूँ बिकॉज समवन इज सेइंग कि ये नियर लिखा है ना, सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी, बट स्टिल क्योंकि ये नीट में पूछा गया है, आई कैन चेक दिस प्रॉब्लम कि ओरिजिनली क्या था, या हो सकता है कि हटा दिया गया वो प्रॉब्लम, क्योंकि यहाँ पर जो हर जगह पे एल ऑप्शन में है नहीं है वो वाली चीज भी मिसिंग है एक्चुअली। क्योंकि मैं अगर इसको सॉल्व करके देखूं तो भी 2/3 का फैक्टर आना ना पॉसिबल यहां से तो नहीं है। ओके वी कैन चेक, ओके आई विल चेक दिस प्रॉब्लम एंड गेट बैक ऑन दिस, बट मोस्ट प्रोबेबली समथिंग इज मिसिंग, या फिर डायग्राम दिया गया होगा व्हिच इज नॉट लाइक दिस, कुछ और चेंज हो पड़ा है। ओके क्वेश्चन नंबर 21, अलोंग वायर स्टेडी करंट बेंड इनटू अ सर्कुलर ऑफ वन टर्न, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप इज बी, देन इट इज बेंड इनटू अ समथिंग। ओके पहली चीज कि अगर मेरे पास एक वायर है, सपोज उसकी लेंथ एल है, अगर मैं इसको बेंड कर रहा हूं इन वन टर्न, तो लेट्स से उस वन टर्न की रेडियस है आर, तो मैं क्या बोलूंगा, 2 पाई आर इज इक्वल टू एल। तो हमें बोला गया है कि मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप इज बी, तो बी का काम कौन करता है, म्यू नॉट आई बाई 2 आर, क्योंकि आर तो उसके टर्म्स में अगर मुझे रिप्लेस करना है, सो व्हाट आई विल राइट, म्यू नॉट आई बाई 2 आर की जगह मैं लिखूंगा एल अपॉन 2 पाई, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इज इन्होंने बोला कि अब हम क्या कर रहे हैं, जो ये लूप बनाया अब हम उसको एन टर्म्स में वो कर रहे हैं, मतलब इसी लूप को वापस से काटो तो एक वायर बनेगा, और दिस टाइम आई एम ट्राइंग कि इसमें एन लूप हो, लेट्स से उस एन लूप की रेडियस कितनी है, छोटा आर, तो हमारे लिए 2 पाई छोटा आर, बट कितने लूप है एन, उसकी लेंथ हो जाएगी एल के बराबर, मतलब इस केस में मेरा आर का काम कौन करेगा, एन अपॉन 2 पाई एन। ठीक है, हमें पता है कि अगर एक लूप होता है तो उसकी वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, म्यू नॉट आई बाई 2 छोटू आर, है ना, उसकी वजह से, बट हमारे पास कितने लूप है यहाँ पे, ऐसे एन लूप है, तो कहना ऐसे नेट मैग्नेटिक फील्ड, इसको मैं B1 बोल दे रहा हूँ, नहीं, अच्छा पहले वाले को इन्होंने बी बोला है और दूसरे वाले को आंसर बी के टर्म्स में चाहते हैं। ठीक है, तो कहना ऐसे यहाँ पे लिखूंगा म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाई 2 आर की जगह मैं रिप्लेस कर रहा हूँ ये, विच इज एल अपॉन 2 पाई एन के बराबर। अब क्या बचा मेरे पास यहाँ पर, अब इसको बस रिप्लेस करके देख लो यार एक बार, म्यू नॉट आई 2 पाई अपॉन 2 एल, म्यू नॉट आई 2
पाई अपॉन टू एच बचा क्या यहाँ पर, एक एन बचा और एक एन बचा, तो कैन आई से एन स्क्वायर का फैक्टर आ गया, आंसर शुड बी बी। सिंपल सा प्रॉब्लम था, केवल रिप्लेस करना था। बताओ, टेल मी टेल मी टेल मी, क्लियर है ना ये? इसमें कुछ था नहीं ज्यादा, जल्दी से बताइए। 21st इज क्लियर? यार सब लोग प्लीज आंखें खोलो, आई नो दिवाली वीक है, बहुत मिठाइयां खा ली है तुमने या जो भी है, प्लीज। ओके, ऐसा क्वेश्चन, थैंक यू सो मच। हाँ ओके, नहीं खाई है, मैं अपना एड्रेस भेज देता हूँ, मुझे भिजवा दो, ठीक है? कुछ नहीं खाया है ना, भूखे बैठे हो ना, मतलब ऐसे ऐसे जो जो बचपन में वो था ना, कुछ नहीं, बिना बिना खाए पिए पढ़ाई करनी पड़ रही है, ऐसी हालत हो गई है ना। यू आर वेटिंग फॉर पीपल टू सेंड, आई एम ऑल्सो वेटिंग फॉर पीपल टू सेंड, बहुत आई मेरे घर। ओके कूल, ठीक है, सब लोग जिसके घर में ज्यादा मिठाई है सब लोग मुझे मेरे घर में भिजवा देंगे। यस, नहीं है, मॉम डजंट अलाउ, मॉम की बातें चलो अभी मानते हो ना, मतलब मॉम की बातें इट इज वेरी गुड। वेट वेट कम करने के चक्कर में मत पड़ो यार, वेट कम करना है तो एक ही काम करो, भगवान से दुआ, बस उसी से ही काम होता है बस। ओके, क्वेश्चन नंबर 23। ओके, अरेंजमेंट ऑफ थ्री पैरेलल वायर्स प्लेस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर कैरिंग द सेम करंट इन द सेम डायरेक्शन एज शोन इन फिगर। अरे यार ये फिगर, तुम्हारे पास जो शीट है या जो तुम्हें वर्कशीट मिली है, क्या उसमें फिगर दिया गया है क्या? 23rd का एक बार चेक करोगे क्या? क्योंकि एक्चुअली आई कन्वर्ट इन PDF ना, तो हो सकता है वो हो जाता हो, मतलब जस्ट क्विकली चेक 23rd का तुम्हारे में फिगर है क्या? नहीं है। नहीं है, अच्छा सो फिर मैं यहाँ पर अब ये बता नहीं रहा हूँ, क्योंकि मैं कुछ अज्यूम करूंगा, ठीक है, कि ऐसा फिगर है और उसके हिसाब से सॉल्व करूंगा, अननेसेसरली वो कंफ्यूजन होगा। सो बट मैं तुम्हें ये वाली चीज बता दे रहा हूँ, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पर यूनिट लेंथ वाली चीज तुम्हें पता है कि कैसे होती है, बट जस्ट गिविंग यू द आइडिया की प्रॉब्लम, जस्ट इनकेस अगर तुम्हारे पास फिगर हो या तुम चेक करो तुम्हें पता लग जाए। नॉर्मली क्या होता है कि अगर मेरे पास एक इन्फिनिट वायर, उसकी वजह से किसी एक, अगर मैं तुमसे बोलूं r डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, तो हमें पता है कि वो होती है म्यू नॉट आई बाई टू पाई आर के बराबर। और उस वायर में अगर तुमने एक l लेंथ का दूसरा एक कर, सपोज इसमें करंट आई वन और इसमें करंट आई टू है, तो इस वायर की वजह से जहां पर आई टू रखा है वहां पर मैग्नेटिक फील्ड, उसको बी वन बोलते रहो, तो अभी इसको भूल जाओ, इसने अपना काम कर दिया मैग्नेटिक फील्ड निकालने का एट द पोजिशन ऑफ आई टू, ठीक है? जैसे ही उसने अपना ये काम करा, अब मुझे इससे कोई लेना देना नहीं, अब मैं ये सोचूंगा कि मेरे पास एक दूसरा वायर है जिसकी लेंथ L है, जिसमें करंट I2 फ्लो कर रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड किस मैग्नेटिक फील्ड में रखा है B1, तो इस पे फोर्स क्या हो जाएगा I L क्रॉस B, तो I का काम कौन कर रहा है यहाँ पे I2, L का काम कौन कर रहा है L, और B कौन सा है इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड थी विच इज B1, मैं डायरेक्टली वैल्यू डाल रहा हूँ, तो एक चीज दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पर ना नॉर्मली क्या होता है, ये जो एल लेंथ है उस पर डिपेंड करता है, तो यहाँ पर रादर देन रिमेम्बरिंग दिस भी हम याद रखते हैं कि व्हाट इज माय आंसर ऑफ फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो ये वैल्यू तुम याद रखना, फोर्स पर यूनिट लेंथ इज गिवन बाय म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2πr, दिस इज व्हाट यू आर सपोज टू रिमेम्बर, दैट फोर्स पर यूनिट लेंथ इज गिवन बाय, जब हमारे पास दो वायर पैरेलल रखे हो बट पर यूनिट लेंथ याद रखना, क्योंकि प्रॉब्लम में ना अगर ये पूछा गया है कि इसकी लेंथ दे दी, कि इसकी लेंथ है हमारे पास 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर, तो मेरा आंसर आएगा दिस मल्टीप्लाइड बाय द लेंथ, बट दैट्स हाउ इट इज बीइंग रिमेम्बर्ड, क्योंकि प्रैक्टिकली ना कई बार होता है दो इनफाइनाइट वायर होते हैं, तो अगर मैं तुमसे पूछूं फोर्स कितना आएगा तो इनफाइनाइट फोर्स आ जाएगा, तो दैट्स व्हाई वी डोंट रिमेम्बर इन दैट वे लेंथ के टर्म्स में, पर यूनिट लेंथ के टर्म्स में आते, ठीक है? ओके, बट अब वो एग्जाम, अब ये जो नीट वाले प्रॉब्लम ने जो ईयर दिया गया, यू कैन एनी विच वेज चेक इफ यू वांट टू, कि वो एक्चुअल डायग्राम पे है। ओके, क्वेश्चन नंबर 25, एक डायमैग्नेटिक रॉड है, द रनिंग वर्क रिक्वायर्ड टू डू दिस, अच्छा ये वाली चीज अभी हम नॉट डिस्कसिंग है ना, कि अभी ये प्रॉपर्टीज वाली कहानी है बेसिकली। 25th प्रॉब्लम जो दिया गया है
इट इज अ प्रॉपर्टीज की कहानी की कैसे वो होता है कि डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिक कैसे बिहेव करते हैं. सो वो केवल आई मोस्टली वैसे केमिस्ट्री में भी पढ़ा होता है कि हाउ द व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डाई पैरा एंड फेरो है ना, उसका कुछ वो है. सो थ्योरेटिकल सा प्रॉब्लम एनी व्हिच इज यू हैव टू रिमेंबर दिस नॉट डिस्कसिंग दिस एज ऑफ नाउ. ओके क्वेश्चन नंबर 27 सिलिंड्रिकल कंडक्टर कॉन्स्टेंट करंट मैग्नीट्यूड दिस इज करेक्टली रिप्रेजेंट. ओके दिस इज अ सिंपल प्रॉब्लम कि हमें केवल अगर फॉर्मूला पता होगा तो मेरा काम चल जाएगा. व्हाट फॉर्मूला? फॉर्मूला इज कि हमारे पास अगर एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर है विच इज लाइक दिस, ठीक है, इसके अंदर और बाहर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूले मोस्ट प्रोबेबली तुम्हें याद करने को बोला ही गया होगा. ठीक है, कि हमें बोला गया इसकी रेडियस अगर आर है तो इसके बाहर कोई भी पॉइंट होता है पहली चीज, ठीक है, विद द डिस्टेंस डी फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कंडक्टर. तो अगर कोई भी पॉइंट बाहर होता है तो इट बिहेव्स लाइक अ सिंपल स्ट्रेट वायर, तो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होती है म्यू नॉट आई बाई टू पाई आर. ठीक है, म्यू नॉट आई बाई टू पाई आर, तो कहना है से वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है. तो क्या मेरा आंसर ये गलत? अच्छा, यहाँ पर तो केवल एक ही गलत हुआ. ठीक है, जो अंदर मैग्नेटिक फील्ड होती है, हम जस्ट एक बार बता दे रहा हूँ कि वो निकाली कैसे जाती है. वो यहाँ पर एक एम्पियर्स लूप लेते थे और वो एम्पियर्स लूप हम लिखते थे बी इंटू टू पाई आर बराबर म्यू नॉट इंटू आई इन. आई इन कैसे निकालते थे? आई इन निकालते थे हम टोटल करंट जो आई है वो कितने एरिया में फ्लो कर रहा है, पाई आर स्क्वायर में, उसका मैं कितना छोटा पोर्शन ले रहा हूँ, ये छोटा वाला. सो दैट्स हाउ वी यूज टू सॉल्व इट. तो यहाँ पर जो बस टर्म दिखा रहा हूँ कि एक आर से एक आर का आंसर होता है, तो इनसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड आती थी वो आती थी प्रोपोर्शनल टू आर. प्रोपोर्शनल टू आर का मतलब क्या है? स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू एम एक्स है ना. तो आंसर ये होगा क्योंकि यहाँ पर तो कॉन्स्टेंट है, मतलब एक्सिस से जब तक मैं यहाँ जा रहा हूँ क्या कॉन्स्टेंट है? नहीं. जीरो है क्या? नहीं. ये तो वैसे ही गड़बड़ हो गया और ये वाला मैंने इससे गलत कर दिया था. तो मेरा आंसर वुड बी सी. क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? राइट? ओके. ओ खत्म ये वाले. या 25th में थ्योरेटिकल सा प्रॉब्लम था, आई आस्क यू टू रिमेंबर दिस थिंग है ना, क्योंकि अभी ये नहीं तो फिर डाई पैरा फेरो वो चीजें समझानी पड़ेंगी. तो एज ऑफ नाउ वी जस्ट रिमेंबर क्योंकि थोड़ा. ओके सो ये कंप्लीट हो गया. लेट्स कम बैक टू दैट. जेई वाले प्रॉब्लम्स देते हैं थोड़े से. यही पे ले लूं क्या? इसी में ही ले लेता हूँ. सो दैट आई विल सेंड यू बोथ द वर्कशीट इन वन पीडीएफ. चलेगा ना? मतलब अलग अलग नहीं भेजूंगा, जस्ट. अरे यस. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करें. थोड़ा सा डरावना लग रहा है, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन ओनली. ओके, दो लॉन्ग पैरेलल वायर्स दिए गए हैं, डी डिस्टेंस अपार्ट. अच्छा, ये वाले प्रॉब्लम ना अच्छे से होते हैं, इंटरेस्टिंग होते हैं. अच्छा, ये वाले प्रॉब्लम यार एक बार सब लोग थोड़ा सा ध्यान देके समझना कि कैरीज द करंट. अच्छा यार, अब यहाँ पे क्लियरली आउट ऑफ द पेपर. ओके, हर जगह पे ना डॉट है, मतलब करंट जो फ्लो कर रहा है ना वो डॉट बनाया है यहाँ पे. मतलब अच्छा, तो समझना ये दोनों इन्फिनिट वायर है, यहाँ पर डॉट करंट और यहाँ पर डॉट करंट. ठीक है, दोनों में करंट इस टाइप से फ्लो कर रहा है. ठीक है, हमको बोला गया वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द लाइन. हमें क्या पता है? मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, यस. तो एक की वजह से जो करंट फ्लो करता है, मैग्नेटिक फील्ड आती है, वो आती है म्यू नॉट आई बाई टू पाई आर. आर मतलब यहाँ पे एक्स लिख रहा हूँ अभी समझाने के लिए. तो कहना इसे जब किसी के भी मैं बिल्कुल पास जाऊंगा, किसी के भी पास, तो एक्स हमारा एक तो पहली चीज जीरो अप्रोच करेगा. एक्स से जीरो अप्रोच करेगा तो ये पूरा टर्म इन्फिनिटी अप्रोच करेगा फॉर श्योर. सो वेन एवर आई एम क्लोजर टू एनी वायर देन मेरी मैग्नेटिक फील्ड एक तो इन्फिनिटी अप्रोच करेगी. दैट्स वाई ये सब ग्राफ्स ऐसे दिए गए हैं कि इन्फिनिटी से आ रहे हैं. दूसरी चीज, अगर मैं सपोज मैं लेफ्ट से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, मैं जब इसके बिल्कुल पास हूँ तो इसका इफेक्ट डोमिनेटिंग होगा कंपेयर टू दिस इफेक्ट. क्यों? क्योंकि इसके बिल्कुल पास है, इसके बिल्कुल पास है, तो इसका इफेक्ट बहुत ज्यादा. तो अगर मेरे पास डॉट वायर है तो कहने से उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड डीएल क्रॉस आर करके, क्या सबको ये चीज समझ में आती है? जस्ट क्विकली एक्सप्लेन कि सपोज करंट ऐसे फ्लो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड इसके सराउंडिंग में, वी कैन डायरेक्टली ड्रॉ बाय द लूप है ना. थंब के डायरेक्शन में अपना हाथ रखो तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है इसके सराउंडिंग में अलग अलग जगह पर, मतलब राइट में ऊपर है, लेफ्ट में नीचे है. तो इसके जस्ट राइट में कहना ऐसे वो ऊपर होगी और इसका इफेक्ट बहुत ज्यादा होगा क्योंकि एक्स जीरो अप्रोच कर रहा है, मतलब वो पॉजिटिव इन्फिनिटी अप्रोच करेगा.
ये लॉजिक समझ में आ रहा है? दिस इज एन इंपॉर्टेंट लॉजिक, प्लीज चेक इफ इट इज क्लियर. तो मेरा आंसर यहां पर ये नहीं हो सकता क्योंकि ये नेगेटिव इंफिनिटी है इसके राइट में. तो मेरा आंसर पहली चीज ये गलत. पहले केवल बस पहला वाला पार्ट समझ में आ जाएगा तो बाकी चीज बहुत आसान हो जाएगी. तो मैंने क्या बोला, इसके राइट में मैग्नेटिक फील्ड मेरे पास आ रही है बहुत ज्यादा, क्योंकि एक्स जीरो है, वो आ रही है ऊपर की तरफ. ऊपर की तरफ कैसे आ रही है? डॉट करंट के राइट के बिल्कुल राइट में जो पॉइंट है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड ऊपर होती है. तो तुम डीएल क्रॉस आर से देखो या फिर जो हमारा थंब वाला रूल है, ठीक है, कहने से एग्जैक्टली सिमिलरली एग्जैक्टली लेफ्ट में देखो तो कहने से वो नीचे की तरफ आ रही है इंफिनिटी की तरफ, तो राइट में नीचे की तरफ इंफिनिटी है, तो कहने से ये वाला गलत. अच्छा क्विकली कैन समवन टेल मी यहां तक ये कहानी ये इतनी ज्यादा क्यों है और डायरेक्शन क्या है? इससे मैंने थर्ड एंड फोर्थ हटाए हैं, अभी ये वाला पोर्शन मेरा मैच हो गया. अब अंतर देखते हैं इस वाले में और इस वाले में अंतर क्या है. बीच में यहां तक इसके लेफ्ट वाला और इसके लेफ्ट वाला एग्जैक्टली सेम है. तो मैं बस ये चेक कर लेता हूं कि ये वाले वायर की इसके यहां पर हमारे पास फील्ड की डायरेक्शन क्या है, तो मेरा काम चल जाएगा. क्यों? क्योंकि इसके लेफ्ट में एक जगह पे माइनस इंफिनिटी है और इस वाले केस में प्लस इंफिनिटी है. जब मैं इसके लेफ्ट में हूं तो किसी भी डॉट वायर के लेफ्ट में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? ये वाली. अगर ये वाली डायरेक्शन है और ये डोमिनेटिंग होगा, इसका इफेक्ट बहुत ज्यादा काउंट नहीं होगा जब मैं बिल्कुल पास में हूँ. तो कहना है ये निगेटिव इन्फिनिटी अप्रोच कर रहा है, इस वाले केस में ये पॉजिटिव कर रहा है, तो ये गलत. आंसर इज दिस, यू डोंट हैव टू सॉल्व इट, यू जस्ट हैव टू एलिमिनेट द ऑप्शंस. अच्छा आई एम श्योर इफ देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि यार तुम्हें अगर ऐसा लग रहा हो कि यार अभी भी थोड़ा बहुत डाउट है या कुछ भी रह गया है, तो प्लीज प्लीज आस्क, क्योंकि ऐसे प्रॉब्लम्स कई बार पूछे गए हैं ग्राफ वाले, है ना, बट लॉजिक क्या है वो समझ में आना चाहिए. बताओ जल्दी से, क्लियर है क्या? बोलो 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 फटाफट, जल्दी 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 बताओ. हेलो यार, ऐसा ऐसा मेरे पास एक ऐसी कोई डिवाइस होनी चाहिए जहां पे आई कुड हैव चेक्ड कितने लोग सो रहे हैं. आ गया क्या? पक्का समझ में आ गया? सब कुछ समझ में आ गया एक ही बार में? ऐसे 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 झूठ भी मत बोलो यार. कोई तो होगा यार जिसको नहीं समझ में आया होगा, एंड आई वुड लव टू टेल अगेन, कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे. बट लेकिन हाँ, क्योंकि यस थैंक यू यार, ये बोलना पड़ेगा ना, मैं 5 बार बोलूंगा तब तुम बोलोगे तो कैसे मजा आएगा. ओके मैं एक बार और समझा रहा हूँ, कंसेप्ट समझना, क्योंकि आगे आगे ऐसे प्रॉब्लम आएंगे, आई डोंट नो है कि नहीं. ओके हो सकता नहीं, बट लॉजिकली एक बार फिर से थोड़ा सा समझना. क्या बोला हमने? किसी भी वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ये होता है क्या? हाँ, है ना. डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? डीएल क्रॉस आर से. तो जब एक्स की वैल्यू जीरो अप्रोच करती है तो कहना से ये टर्म मेरा एक्स अप्रोचिंग टू जीरो, दिस होल टर्म विल अप्रोच टू इन्फिनिटी. अब इट कुड बी पॉजिटिव इन्फिनिटी, निगेटिव इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है? मतलब यह है डायरेक्शन, कि जैसे कि मैं अगर ये वाला पॉइंट लेता हूँ, चलो इससे समझ में, मतलब वैसे तो कोई भी पॉइंट ले लो एक ही बात है. तो अगर यहाँ पर करंट डॉट है, तो अगर मैं तुमसे बोलूँ इस डॉट करंट की वजह से इसके जस्ट लेफ्ट में जो पॉइंट है यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, मतलब जस्ट लेफ्ट मतलब ये वाला पॉइंट है ना ऑन द दिस लाइन, कहना से डीएल अपना हाथ रखो प्लस के कैप में, अपना हाथ इस डायरेक्शन में रखो, अपने हाथ को घुमाओ इस डायरेक्शन में, तो कहना है इसे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये आ रही है क्या? और क्योंकि एक्स जीरो अप्रोच कर रहा है मतलब वो निगेटिव इन्फिनिटी अप्रोच कर रहा है, तो कहना है इसे ये पॉइंट यहाँ पर ये जस्टिफाइबल पॉइंट है. बताओ इज दैट क्लियर टू एवरीवन? क्या है ना, अभी समझ में आ रहा है ना ये वाली चीज, है ना. सिमिलरली इसी तरीके से मैंने राइट वाला पॉइंट लिया अगर, तो तुम फिर से डीएल क्रॉस आर करो तो कहने से वो ऊपर आ रहा है, मतलब वो पॉजिटिव इन्फिनिटी अप्रोच कर रहा है, ये वाला पॉइंट जस्टिफाइबल. अब क्योंकि अभी तो आंसर निकाल लिया तो अब तो मुझे, मैं डायरेक्टली इसी पे ही बता दे रहा हूँ, ठीक है. सिमिलरली जब मैंने यहाँ का लेफ्ट पॉइंट लिया, सॉरी यहाँ का राइट पॉइंट लिया तो पॉजिटिव इन्फिनिटी तो ये आया, लेफ्ट वाला लिया तो नेगेटिव इन्फिनिटी तो ये आया. तो इन सारे पॉइंट्स को अगर मुझे ज्वाइन करना है, और बिल्कुल ही इन्फिनिटी पहुंच जाओगे तो वैसे ही जीरो हो जाएगा. इन सब पॉइंट को अगर मैंने ज्वाइन करा तो कह रहे से अभी आंसर फर्स्ट आएगा. अभी तुम तो क्रॉस चेक करोगे तो फिर सेकंड थर्ड फोर्थ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत हो रहे होंगे, इसलिए आंसर. अभी 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 क्लियर हुआ जिस जिसको दोबारा से डाउट हो रहा था? ऋषिकेश, अश्वंत, है ना, क्लियर ना? आयुष एक बार आई गेस ज्वाइन करो, बाकी सबको सही आ रहा है ना? आयुष एक बार ट्राई इट अगेन. ओके क्वेश्चन नंबर थर्ड,
अरे यार यहाँ पे कुछ लिखा है क्या? क्या तुम्हारे पास जो शीट है, अगर कोई बता दे जल्दी से, ऐसा लग रहा है कि कुछ मिसिंग है। इस समथिंग इज रिटिंग हेयर क्या? एक बार, इस चार्ज मूव्स विद द वेलोसिटी, कुछ वैल्यू दी गई है क्या यहाँ पे? और तुम्हारे पास भी नहीं है। अच्छा, वेलोसिटी समन जस्ट सेट 3i + 4j + k है। ओके, इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड गिवन बाय, सेकेंड वाली चीज क्या लिखी है? मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सेकेंड। अच्छा, फर्स्ट बता दिया, सेकेंड मैग्नेटिक फील्ड बताओ क्या लिखा है। अच्छा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, तो हो सकता है ई और बी दोनों लिखे हो शायद, ऐसा हो सकता है। प्रॉबेबली 3i, कौन सा ई है कौन सा बी है वो बता दोगे क्या? मोस्टली पहला ई लिखा जाता है ना, दूसरा बी लिखा जाता है। i + j + 3k ये है क्या? इज दिस ई एंड दिस इज बी, इज इट? एक बार बस ये चेक कर लो बस, सही है ना? दिस इज ई एंड दिस इज बी। ओके, सो अच्छा, तो आइडिया क्या है? हमारे पास फोर्स क्या है? फोर्स क्या होता है हमारे पास? नेट फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है, और उनकी दोनों की वजह से जो फोर्स आएगा वो मेरा आंसर हो जाएगा, है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स क्यू इंटू ई के बराबर, मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स क्यू इंटू वी क्रॉस बी के बराबर। ओ अच्छा, यहाँ पे केवल वाई कॉम्पोनेंट पूछ रहे हैं, ठीक है, तो मैं बाकी सब भूल ही जाता हूँ, ठीक है। कैन आई से इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वाई कॉम्पोनेंट है वहां पर केवल जे कैप है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो जे, अच्छा मैं ओनली नाउ एम टॉकिंग अबाउट जे कॉम्पोनेंट, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो जे कॉम्पोनेंट आएगा, कैन आई से वहां पर केवल क्यू इंटू ई होगा, तो मतलब केवल क्यू का फैक्टर आएगा इसकी वजह से जो आएगा, केवल जे कॉम्पोनेंट, ठीक है। वी क्रॉस बी में, वी क्रॉस बी में मेरे पास वी ये है बी ये है, इन दोनों का मैं क्रॉस करना चाह रहा हूं, बट आई ओनली वॉन्ट जे कॉम्पोनेंट। जे कॉम्पोनेंट कब आता है? आई को आई के साथ करेंगे तो नहीं आएगा, आई को जे के साथ करेंगे तो नहीं आएगा, आई को जे के साथ करेंगे तब जे आएगा। तो इसको और इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो कहने से यहां पर आएगा 9, और आई क्रॉस के कहने से वो माइनस जे आएगा, तो यहाँ पे -9 लिख दूँ चलेगा क्या? अच्छा, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, प्लीज कंफ्यूज मत होना। इस आई को मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई करा है, तो आई क्रॉस के, क्योंकि वी क्रॉस बी करना है, राइट? तो वी ये है बी ये है, तो यहाँ पर आएगा -j क्या, तो एक फैक्टर आया ये। फिर जे का इस, अच्छा जे को किसी के साथ भी करूंगा तो वहां पर हमारे पास एनी विच वेज जे नहीं आ सकता, है ना? जे का आई के साथ करो, जे के साथ करोगे 0, सब व्हाटएवर, ठीक है। के का करूंगा आई के साथ, तो के क्रॉस आई कहने से वो +j होता है ना? तो कहना से के क्रॉस आई करूंगा तो एक +j एक और आएगा, बाकी कहीं पे आएगा नहीं। जे के साथ करो, किसी के साथ भी करोगे तो ऑब्वियसली नहीं आएगा, तो कहना से इस वाले में मेरे पास -8j आया, है ना? और क्यू से मल्टीप्लाई करूंगा तो -8q जैसा कुछ आएगा। कहना से यहां से आया है मेरे पास +q जैसा कुछ, और यहां से आया है -8q जैसा कुछ। कहना से डायरेक्टली मुझे नेट फोर्स का जो जे कॉम्पोनेंट आएगा वो 7q जैसा कुछ आ जाएगा। अच्छा, मैंने बहुत शॉर्टकट में बताया है, बट लॉजिकली समझना कि तुम्हें भी यही करना है। यू डोंट हैव टू राइट पूरा मल्टीप्लिकेशन करके, तुम्हें चेक नहीं करना है ना? तो जैसे तुमने ये देखा, तुमने जैसे ये देखा वाई, मैंने केवल वाई को पकड़ा यहाँ पर, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद वाई कब आता था, है ना, या जे कैप कब आता था, तो हमें पता है आई का के साथ करते हैं तभी आता है। तो एक बार आई का के साथ करा, और एक बार के का आई के साथ करा, केवल वो वाला टर्म लिखा है। हाँ, मॉड ले लेंगे, क्योंकि हो सकता है वो, अगर वो एक्चुअली पूछना चाहते हैं ना, अगर यहाँ पर मेरे पास -7q एक ऑप्शन होता, जस्ट आई एम टेलिंग यू, क्योंकि वो है ही नहीं। अगर होता तो देन माय आंसर वुड हैव बीन दिस, सो अगेन इट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, है ना? क्योंकि यहाँ पे वही मैंने सबसे पहले, एक्चुअली मैंने भी वही सोचा था कि एक प्लस दिया और एक ये माइनस आ रहा है, तो आइडियली मेरा आंसर होना चाहिए -7q, -7q j कैप आइडियली, ठीक है, बट दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट इट, इसलिए हमने ये लिखा। बट इन द सेम प्रॉब्लम अगर एक ऑप्शन ये होता देन दिस वुड हैव बीन द राइट आंसर, तो फिर बोलते कि हमने तो ये पूछा था, है ना? दिस इज जस्ट अ वे ऑफ सेइंग, ये फालतू की चीज होती है। नॉर्मली दे वोंट, अगर किसी ने ये निकाला है तो उसको मतलब कहानी पता है, कंसेप्ट पता है, सो नॉर्मली दे वोंट गिव यू, बट अगर है तो जो ज्यादा अप्रोप्रिएट है वो लगाना। क्लियर ना सबको ये? ओके, कूल। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। ओके, थोड़ी लंबी सी कुछ बड़ी कहानी लिखी है, काम की चीजें उसमें निकालते हैं अपने अपने को, जो मतलब की चीजें केवल उस पर ध्यान देते हैं। चार्ज की यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द नॉन कंडक्टिंग डिस्क ऑफ रेडियस आर। ओके, ये एक डिस्क है जिसकी रेडियस दी गई है आर, और यहाँ क्योंकि इतने बड़ी कहानी में ना फिर से वही होता है, वो भूल ही जाते हैं कहाँ पर क्या है। नॉन कंडक्टिंग है और उसपे क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है।
डिस्क रोटेट अबाउट एक्सिस परपेंडिकुलर टू पासिंग थ्रू द सेंटर, ये डिस्क अपने सेंटर के अबाउट ओमेगा से घूम रही है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क जो उसकी एक्सिस है। एज द रिजल्ट ऑफ द रोटेशन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन ऑब्टेन एट द सेंटर ऑफ द डिस्क, ये बोल रहे हैं कि इसकी वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऑब्टेन हुई है। ओके, इफ वी कीप बोथ द अमाउंट ऑफ चार्ज प्लेस्ड ऑन द डिस्क एंड एंगुलर वेलोसिटी टू बी कांस्टेंट, इफ वी कीप बोथ अमाउंट ऑफ चार्ज प्लेस्ड एंड एंगुलर वेलोसिटी टू बी कांस्टेंट एंड वेरी द रेडियस ऑफ द डिस्क, ऐसा कैसे हो सकता है? अच्छा, तो ये घूम रही है, यहां तक कहानी अपनी क्लियर हो गई। अब बोल रहे हैं ये तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आ रही है सेंटर पे कुछ। अब ये बोल रहे हैं इफ वी कीप टोटल चार्ज कॉन्स्टेंट रख रहे हैं ये एंड एंगुलर वेलोसिटी कॉन्स्टेंट रख रहे हैं और डिस्क बढ़ा रहे हैं, मतलब ये थोड़ी देर में इस डिस्क के साइज को इन्होंने बढ़ा के ये कर दिया जस्ट, ठीक है, बट अभी भी इनका ओमेगा वही है और जो टोटल चार्ज था वो भी वही है, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं देन द वेरिएशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द डिस्क। ओके, आई होप पहले तो सबको सवाल समझ में आ रहा होगा कि क्या बोला गया है। बोला गया है कि ये हमारे पास एक डिस्क है, पहले चार्ज रखा है, इसको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसको घुमा रहे हैं तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड एग्जैक्टली एट द सेंटर आ रही है, ठीक है। लेकिन हम क्या ये सॉल्व करना पड़ेगा, सो दिस इज व्हाट आई एम थिंकिंग। अच्छा, तो अभी ऑप्शन और फिर क्या बोला कि सेम चार्ज को अगर हमने बड़ी रेडियस में डाल दिया, ठीक है, लेट्स से ये आर टू है, ये आर वन है, अगर आर टू की वैल्यू ग्रेटर देन आर वन है, सो दे वॉन्ट अस टू ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन बी एंड आर, कि जैसे जैसे हम आर की वैल्यू बढ़ाएंगे तो क्या मैग्नेटिक फील्ड एग्जैक्टली एट द सेंटर बढ़ेगी या कम होगी। ओके, प्रॉब्लम इज इंटरेस्टिंग, सॉल्व कैसे करा जाए ये सोचते हैं। तो बेसिकली अपने को क्या करना है, अपने को बी वर्सेज आर का ग्राफ बनाना है, तो बी वर्सेज आर में एक रिश्ता निकालना है, बी एज अ फंक्शन ऑफ आर निकालना है और चेक करना है कि क्या होगा। ओके, सबसे पहली चीज हम क्या करें यहाँ पे, आई थिंक निकालना ही पड़ेगा शायद, द रीजन इज ना, या फिर हम ये काम कर सकते हैं क्या, क्यू बाई टू एन I omega और m होता है हमारे पास, लेकिन उससे b कैसे निकलेगा। ओके, आई थिंक आर्क वाला फॉर्मूला नहीं यार, आर्क वाला फॉर्मूला इसलिए नहीं लगेगा ना क्योंकि ये डिस्क है यार। ओके ओके, जब नहीं समझ में आ रहा है, आई वॉज थिंकिंग ऑफ क्या हम इंटीग्रेशन से बच सकते हैं, बट ऐसा लग रहा है कि नहीं बच पाएंगे, तो लेट्स ट्राई विद द इंटीग्रेशन। सो व्हाट आई एम सेइंग इज हाँ, सो आई डोंट लाइक इंटीग्रेशन अननेसेसरली, आई डोंट वॉन्ट टू यूज इंटीग्रेशन इन द प्रॉब्लम, ठीक है, वो केवल वो वाली चीज है, बट लेकिन अब नहीं यहाँ समझ में आ रहा है। अच्छा, तो अब मैं तुम्हें क्या बता रहा हूँ समझना ध्यान से, इस पे क्यू चार्ज है, इसकी रेडियस आर है और वो क्यू चार्ज पूरे में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो अगर मैंने यहाँ से एक छोटू एक्स पर एक छोटू रिंग ली, ठीक है, वो छोटू रिंग की थिकनेस है मेरे पास डी एक्स, जो अभी थोड़ा सा बताया था उसी का ही कंसेप्ट है, बट लेट्स ट्राई इट आउट कि इसको एक्चुअली सॉल्व कैसे करेंगे। ओके, सो अगर ये क्यू चार्ज पूरे डिस्क में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ये जो छोटी सी मैंने रिंग ली है, ठीक है, एक्स पे डी एक्स वाली, उस पर डी क्यू चार्ज कितना होगा, क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर पाई आर स्क्वायर, जो मैंने ये छोटा सा पोर्शन लिया है कहना से, उसका एरिया हो जाएगा टू पाई एक्स डी एक्स। ये अच्छा बहुत बार करा है प्रॉबेबली, सो आई होप सबको ये समझ में आता होगा हाउ आई एम राइटिंग दिस, जो चीजें कैंसिल हो रही है उसको कैंसिल कर दो, तो यहाँ है ना, अगर किसी को डाउट है तो मैं बता दूंगा, ऐसा कुछ नहीं, बट क्योंकि कई बार करा है तो मोस्ट प्रोबेबली आई गेस ये क्लियर होगा। ओके, ये मेरे पास आ रहा है डी क्यू, अभी अभी क्या बात करी, अच्छा ये अगर ओमेगा से घूम रही है, दिस इज योर फेवरेट पार्ट, मेरा तो नहीं है, अच्छा तो मतलब ये क्यों ना, क्योंकि ये मैथ्स है बेसिकली, इसमें फिजिक्स जैसा कुछ। ओके, तो पॉइंट है, अभी अभी हमने क्या बोला, डू यू रिमेम्बर, हमने बोला था अरे क्यू चार्ज अगर एक कांस्टेंट ओमेगा से घूम रहा है तो ये इफेक्टिव करंट कितना प्रोड्यूस करता है, क्यू ओमेगा बाय टू पाई। तो अब तुम सोचो यहाँ पर ये डी क्यू चार्ज एक कांस्टेंट ओमेगा से घूम रहा है तो ये कितना करंट प्रोड्यूस करेगा, उसको मैं ये लिख सकता हूँ, क्यू का काम कौन कर रहा है, डी क्यू ओमेगा अपॉन टू पाई, राइट, है ना, उसकी वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगी, जिसको मैं डी बी लिख रहा हूँ, म्यू नॉट I by 2R, R का काम, I का काम कौन कर रहा है DI और R का काम कौन कर रहा है X। अब अच्छा एक चीज और, जब मैं बार बार लिख रहा हूं ना, can I keep on removing जो मेरे constant term है उसको मैं हटा दूं तो काम चलेगा ना, है ना, क्या फर्क पड़ रहा है ना, तो जो ये या जैसे mu not by 2R है,
ये तो यार हर बार ही आएगा, और हमें केवल एक ग्राफ बनाना है, तो हमें केवल रिश्ता पता करना है ना, हमें एक्चुअल तो नंबर पता ही नहीं करना है, तो म्यू नॉट अपॉन टू को मैं हटाता ही जा रहा हूँ क्योंकि हमें जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके, सो व्हाट आई एम राइटिंग हियर इज, यहाँ पे डी आई लिखा है, डी आई की वैल्यू है ये, कहने से 2 पाई यहाँ पर आ रहा है उसको भी भूल जा रहा हूँ। अच्छा तो मैं उसको हाईलाइट कर रहा हूँ कि मैं किसको हटा रहा हूँ, जो चीज कॉन्स्टेंट है थ्रू आउट, ये कॉन्स्टेंट है ना, और क्या कॉन्स्टेंट है, ओमेगा इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट, डी क्यू में ये वाला 2 कॉन्स्टेंट, ये क्यू कॉन्स्टेंट है क्योंकि उन्होंने बोला कि टोटल चार्जेस कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो हमारे लिए अब टर्म क्या बच रहा है वो ध्यान से समझते हैं, हमारे लिए डी आई में टर्म बच रहा है केवल डी क्यू का, और डी क्यू में मेरे पास टर्म है एक्स डी एक्स अपॉन आर स्क्वायर का, एक्स डी एक्स अपॉन आर स्क्वायर का टर्म है डी क्यू में, और यहाँ पर एक 1 अपॉन एक्स का टर्म और, अरे आर स्क्वायर भी कॉन्स्टेंट नहीं, आर स्क्वायर पे आर के रिस्पेक्ट में मुझे फंक्शन निकालना है ना, आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट है इस केस में, बट लेकिन इसके रिस्पेक्ट में निकालना है, तो वो दैट्स व्हाई आई एम कीपिंग इट आर। ठीक है, तो कहने से ये डी बी आ रहा है यहाँ पर ऐसा कुछ, अच्छा मैंने ये हटाने के चक्कर में कुछ काम की चीज ना हटा दी, तो टाइम यहाँ पे एक्स डी एक्स अपॉन आर स्क्वायर आ रहा था, ये दोनों कॉन्स्टेंट में थे, और यहाँ पर एक अपॉन में एक्स आ रहा था। ओके आई थिंक वी आर गुड। ठीक है, एक्स एक्स कैंसिल हो रहा है, और जब मैं डी एक्स को इंटीग्रेट करूंगा पूरी डिस्क के लिए, तो 0 से R तक करूंगा, तो कहने से यहाँ पर डी एक्स का इंटीग्रेशन 0 से R तक कितना आएगा, आर का फैक्टर आएगा, और एक आर स्क्वायर नीचे हाई था, तो कहने से जो बी हमारा आ रहा है वो कुछ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर आ रहा है। बताओ बताओ बताओ, मैंने बहुत ही चोरी करके ये काम करा है, बट आई होप समझ में आया होगा। तो कहने से बी कमिंग आउट टू बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, विच इज ए ऑप्शन। अच्छा टू बी ऑनेस्ट, जो मैं सोच रहा था ना कि मैं बच जाऊं इंटीग्रेशन में, इस मोस्ट प्रोबेबली इसमें ना ये मेहनत करनी पड़ेगी, मतलब बच नहीं पाओगे, मतलब इतना बचने का काम ये हो सकता है बस केवल कि मैं थोड़ा सा ये दिमाग लगाऊं प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन करूं, कि यार जब आर की वैल्यू हमारी किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू पर मैं बोलूं कि यार बी 0 तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि अगर मैं आर एक बढ़ाता जा रहा हूँ है ना, तो 0 तो हो गई नहीं, तो ये ऑप्शन हटा सकता हूँ, आर की वैल्यू बढ़ाते जाओ बी कॉन्स्टेंट होगा ऐसा भी नहीं होगा, इन दोनों के लिए ना मतलब ये बेसिक लॉजिक से बता सकता हूँ कि अच्छा आर बढ़ाते जाओगे तो क्या बी बढ़ता जाएगा, नहीं ऐसा भी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि चार्ज हमारा दूर जाता जा रहा है, अगर चार्ज दूर जाता जा रहा है ना, तो फिर वो तो प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन से हम कर सकते हैं, बट इफ यू वॉन्ट टू एक्चुअली फिगर आउट कि किस टाइप का ग्राफ दिखेगा उसके लिए थोड़ी सी चीजें करनी पड़ेंगी। अच्छा किसी को डाउट है तो प्लीज पूछो एक बार फटाफट। तो हमने ये काम क्या करा है, एक तो ये पुरानी वाली चीज इसको यूटिलाइज करा है जो अभी बताया, उसको यूटिलाइज करके मैंने डी आई लिखा, डी आई की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लिखी, और उससे मैंने बस केवल ये निकाला है, नॉट दैट सुपर डिफिकल्ट टाइप ऑफ थिंग, बट हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, इज दैट क्लियर, गुड मॉर्निंग जनता, बोलो समझा, ओके बढ़िया है। क्वेश्चन नंबर 7, ओहो कुछ 3D कहानी है, ठीक है, यस आई नो पीपल आर स्लीपिंग, वांट टू स्लीप एट लीस्ट, नहीं ये वेरी गुड, दो तीन लोग, साहिल कॉफी मंगाई जाए तुम्हारे लिए। ओके क्वेश्चन नंबर 7, कंडक्टर लाइज इन दिस, ये क्या, ये क्या, ये यहाँ पर क्या मल्टीप्लिकेशन का साइन होगा मोस्ट प्रोबेबली, और ये कौन सा साइन है एक बार ये बताओगे क्या, ये तो मल्टीप्लिकेशन है ना, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ बी लिखा होगा, ये क्रॉस होगा, दिस इज ई रेस पर -0.2, ये क्या लिखा है एक बार जल्दी से बताना, टाइम लिखा है क्या, और इज इट समथिंग एल्स, क्विकली चेक व्हाट इज दिस, ई टू द पावर एक्स 0.2x लिखा है यहाँ पे, दिस इज एक्स, ओके ओके सो मुझे थोड़ा गंदा गंदा दिख रहा है यहाँ पे लिख लेते, ये लिखा है ना मोस्ट प्रोबेबली, जस्ट क्विकली चेक 0.2x टेस्ला, फाइंड द पावर, करंट दिया गया है, ये कुछ दिया गया है, हमको बोला है पावर रिक्वायर्ड टू मूव द कंडक्टर एट अ कॉन्स्टेंट स्पीड 2x = 2 एंड y = 0 इन इन 5 × मोस्ट प्रोबेबली इतने सेकेंड में, अज्यूमिंग पैरेलल मोशन अलोंग द एक्स एक्सिस, ओके ओ अच्छा
अब समझना, इन्होंने ना एक्स वाई, आपको ये वर्कशीट फिर से मेल कर दूँ या मेरे को मेल करके फायदा नहीं होगा? पता है तुम्हारे पास जो वर्कशीट है ना उसमें स्पेस नहीं है, मतलब ये आई आस्क फॉर द स्पेस, तो हमारे पास लिखने की जगह होती, तो फिर उसमें ना लिखने की जगह नहीं रहती यार, ऐसा प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना, एक दो चार प्रॉब्लम में ये रहे, कोई बहुत मेजर नहीं। ओके अच्छा समझना, यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे वाई बनाया है और यहाँ जेड बनाया है, ठीक है, और एक्स एक्सिस इसको बोला है, तो ये क्या बोल रहे हैं कि कंडक्टर जो है, अच्छा इजी है क्या? ओके आई डोंट नो, तो कंडक्टर हमारा जेड एक्सिस के अलोंग रखा है और ये बोल रहे हैं कि इसको एक्स एक्सिस के अलोंग लेकर जाना है, ठीक है, दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। एंड हमसे पूछा क्या गया कि कितनी पावर रिक्वायर्ड है कॉन्स्टेंट स्पीड से मूव कराने के लिए। अच्छा पावर का फॉर्मूला एफ इंटू वी जैसा कुछ होता है, एफ इंटू वी इंटू कॉस थीटा होता है ना, तो अगर मुझे कॉन्स्टेंट स्पीड से मूव कराना है उसको, अच्छा लेकिन उसकी स्पीड अगर कॉन्स्टेंट है तो हमें वैल्यू दी गई है क्या? हाँ वैल्यू दी गई है, हाँ 2x = 2, x = 0 पे रखा है वो, x = 2 पे मूव कराना है इन इतना टाइम, तो कहने से उसकी स्पीड आ जाएगी मेरे पास कितनी, 2 मीटर उसको मूव कराना, कितनी देर में, इतनी देर में, है ना। अगर ये कांस्टेंट नहीं होती ना तो फिर हम ये काम डायरेक्टली नहीं करते, प्लीज ध्यान रखना, ठीक है। तो कहने से ये मेरे पास जो भी आ गया, इसको ऊपर ले जाएंगे तो 10^3 आएगा और 5 से कटेगा तो 2 आएगा, तो कहने से 400 आ रहा है शायद, राइट, 400 मीटर, तो ये 1000 हो जाएगा, हाँ 400 मीटर पर सेकेंड। सो मेरे पास स्पीड आ गई है, अगर मैं इस पे फोर्स निकाल लूँ तो मेरा काम चल जाएगा। तो हमें क्या पता है, मैग्नेटिक फील्ड में अगर करंट कैरिंग वायर रखा होता है तो उस पे फोर्स क्या लगता है, IL×B, आई नीचे है, बी की डायरेक्शन है एक्स डायरेक्शन में। अच्छा लेकिन एक प्रॉब्लम ये है कि ये बी जो है, यू आर सेइंग कि वो एक्स का फंक्शन है, इज इट? तो मतलब जैसे जैसे पार्टिकल आगे बढ़ेगा डीएल, यार ये एक्स का फंक्शन है या एक्स डायरेक्शन में दिया गया है, व्हाट इज इट? ये कहाँ लिखा है कि बी की डायरेक्शन वाई डायरेक्शन है? ओ अच्छा यहाँ डायग्राम में, ओके ओके ओके, फिगर में वाई के अलोंग है, ओके, सो बी की डायरेक्शन वाई के अलोंग है, करंट की डायरेक्शन जे के अलोंग है, माइनस जे के अलोंग है, राइट, सो IL×B जैसा कुछ होता है, राइट, ये दोनों परपेंडिकुलर है क्या? हाँ, ये और ये, एल की डायरेक्शन क्या है हमारे पास, वो है माइनस जे के कैप जैसी, और बी की डायरेक्शन है वो हमारी है जे कैप जैसी, तो K×J क्या होता है हमारे पास, K×J ना, -I, तो कहने से वो +I हो जाएगा, तो कहने से फोर्स हमारा इसी के अलोंग लग रहा है, कितना लग रहा है, I × अच्छा क्या ये चीज समझ में आई मैंने क्या किया, करंट की डायरेक्शन है ये विच इज -J कैप, बी की डायरेक्शन है प्लस, करंट की डायरेक्शन है -K कैप, बी की डायरेक्शन है +J कैप, तो K×J क्या होता है, -I, माइनस और माइनस करके ये हो जाएगा कैंसिल, तो मेरे पास वो +I आ रहा है, ठीक है, तो हमारे पास फोर्स क्या आ जाएगा डायरेक्टली, मैं बोल सकता हूँ IL×B, क्या I की वैल्यू दी गई है, यस, L की वैल्यू दी गई है, ये -0.5 से 1.5 है, तो I का काम करेगा 10, L का काम करेगा 3 यार, बट द प्रॉब्लम इज अगेन कि जो ये B है, इज दिस वेरिएबल क्या? यहाँ पर ये X लिखा है, प्लीज एवरीवन एक बार चेक करो यार, इज दिस, ये एक्स है तो फिर एक्स के हिसाब से वेरिएबल नहीं हो जाएगा? जैसे जैसे हमारा पार्टिकल आगे बढ़ेगा दिस फोर्स इज वेरिएबल, तो उसकी स्पीड बढ़ेगी, वन सेकेंड, जैसे जैसे नहीं, फोर्स नहीं, फोर्स वेरिएबल है, बट द प्रॉब्लम इज यहां पर अगर मैं बी की वैल्यू ये पूरी रखता हूं, वही मैं बोलूँ, क्या मुझे इसको इंटीग्रेट करने की जरूरत पड़ेगी क्या? वर्क अपॉन टाइम ही करना पड़ेगा, बिकॉज फोर्स इज नॉट कमिंग आउट टू बी कॉन्स्टेंट। ओके तो कहने से मेरे पास फोर्स क्या आ रहा है, I × L × B, बी का काम कौन कर रहा है, 3×10^-4 e^-0.2x, ये मेरे पास फोर्स है, राइट, नो फोर्स इज अ फंक्शन ऑफ एक्स इज कमिंग, राइट, नाउ फोर्स इज कमिंग आउट टू बी द फंक्शन ऑफ एक्स, नो इट इज नॉट अ फंक्शन ऑफ एक्स यार, ये एक्स, अच्छा okay, पहले क्विकली टेल मी, इज दिस इज गिवन, दिस इज राइट, जो मैंने लिखा है क्या यहाँ पे, ये एक्स है ना, अच्छा हे तो व्हाट इज गिवन देन, अच्छा समझने से कि ये एक्स नहीं गिवन है, शीट में कुछ और है, व्हाट इज दिस एक्स देन, जल्दी बताओ जल्दी बताओ,
If it is not x, then what is it? It is 3 into 10 raised to the power minus 4 into e raised to power 0.2. So basically, think this. अच्छा ओके मैं दोनों चीजें बता दे रहा हूँ. ओके अगर ये एक्स नहीं है देन दिस फोर्स इज कमिंग आउट टू बी कांस्टेंट. यस यानी पूरी पूरी वैल्यू कांस्टेंट दिख रही है. ई रेस पावर माइनस टू की वैल्यू कैलकुलेटर से कैलकुलेट करनी होगी. एग्जाम में मोस्ट प्रोबेबिलिटी में दी गई होगी. ठीक है ई रेस पावर माइनस 0.2 की वैल्यू जो भी होती है वट एवर इज. अगर सो व्हाट आई एम सेइंग अगर ये हमारे पास वैल्यू इफ इट इज कमिंग आउट टू बी कांस्टेंट ठीक है देन मेरा आंसर सीधे एफ इनटू वी हो जाएगा. अगर ये कांस्टेंट नहीं है दिया होता मैं जनरलाइज क्या करते इंटीग्रेशन ऑफ एफ डीएक्स निकालते कहां से कहां तक जहां पे एक्स की वैल्यू वेरी करती 0 से 2 तक. जब तुम ये निकालते तो ये हमारे पास वर्क डन आता और ये वर्क डन कितने टाइम में हो रहा है would have been your answer. If this is coming out to be constant, then याद रखना है तुम्हें क्या कि ये वैल्यू जो भी कांस्टेंट आ रही है उसको वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा. इट शुड बी एक्स इंटू नहीं तो क्यूब बहुत इजी बन जाएगा. इट शुड बी एक्स एक्स नहीं यार बहुत इजी और डिफिकल्ट का ये हमारा जॉब थोड़ा है सोचना कि वो इजी हो रहा है या डिफिकल्ट हो रहा है. दिस इज नॉट माई जॉब है ना. माई पॉइंट इज कि इसको सॉल्व कैसे करना है. बट लेकिन पता है सवाल सवाल का ऐसा कुछ नहीं है मतलब नहीं नहीं अच्छा पता है ये कांस्टेंट ही होगा. एक्स है सर. अच्छा समवन इज सेइंग एक्स है समवन इज सेइंग एक्स इज नॉट देयर. अच्छा आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट प्लीज बता दिया मैंने दोनों तरीके बता दिए. अगर एक्स नहीं है तो मतलब दिस फोर्स इज कमिंग आउट टू बी कांस्टेंट एफ इनटू वी इज योर आंसर. अगर एक्स है तो मतलब फोर्स वेरिएबल है तो फिर मैं उसका वर्क डन निकालूंगा उस फोर्स का कहां से कहां तक 0 से 2 तक. वो जो भी वैल्यू आएगी उसको टाइम से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास पावर आ जाएगी. तो आई एम नॉट डिस्कसिंग की है कि नहीं. आई एम नाउ आई एम आल्सो दिस थिंग की क्योंकि यहाँ पे लिखा नहीं और किसी के में शायद वो पता नहीं. ठीक है सो आई होप दिस इज क्लियर कि दोनों तरीकों में पढ़े आगे. बोलो 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 बोलो. शुड वी गो अहेड. लॉजिक समझ में आ गया ना. ओके अच्छा हिस्टेरिसिस लूप. आई एम लीविंग दिस प्रॉब्लम. ये जेई मेंस के स्पेसिफिक प्रॉब्लम है मतलब ये अभी तुम्हें दोबारा से कराई नहीं गई वो हिस्टेरिसिस लूप. ये सब टू बी ऑनेस्ट वैसे तो तुम्हें याद ही रखनी है चीजें कि ये जो ऐसे वाले ग्राफ होते हैं अगर जिसको ओहो गंदा बन गया थोड़ा सा बट कुछ ऐसा होता है यहाँ से ऊपर जाता है फिर ऐसे जाता है कोएर्सिविटी रिटेंटिविटी और वो वाले जो ग्राफ होते हैं. ठीक है ये सब तुम्हें याद रखने हैं जितनी भी ये चीजें दी गई हैं गो थ्रू विद दिस है ना. और ये तुम वो पूरी चीजें तुम्हें याद रखनी कि ये किसके लिए क्या कैसे होता है. अच्छा गिवन बिलो पहली बात तो यहाँ पे दिया नहीं गया है बट ऑल द थिंग्स विच आर थ्योरेटिकल यू विल हैव टू रिमेम्बर कीप ऑन रिमेम्बरिंग दैट वो मतलब उसका सोल्यूशन नहीं. ठीक है ओके क्या बोला गया क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं. इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अल्फा पार्टिकल आम का पेड़. अरे यार बकवास बातें करना तो फिर मतलब जल्दी से एवरीवन इज इंटरेस्टेड राइट. यही तो सच चाहिए हमको. ओके तीन पार्टिकल दिए हैं. अच्छा ये प्रॉब्लम आप ध्यान से देखो क्या बोला गया. सेम काइनेटिक एनर्जी सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस दिस. अब भाई मुझे क्योंकि काइनेटिक एनर्जी सेम है देन आई विल यूज दिस फॉर्मूला ऑफ एमवी अपॉन क्यू भी था अभी अभी डिस्कस करा हमने. हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे. सर ये क्यों यूज कर रहे हैं फिर से वही चीज क्योंकि दे आर सेइंग कि काइनेटिक एनर्जी सेम है तो एटलीस्ट ये वाला टर्म मेरे लिए गायब हो जाएगा. ठीक है सर्कुलर ऑर्बिट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड तो ये सेम टू सेम सबके लिए बी सेम सबके लिए. तो हमारे लिए जो रेडियस आ रही है कैन आई से इट इज कमिंग आउट टू बी प्रोपोर्शनल ऑफ अंडर रूट ऑफ एम बाई क्यू के बराबर. अब हमसे पूछा कि बता दो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल में क्या रिश्ता है. तो मैं फैक्टर बता रहा हूँ तुम्हें केवल. इलेक्ट्रॉन पे अगर जो भी मास होगा अपॉन जो भी चार्ज होगा उसको मैं क्यू बोल रहा हूँ. कैन आई से प्रोटॉन नहीं नहीं इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे. एक मिनट इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल. और जो प्रोटॉन का जो मास होगा अच्छा यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा. चार्ज को ना चार्ज के टर्म्स में लिखते हैं सो दैट कि कंपेयर करना इजी होगा. इलेक्ट्रॉन पे अगर चार्ज ई है तो उसको ई लिखो. प्रोटॉन
तो यहाँ पे प्रोटॉन का मास आएगा अपॉन प्रोटॉन पे चार्ज आएगा, वो भी ई के बराबर होता है। अल्फा पार्टिकल पे जो मास होता है वो 4 times ऑफ प्रोटॉन पे होता है, अभी अभी हमने डिस्कस करा, तो वो 4 का √2 बाहर आ जाएगा और यहाँ पे मास ऑफ प्रोटॉन आएगा और अपॉन चार्ज कितना होता है उस पर 2e के बराबर है। अब कंपेयर कर लो, देख लो ध्यान से, कहने से ये और ये गायब हुआ, तो ये दोनों फैक्टर √mp अपॉन e फॉर अल्फा पार्टिकल एंड प्रोटॉन इट इज कमिंग आउट टू बी द सेम। आई होप दिस इज क्लियर। सो बेसिकली ये तो गलत, ये गलत, इन दोनों में अब अंतर क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत कम होता है कंपेयर टू मास ऑफ प्रोटॉन, है ना, तो कहने से रेडियस ऑफ प्रोटॉन बहुत ज्यादा होगी कंपेयर टू रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो रेडियस ऑफ प्रोटॉन को ज्यादा करना है ना, विच इज दिस, केवल चेक करना था क्विकली। आई होप दिस इज क्लियर, डाउट हो तो बताओ फटाफट, है ना। तो हमने ये क्यों लिखा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी सेम थी, फिर हमने क्या किया √m/b के रेशियो को हम इक्वेट कर दिया, सॉरी √m/q के रेशियो को चेक कर लिया। इज दैट क्लियर, बताओ बताओ बताओ, समझा ना, बड़े आगे प्लीज। अच्छा अच्छा है, हमें 12th डिस्कस नहीं करना क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क, दिस स्मॉल डिस्क ऑफ रेडियस, ओके ये अरे यार ये आई थिंक, जस्ट वेट अ सेकेंड, मेरे पास में अगर क्या, मेरे पास भी ये वाली शीट आई है क्या, लेट मी क्विकली चेक, मेरे पास ये वाली शीट है जो तुम्हारे पास आई होगी वो, एक मिनट में उसमें मैं एक बार चेक के ये वैल्यूज लगूंगा, जे वाला है ना क्वेश्चन नंबर 13, R/3 है, ओके चलो किसी ने बताई दिया, दिस इज R/3 इज रिमूव्ड, अच्छा एज शोन इन फिगर, अरे ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का प्रॉब्लम कहाँ से आ गया, अच्छा ये प्रॉब्लम इसका है ही नहीं पहली बात तो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ये तो मतलब ओके सो नहीं डिस्कस ही नहीं कर, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये गलत, वहां उसकी जगह ये प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते, लेकिन लेकिन तुम समझ गए होगे, और नो फिगर इज गिवन तो छोड़ो, मतलब वैसे भी पूछा भी वो रोटेशन का प्रॉब्लम है ना, है ना, यार अब इसमें ना, अच्छा आई गॉट द शीट बट लेकिन कंटेन्स अ मैग्नेटिक फील्ड, ओके ये वाला प्रॉब्लम ये लिखा है बी जे कैप लिखा है शायद यहाँ पे, बी के कैप लिखा है, अ पार्टिकल ऑफ मास एम एंटर्स विद द वेलोसिटी वी इज इक्वल टू वी आई कैप, ठीक है, एंड डी इज इक्वल टू mv/qb, एक्सेलरेशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल एट द पॉइंट ऑफ इमर्जेंस ऑफ द अदर साइड इज, एक्सेलरेशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल ओके mv/2qb, सॉरी यस, है ना, ओके ये प्रॉब्लम इंटरेस्टिंग है, एक बार प्लीज सब लोग ध्यान से समझना, क्या बोला गया है, बोला गया ये y इज इक्वल टू जीरो है लेट्स से, और लेट्स से ये हमारा y इज इक्वल टू डी है, ठीक है, अच्छा y इज इक्वल टू जीरो, ये x इज इक्वल टू हो गया, y बनाते हैं जैसा बोला वैसे बनाते हैं, सो बेसिकली मेरे लिए ये है, ठीक है, ये मेरी y इज इक्वल टू जीरो वाली लाइन है और ये y इज इक्वल टू डी वाली लाइन है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड हमारी डॉट है, ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड है b के बराबर, b/k, अब क्या बोला गया है, यहाँ पे चार्ज पार्टिकल एंटर कर रहा है लेकिन कहां से एंटर कर रहा है ये भी नहीं लिखा है, वी आई एक्स डायरेक्शन में एंटर कर रहा है, बी वेक्टर इज बी जे कैप, हाँ मतलब वही तो लिखा है मैंने, है ना, जे कैप नहीं के कैप ना, हाँ तो यही तो लिखा है, बी इज दिस ना विच इज राइट, नहीं एंटर्स द ये नहीं बोला है कहाँ से, सो आई एम अज्यूमिंग कि वो ओरिजिन से एंटर कर रहा है मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है, अगर एक पार्टिकल मेरा ओरिजिन से एंटर कर रहा है लाइक दिस विद द वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, अब मैं तुमसे पहला सवाल करूं, अब समझना व्हाट इज वीवीवी इज व्हाट, ओके अच्छा प्रॉब्लम समझना क्या है, मैंने सारी चीजें समझना, कंसेप्ट समझते हैं, बट दिस इज इंपॉर्टेंट कंसेप्ट वाइज इट्स इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम, अगर मैं बोलता तुमसे पूरे दुनिया में मैग्नेटिक फील्ड कॉन्स्टेंट है और वो डॉट है, तो तुम बोलते
जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल एंटर करता है तो उस पर एक फोर्स लगता है विच इज एफ इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी का। वी एक्स डायरेक्शन में है और बी हमारे पास डॉट है। अच्छा लेकिन अगर डॉट है ना वी क्रॉस बी, अच्छा तो फिर जो पता है प्रॉब्लम ये हो गई कि वो नीचे आएगा। अच्छा इसका ना डायग्राम देना चाहिए था या यहाँ पर ये क्रॉस मानते हैं तब फिर भी बेटर होगा ये प्रॉब्लम, बट लेकिन फिर ऑप्शन मैच नहीं करेंगे। अच्छा समझ में आ रहा है ना कि क्या गड़बड़ हो रही है। वी जे कैप है, दिस यू आर सेइंग इट इज जे कैप। जे कैप हो सकता है शायद, बट लेकिन ऑप्शन मैच नहीं होगा ना। मैं तुम्हें कंसेप्ट समझा सकता हूँ जे कैप मान के, क्योंकि हमने डायग्राम बना लिया है ना, तो कंसेप्ट एक बार समझ लो तुम, ठीक है। तुम्हें लॉजिक जो भी होगा प्रॉब्लम तुम्हें आइडिया समझ में आ जाएगा। सपोज मैं जे कैप मानता हूँ, डायग्राम हमने बना लिया है, सपोज ऐसे थ्रो करा तो वी क्रॉस बी करो, जैसे तुम वी क्रॉस बी करोगे ना तुम्हारा थंब पॉइंट करेगा इस डायरेक्शन में, मतलब एक्स डायरेक्शन में थंब पॉइंट करेगा। तो अगर यहाँ पर पूरा हर जगह पे मैग्नेटिक फील्ड होती, ठीक है, तो ये पूरा एक सर्कल ऐसा बनता। अगर सब जगह पर होती दुनिया में, हर जगह पर ऊपर नीचे हर जगह पर मैग्नेटिक फील्ड होती तो सर्कल हमारा कुछ ऐसे बनता। बट जैसे ही ये पार्टिकल, और उसकी रेडियस हम निकाल सकते थे, यस हम उसकी रेडियस भी निकाल लेते। कैसे निकालते, अरे उसकी हम रेडियस कैसे निकालते, रेडियस हम इजिली निकाल सकते थे आर इज इक्वल टू एम वी बाई क्यू वी से। थोड़ा सा इसको ना ओके ठीक है, कुछ इस टाइप का सर्कल बनता अगर हर जगह पर मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करती तो। बट जैसे ही ये पार्टिकल यहां पहुंचा ना ऑन द स्टैंड, उसको पता लगा यार मैग्नेटिक फील्ड मेरी तो गायब हो गई है, अब मैग्नेटिक फील्ड बची नहीं। तो कहना है से अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं बची तो वो एक्चुअली किस पाथ में एंटर करेगा, नाउ ट्राई एंड अंडरस्टैंड, इसको गायब कर दो। जैसे ही वो यहां पहुंचा, अच्छा वो ऐसा काम क्यों हुआ, क्योंकि रेडियस क्या होती है इसकी, आर इज इक्वल टू एम वी बाई क्यू बी। तो अगर इसको पूरा चक्कर काटना था तो कम से कम इसकी जो विड्थ है वो एम वी बाई क्यू बी के बराबर होनी चाहिए, बट वो विड्थ हमें कम दी गई है बाय अ फैक्टर ऑफ टू। मतलब ये डिस्टेंस है हमारे पास काइंड ऑफ आर बाय टू, दिस डिस्टेंस इज फॉर मी इट इज आर। तो नाउ कंसेप्चुअली कैन आई से दिस थिंग, दिस आर, दिस इज आर, दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। अगर ये पूरा होता तो ठीक है, ये आर मुझे पता है, ये r by 2 पता है, तो can I say sin theta is equal to perpendicular upon hypotenuse? Can I say ये theta की value मेरे वाले केस में आ गई 30 degree? In this case, अगर r की value, d की value r by 2 है, तो ये 30 degree है। जैसे ये particle यहाँ पहुँचा, इसको पता लगा यार magnetic field तो हमारी आगे खत्म हो गई है, तो can I say particle बिल्कुल सीधा चला जाएगा। तो इस केस में तुमसे दो चीजें पूछी जाती हैं normally, कि velocity की final direction बताओ, वेलोसिटी को वेक्टर फॉर्म में लिखो। तो ये एंगल अगर हमारे पास 30 आया या थीटा आया, तो ये 90, ये 90 माइनस थीटा, तो ये वापस से हमारे पास सॉरी ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा। तो अगर मुझसे पूछा जाता है बताओ वेक्टर, फाइनल वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा, तो वी का कॉस 90 माइनस थीटा आई कैप आता और वी का साइन 90 माइनस थीटा जे कैप आता। इन दिस केस दे आर आस्किंग फाइंड आउट द एक्सेलरेशन। हमें पता है पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन में मूव करता है तो जो उसका एक्सेलरेशन होता है वो एग्जैक्टली टुवर्ड्स द सेंटर होता है, तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये वाली। क्योंकि जो ऑप्शन दिए ना, आई एम जस्ट टेलिंग यू विद रिस्पेक्ट टू द ऑप्शन, जो ऑप्शन दिए गए ना इस पर्टिकुलर उसमें, वहां पे एक्सेलरेशन की वैल्यू दी गई है और समथिंग आई कैप प्लस जे कैप दिया गया। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालना तो बहुत आसान है, कैसे, ये हमें फोर्स पता है, इसको डिवाइड ए से डिवाइड कर, एम से डिवाइड कर दो, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू इज वेरी सिंपल, दिस डिवाइडेड बाई एम। बट डायरेक्शन निकालने के लिए अगर मेरे पास सपोज ये एक्सेलरेशन आया, तो इसका एक एक्स कॉम्पोनेंट आएगा और एक वाई आएगा, और वो किस पर डिपेंड करेगा, इस एंगल पे। ये एंगल कहाँ से आ रहा है, ये हमारा आर के रिस्पेक्ट में कितना छोटा या बड़ा है, व्हाटएवर। आई होप द लॉजिक इज क्लियर, लीव द प्रॉब्लम, क्योंकि हमें एग्जैक्टली डायरेक्शन नहीं इसमें क्लियर मेंशन है ना, बट लॉजिकली समझ में आ रहा है कि अगर सच में ये वाला, अगर मैंने वी जे कैप लिया होता, ये डॉट होता, तो मेरा आंसर आता ये थीटा। तो ए का मैं इस केस का आंसर लिख रहा हूँ, इट इज नॉट द राइट आंसर फॉर द जो प्रॉब्लम दिया गया। तो ये सॉरी ये 90 माइनस थीटा आया था, तो ये थीटा आया था, ठीक है। तो ए का कॉस थीटा आई कैप आता माइनस ए साइन थीटा जे कैप, दिस इज आई कैप, दिस इज जे कैप। क्या अभी ये क्लियर हो रहा है, क्या कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, किसी को कंसेप्ट में डाउट हो तो बताओ, नॉट इन द प्रॉब्लम, इज द कंसेप्ट इज क्लियर टू एवरीवन।
बोलो 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 जल्दी, क्लियर है? ओके यार, हम 14th पे कैसे आ गए? हम ऑड नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कर रहे थे बिकॉज ऑफ दिस. ओके सो शैल वी टेक ऑड नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स, इवन नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स अभी क्या चलेगा? कोई भी कर रहे हैं, क्या फर्क पड़ा है ना? फिर 16 ले लेते हैं. ओके, पार्टिकल हैविंग सेम चार्ज एज दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग इन अ सर्कल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस. इफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 100 वोल्ट मेक्स इट टू मूव इन अ स्ट्रेट पाथ, देन द मास ऑफ द पार्टिकल इज गिवन बाय. ओके, हमें क्या बोला गया कि एक पार्टिकल जो था वो इज्जत से सर्कुलर पाथ में घूम रहा था अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड दिस. तो हमें क्या पता है कि उसकी रेडियस क्या थी? आर इज इक्वल टू एम वी बाई क्यू बी. क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि मुझे क्या गिवन है? आर इज गिवन, यस. बी इज गिवन, यस. सेम चार्ज एज इलेक्ट्रॉन, मतलब क्यू इज गिवन, यस. मास ऑफ द पार्टिकल हमसे पूछा गया है. हमें वेलोसिटी पता लग जाए तो इस फॉर्मूले में मैं डालूंगा तो मेरे को मास आ जाएगा. क्या बोला कि अगर हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमने, हमें बोला गया कि अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इतनी लगा दी तो स्ट्रेट पाथ में मूव हो रहा है. तो हमें क्या बताया गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के बाद अगर वो स्ट्रेट पाथ में मूव हो रहा है तो ये केवल वही वाला केस हो सकता है कि उस पर एक क्यूई फोर्स इधर लग रहा हो और एग्जैक्टली ऑपोजिट क्यू इंटू वी इंटू बी फोर्स इधर लग रहा हो. तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हो सच दैट नेट फोर्स जीरो हो रहा हो, सच दैट एक्सेलेशन जीरो हो, सच दैट उसकी वेलोसिटी कॉन्स्टेंट हो, तभी वो स्ट्रेट पाथ में मूव करेगा. तो हमारे पास क्या कहानी आई? दैट QE बराबर Q इंटू वी इंटू बी के बराबर जैसे ही ये काम हो जाएगा तब हमारा पार्टिकल मैग्नीट्यूड वाइज ऑब्वियसली डायरेक्शन ऑपोजिट है ना. जैसे ही हमारा ये काम हो जाएगा वो स्ट्रेट लाइन में मूव करने लगेगा. ये गायब, यस. तो कहने से जो हमें यहाँ पे वेलोसिटी नहीं पता थी उसकी वैल्यू को मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ ई अपॉन बी. इस वी को ई अपॉन बी यहाँ डालो तो मेरे पास आर इज इक्वल टू क्या आ रहा है? एम, जो कि निकालना है. वी की जगह डाल रहा हूं मैं ई अपॉन बी, एक बी नीचे से नीचे और है, अपॉन क्यू. तो मास की वैल्यू आ जाएगी क्या? कोई मुझसे मेहनत करवाने चाहता है क्या कि मैं वैल्यू डाल के तुम्हें उत्तर निकाल के बताऊं? या कर लोगे? कंसेप्चुअली एक बार ये देख लो, है ना. क्यू गिवन है, यस. चार्ज आर गिवन है, यस. कर लोगे? कोई तो एक होगा ना जिसका मन कर रहा होगा सर कर दो ना. नहीं, छोड़ छोड़ दो इसको यहाँ पे. बोलो 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 बोलो, है ना. ओके कूल, थैंक यू. क्वेश्चन नंबर 17, नहीं 18 पे आ रहे थे ना. अरे यार, लेट मी चेक. 18th में तो जो वो वाली चीज है उसमें तो डायग्राम नहीं दिया है. सर उल्टी एक्सरसाइज कर लेंगे, उतनी एक्सरसाइज कर लेंगे, वरना वजन और बढ़ेगा. एग्जैक्टली यार, क्वेश्चन नंबर 18th में यहाँ पे मतलब ऑप्शन मुझे दिख रहे हैं, ऑप्शन भी ना कुछ अजीब से लिखे हैं. एक ये लिखा है, यहाँ पे लिखा है ए अपॉन बी, यहाँ लिखा है ए स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर, पर यहाँ पे लिखा है ए अपॉन डी का होल स्क्वायर. यार चेस की जगह कोई और प्रॉब्लम ले ले अगेन, बिकॉज ये दोनों ऑप्शन सेम दिख रहे हैं, यहाँ पे डायग्राम मिसिंग है थोड़ा सा कुछ. सो लेट्स टेक सम अदर प्रॉब्लम, नॉट दिस वन, बिकॉज फिर से क्लियरली दिख नहीं रहा है. इवन इन जो तुम्हें वर्कशीट है मैं वो वाली चेक कर रहा हूँ, उसमें भी ना वो अच्छा नहीं. ए स्क्वायर अपॉन डी क्यूब है एक ऑप्शन, और शुड वी ट्राई, आई डोंट नो मतलब ये एग्जैक्टली. और वो वहां पे एफ म्यू लिखा है, म्यू तो नहीं है शायद, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है शायद. व्हाट इज ए टू डी थ्री? अच्छा ए स्क्वायर डी क्यूब, ओके. उतना ही डायग्राम है, ओके चलो ट्राई करते हैं फिर अगर यही डायग्राम है. ओके सो व्हाट दे आर सेइंग कि एक इनफिनिटली लॉन्ग वायर है, स्मॉल करंट कैरिंग लूप यहाँ पे रखा है इन द प्लेन ऑफ द पेपर, रेडियस ऑफ द लूप, इस ये जो छोटू रखा है लूप उसकी रेडियस ए दी गई है एंड डिस्टेंस फ्रॉम इट सेंटर डी गिवन है, और जहाँ पे डी इज गिवन इज मच मच ग्रेटर देन ए. इफ द लूप अप्लाइज द फोर्स एफ ऑन द वायर, देन लूप अप्लाइज द फोर्स एफ ऑन द वायर,
देन क्या करी? ओके अच्छा, देन अब क्या करे इसके लिए? या फिर से वही प्रॉब्लम, मतलब डायग्राम इफ इट इज नॉट प्रॉपरली मेंशन, हम इसमें करंट कैसे फ्लो कर रहा है इन द प्लेन ऑफ द पेपर एज शोन. एक एक करंट इसमें ऐसे फ्लो कर रहा है और दूसरा करंट ऐसे है. ओके अच्छा, आप समझना इसको, हाउ हाउ आई एम टेलिंग यू टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम इज, क्योंकि ना इस, अब लेकिन यहां पर फिर से वो नहीं गिव, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील आएगी अंदर. यार मेरे हिसाब से तो ये तो मतलब, क्योंकि समझना, अच्छा प्रॉब्लम एक बार प्लीज एवरीवन ट्राई टू अंडरस्टैंड. ये एक इन्फिनिट वायर दिया गया है और यहाँ पर एक छोटा लूप रखा है, दिस इज व्हाट आई एम अंडरस्टैंडिंग, और इस लूप की रेडियस बहुत छोटी दी गई है. लूप अप्लाइज अ फोर्स एफ ऑन द वायर. पहली बात तो लूप फोर्स अप्लाई करेगा बिकॉज करंट कैरिंग वायर. क्या एक चीज हम ये और बोल सकते हैं कि जितना लूप इस पर फोर्स अप्लाई करेगा उतना ही ये इस पर फोर्स अप्लाई करेगा बाय न्यूटन थर्ड लॉ. तो हमें बाय द लूप ऑन द वायर निकालू या बाय द वायर ऑन द लूप निकालू, इट इज द सेम थिंग. तो सपोज इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है I1, इसकी वजह से राइट साइड में जहां पर ये रखा हुआ है उस जगह पे मैग्नेटिक फील लेकिन हर जगह पर अलग अलग आएगी. ये भी तो प्रॉब्लम है. दैट इज अगेन द प्रॉब्लम इज, लेकिन पता है फिर से एक सेकेंड, लेकिन अब इसको अगर मैं थोड़ा सा बड़ा बनाऊं, क्योंकि रखा है बहुत छोटा, और हमें केवल प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट बताना है. ठीक है, आई एम जस्ट मेकिंग इट लिटिल बिगर जस्ट टू अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है. कहने से यहाँ पर जो एक छोटा वायर है बिल्कुल जो सबसे पास में है और जो सबसे दूर में वायर है, फोर्स हमें क्या पता है IL क्रॉस B जैसा कुछ होता है. ठीक है, ये हमें अगर डी दिया गया है ना, तो जो सबसे क्लोज वाली डिस्टेंस है वो कुछ कम हो जाएगी, विच इज डी माइनस, अगर इसकी रेडियस ए दी गई है तो वो डी माइनस ए हो जाएगी, क्योंकि वो सेंटर से डिस्टेंस है डी. ठीक है, जो सबसे दूर वाली है वो हो जाएगी डी प्लस ए के बराबर. अगर इस छोटे पर फोर्स निकालू, सपोज करंट इस पर क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है, इस पर जो भी फोर्स आएगा DL क्रॉस B की वजह से वो इधर आएगा और इस पर इधर आएगा. अगर मैं इन दोनों की वैल्यू निकालू तो म्यू नॉट मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी? म्यू नॉट आई, क्योंकि हमें एनी विच वेज फोर्स का कुछ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट बताना है. ठीक है, अपॉन टू पाई आर का काम कर रहा है डी माइनस ए. ठीक है, तो IL क्रॉस भी होता है तो एक जगह है, सपोज इसमें आई करंट I1 है, इसमें करंट I2 बोल दो, सो I1 IL क्रॉस B. ठीक है, और L का काम कर रहा है यहाँ पे लेट्स से डी ए, ये छोटा वाला जो है, और इसको मैं माइनस करूंगा म्यू नॉट I1 I2 अपॉन टू पाई डी प्लस ए, है ना, और यहाँ पर भी एक छोटा डी है. तो यहाँ पर एलसीएम जब मैं लूंगा तो डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आएगा पहली बार. और ऐसा मैं सबके लिए करूंगा होगा यार, फिर से हम अज्यूम ही कर रहे हैं कि ये ऐसा रखा हुआ है और दैट्स हाउ द करंट इज फ्लो. एग्जैक्ट डायग्राम इसका नॉट, बिकॉज यहाँ पर ना, मतलब वैसे बता रहा हूँ, अगर मैं सपोजिटली एलसीएम लू भी तो यहाँ पर डी माइनस है और यहाँ पर डी प्लस है. ठीक है, तो यहाँ पर एलसीएम में क्या आएगा? डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आएगा, और ऊपर क्या आएगा? एक डी से डी कैंसिल हो जाएगा, है ना, मतलब ये वाले डी से डी कैंसिल हो जाएगा. जैसे ही डी कैंसिल, सॉरी ए कैंसिल हो जाएगा, डी प्लस ए माइनस ऑफ डी माइनस ए, सॉरी डी प्लस ए एंड एक माइनस यहाँ पर है ही, और वहां पर आएगा डी माइनस ए. सो बेसिकली
डी कैंसिल हो रहा है, सो वहां से आएगा 2a अपॉन डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ पर dl का इंटीग्रेशन, तो जो ये छोटी छोटी dl है ना, इन सबको जब मैं ऐड करूंगा तो एक 2 पाई r जैसा फैक्टर आएगा, और इसकी रेडियस कितनी है r, तो एक ये आएगा, तो मेरे लिए जो फैक्टर आ रहा है वो आ रहा है ऊपर ए स्क्वायर का अपॉन डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, सो द फैक्टर विच आई एम गेटिंग इज यहाँ पर आ रहा है ए स्क्वायर और अपॉन में आ रहा है डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब इस चीज को यूटिलाइज करें अगर हम कि डी अगर बहुत बड़ा दिया गया है ए से, तो कहना से इसको निगलेक्ट कर सकते हैं, डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को अप्रोक्सिमेटली हम डी स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि ए तो बहुत छोटू है, तो फैक्टर बेसिकली ए स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर आ रहा है विच इज 4। अच्छा मीत अगेन आई एम सेइंग कि यार आंसर तो आ गया बट अगेन आई एम नॉट फुल्ली जस्टिफाइड बिकॉज फिर से वो प्रॉपरली अच्छे से मेंशन नहीं है, मैंने कुछ चीजें मानी है टू बी ऑनेस्ट कि करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, इसमें ऐसे फ्लो हो रहा है, दैट्स हाउ इट इज बीइंग पुट, बट अगर मुझे सॉल्व करना है बेस्ड ऑन दिस इन्फॉर्मेशन देन डेफिनेटली वी कैन डू दिस एंड ऑब्वियसली आंसर भी मैच हो रहा है, बट प्रॉब्लम वही है कि वो क्लियरली मेंशन नहीं है, हमने कुछ चीजें खुद से अज्यूम करी, बट ओके, बट आइडिया तुम्हें समझ में आ गया जो हमने अभी ऊपर बताया था दो वायर के लिए, वही चीज एक वायर एक लूप के लिए, अब एप्लीकेशन इज सिमिलर, एक वायर की वजह से दूसरी जगह पे मैग्नेटिक फील्ड निकालो, देखो कौन से क्या किसको क्या कैंसिल कर रहा है और उसको केवल मल्टीप्लाई कर दो। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, है ना? ओके, क्वेश्चन नंबर 20, ओके ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, मीन इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ, मीन इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, ओके हमें अर्थ की रेडिएशन इंटेंसिटी दी है, मीन इंटेंसिटी से तुम्हें क्या ही लेना देना, द आरएमएस वैल्यू ऑफ द करस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक फील्ड इज क्लोज, अच्छा ये ईएम वेव का प्रॉब्लम है, दिस इज नॉट हेयर, ओके दिस इज नॉट ऑफ दिस चैप्टर, हमें मैग्नेटिक फील्ड और इंटेंसिटी वाला ये सब यहाँ पर नहीं है अभी, ठीक है यार, फिर से यहाँ पर ये कितनी चीजें मिसिंग क्यों है यार, आई गेस दिस प्रॉब्लम, अच्छा सो लेट्स पिक अप द प्रॉब्लम्स जो प्रॉपरली एटलीस्ट लिखे हुए हैं, है ना, लेट्स नॉट एंड पे अपन ये काम नहीं करते कि क्या गिवन है क्या नहीं गिवन है, तो जो प्रॉब्लम प्रॉपरली लिखे हुए ना इज्जत से सही से लिखे हैं, लेट्स पिक अप दोस प्रॉब्लम, ये चीज तो वैसे भी देख के समझ में आ रही है कि व्हाट इज डायग्राम से हम समझ सकते हैं कि क्या गिवन होगा क्या नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये वाले में बेंड बाय 90 डिग्री लिखा होगा, है ना, क्योंकि वो दिख रहा है कि वायर को बेंड करा है, तो दिस वुड बी मोस्ट प्रोबेबली 90 डिग्री, मोस्ट प्रोबेबली क्या ये 90 डिग्री क्योंकि डायग्राम से पता लगता है, ओके इन सच अ वे दैट द एल पी एंड क्यू क्यू एम आर अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है, तो दो इन्फिनेट वायर थे, एक को मैंने बेंड करके ऐसे रखा, दूसरे को बेंड करके ऐसे रखा, यहाँ पर जो यहाँ तक ये कहानी लिखी है, ठीक है, इफ ओ पी एंड ओ क्यू आर फोर, ओ पी ये 4 दिया गया है मुझे एंड ओ क्यू ये 4 दिया गया है, ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, ओ पर हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दी गई है बी नॉट विच इज 10^-4 टेस्ला, इफ टू वायर्स कैरीज इक्वल करंट देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट इन ईच वायर द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट ओ विल बी, ओके हमें क्या बोला गया है कि मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक एक तो करंट की वैल्यू बतानी है और डायरेक्शन बतानी है मैग्नेटिक फील्ड की, ओके यार ये अच्छा ये तो आई गेस आसान सा सवाल है बट ध्यान से समझो, हमने बायो सेवर्ट लॉ जब तुमने पढ़ा है तब क्या बताया गया कि अगर ये इन्फिनेट वायर है बट इस वायर को अगर मैं आगे बढ़ाऊं, ठीक है, उस जगह पर ही अगर कोई पॉइंट रखा है तो इस वायर, तो क्योंकि मेरे पास कितने वायर है यहाँ पर इफेक्टिवली 4, 1, 2, 3, 4, फर्स्ट वायर और थर्ड वायर आगे बढ़ाने पर उसी पॉइंट से पास हो रहे हैं, तो इन दोनों वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ नहीं आएगी विच इज 0, तो हमें केवल काम क्या करना है सेकेंड और फोर्थ वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड ओपन निकालनी है, मेरा काम चल जाएगा, सेकेंड वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड एंड फोर्थ वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, क्विकली डू डीएल क्रॉस आर, सेकेंड वायर की वजह से अपना हाथ यहां रखोगे बायो सेवर्ट लॉ एंड घुमाओगे किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, सो कैन यू जस्ट क्विकली डू फ्रॉम योर साइड ऑल्सो, दिस इज कमिंग आउट टू बी क्रॉस, सिमिलरली फॉर द फोर्थ वायर डीएल इस डायरेक्शन में हाथ रखो जे डायरेक्शन में और घुमाओ किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में विच इज दिस, डीएल क्रॉस आर करो, कह रहे से अगेन इट इज कमिंग आउट टू बी क्रॉस, पहली बार तो मेरा आंसर आएगा क्रॉस विच इज इनटू द पेज, यस इनटू द पेज, तो दिस एंड दिस इज रॉन्ग, ठीक है हमारा, क्योंकि डायरेक्शन वाली चीज तो वैसे ही पता लग गई ये दोनों ये हो जाएंगे। अगली चीज हमारे पास क्या होगी, अगली चीज हम यहाँ पे करेंगे, केवल क्या करना पड़ेगा हमें, यार मैग्नीट्यूड कहने से एग्जैक्टली सेमी इन्फिनिट वायर है तो बहुत आसान हो गया, अगर हमारे पास पूरा वायर होता था तो उसकी वजह से आती थी मी नॉट आई बाई 4πr, 2πr आती थी, है ना, सेमी इन्फिनिट की वजह से क्या जाएगी 4πr, बट ऐसे कितने वायर है एक और एक दो,
एग्जैक्टली सेमी इनफाइनाइट वायर है क्योंकि वन ऑफ द एंगल इज जीरो एंड दूसरा एंगल इज 90, तो कहना है इसको डायरेक्टली टू से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये और ये गया, यहाँ पे टू आ गया, म्यू नॉट अपॉन फोर पाई, अच्छा यहाँ म्यू नॉट अपॉन फोर पाई की वैल्यू होती है 10^-7, है ना, और उसको यहाँ पर टू से मल्टीप्लाई किया है, आई हमको निकालना है, आर की वैल्यू हमको गिवन थी 4 सेंटीमीटर, यार अच्छा ये सिंपल सा प्रॉब्लम, इसमें कुछ है नहीं, है ना, और ये हमारे पास नेट मैग्नेटिक फील्ड आई है और वो वैल्यू दी गई है 10^-4 के बराबर। तो देख लो आंसर क्या आ रहा है, ये -2 -4 मिला के -6 हो गया, तो यहाँ पर -1 बचा, ठीक है, यहाँ से ये 2 आ गया और -1 को नीचे लाओ तो 20 हो जाएगा, तो आई की वैल्यू 20 आ जाएगी इनटू द पेज। अच्छा केवल डायग्राम तुम्हें जितनी पूरी कहानी लिखी थी उसको बस थोड़ा सा इज्जत से लिख लिया है ना, और वो डायग्राम देख के बस ये पता करना है कि डायरेक्शन क्या हमारी ऐड हो रही है या सब्सट्रैक्ट हो रही है, ऐड हो रही थी तो हमें डायरेक्शन पता लगी, दोनों सेमी इनफिनिट वायर थे तो एक की वजह से निकाल ली, सेमी इनफिनिट जो हमें याद है उसको दो से मल्टीप्लाई कर दिया और वो वैल्यू हमने जो गिवन था उसके बराबर कर दिया, तो आई की आई होप दिस इज क्लियर। बढ़े आगे, बोलो बोलो बोलो, समझ में आ रहा है ना सारी चीज पूरी वाली, इसमें कुछ नहीं है, इज दैट क्लियर, बताओ 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 फटाफट, तो हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा क्या ये प्रॉब्लम मैं छोड़ दूं अब, है ना, ये हम कर चुके हैं अभी, अल्फा पार्टिकल प्रोटॉन बहुत बार, दो बार तो हो गया शायद, है ना, मास का रेशियो दिया है, चार्ज का रेशियो दिया है, एक्सेलरेटेड फ्रॉम लेस थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस वी, हमने अभी अभी बोला है पोटेंशियल डिफरेंस से होता क्या है, क्यू इंटू पोटेंशियल डिफरेंस बराबर 1/2 mv² के बराबर होता है, तो हमारी वहां पे वेलोसिटी आ जाती है उसके करस्पॉन्डिंगली, राइट, ये बात समझ आ रही है, बोलो 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 बोलो, इज दैट क्लियर, तो ये वाला प्रॉब्लम छोड़ दूं चलेगा ना, है ना, और फिर हमें वही बोला है मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो रेडियाई का रेशियो बता दो, शैल आई लीव दिस प्रॉब्लम, इज दैट फाइन विद यू, क्योंकि हमने दो तीन बार देख लिया, कंसेप्चुअली समझ में आ गया कि इसको इसके बराबर करना है और रेडियस इज इक्वल टू mv/q भी होता है ना, मास का रेशियो, चार्ज का रेशियो, सारे रेशियोज दिए गए हैं, रेडियाई का रेशियो बताना है, टेल मी फटाफट, इज दैट क्लियर, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ, हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, बताओगे कि भूल ही जाते हो क्या, है ना, ओके 25, ऐसे कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम यार, फिर से वही कुछ 25 का एक बार चेक कर लेते कि क्या है, क्योंकि ये टॉर्क वाला प्रॉब्लम में टॉर्क की एक भी नहीं करे, 24th कर ले, ओके 24th में फिर से कुछ मिसिंग लग रहा, कॉइल डिफ्लेक्टेड बाय क्या लिखा है, अच्छा बताओ यार यहाँ पे 24th में क्या लिखा है, कुछ लिखा है क्या यहाँ पे, बाय 1 डिग्री, ओके ओके बाय 1 डिग्री, अच्छा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर पता है क्या होता है, सो बेसिकली इट इज अ गैल्वेनोमीटर जो हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा है, वो यहाँ पर हम पूरी कहानी पढ़ते हैं, यहाँ पर हमें एन दिया गया है, एरिया दिया गया है, टॉर्सन मोमेंट, टॉर्सनल कांस्टेंट हमें दिया गया है, जो सी जिसको हम नॉर्मली सी बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल टू इट्स प्लेन, कॉइल डिफ्लेक्ट्स बाय 1 डिग्री फॉर अ करंट ऑफ दिस, द वैल्यू ऑफ बी हमसे बोला गया क्या, ओके टॉर्क हमारे पास होता है सी इंटू थीटा के बराबर, अच्छा क्या ये चीज पढ़ी है क्या, टॉर्क इज इक्वल टू सी इंटू थीटा होता है, ये पता है ना, है ना, ये हमने SHM में भी आई गेस मैंने लास्ट क्लास में मैंने भी बताया था शायद प्रॉबेबली, राइट, तो हमें क्या क्या गिवन है, हमें अगर टॉर्क निकाल लूं मैं तो हमारे पास सी इंटू थीटा आ जाएगा, ठीक है, हमें बोला गया है क्या क्या गिवन है, हमें थीटा इज गिवन, सी इज गिवन, तो हमें टॉर्क पता लग गया, एंड टॉर्क इज इक्वल टू हमारे पास एम क्रॉस बी अगर मैं लगा दूं यहाँ पर, है ना, एम बी साइन थीटा वाला, एम हमारे पास क्या होता है एन इंटू आई इंटू ए के बराबर, क्या मुझे एन पता है, यस yes. क्या मुझे एरिया पता है, यस yes. क्या मुझे करंट पता है, क्या करंट इज ऑल्सो नोन, राइट, तो कहना से मेरे पास बी की वैल्यू आ जाएगी, कहना से सारी वैल्यूज डालेंगे मेरा आंसर आ जाएगा, बताना है क्या, है ना, क्या क्या ध्यान क्या देना है, यहाँ पर ये जो दिया गया है ये डिग्री में है, इसको पाई बाई 180 लिखना पड़ेगा तुम्हें, पहली चीज है ना रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर ये रेडियन दिया गया है, सो इसको रेडियन में डालो, ये ऑलरेडी SI यूनिट में है, ये ऑलरेडी नंबर है, इसको SI यूनिट में डालो 10^-4, ये मिली एम्पियर है, एम्पियर में डालो, बी की वैल्यू आ जाएगी,
आ जाएगी क्या? क्लियर है? बताओ बताओ बताओ, सारी वैल्यूज डालनी है केवल, चलेगा? ओके क्वेश्चन नंबर, चलो देखते जाते हैं जो जो बीच में, सो आई एम नॉट टेकिंग ऑल्टरनेट, जो प्रॉब्लम सही से मेंशन है उसको थोड़ा सा एक बार फटफट देख लेते हैं, ठीक है? कॉइल एन टर्न्स रेडियस आर आई, इट हेल्ड्स इन अ एक्स जेड प्लेन इन द मैग्नेटिक फील्ड बी। अच्छा अब लेकिन यार बी की डायरेक्शन नहीं दी गई यहाँ पे, आई कैप लिखा है क्या? अच्छा प्रॉब्लम में तुम्हारे दिया गया, अच्छा सो दिस इज बी आई कैप, ओके कहना है जब हमने किसी चीज को एक्स जेड प्लेन में पकड़ा, सो सपोज दिस इज माय एक्स जेड प्लेन, आई होप दिस इज नाउ बाय दिस टाइम इट इज क्लियर टू एवरीवन कि अगर हमने किसी चीज को किसी पर्टिकुलर प्लेन में पकड़ा है ना, तो उसका जो एरिया वेक्टर होता है वो हमेशा उसके परपेंडिकुलर होता है। तो अगर मैंने लूप को या कॉइल को अगर एक्स जेड प्लेन में पकड़ा है, जो उसका एरिया वेक्टर होगा वो जे कैप में होगा। यू कैन डायरेक्टली से कुड बी प्लस जे और माइनस जे, उससे फर्क नहीं पड़ा है, क्योंकि जो आंसर दिया है, सॉरी जो ऑप्शन दिया उसमें केवल वो मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, सो इट डज नॉट मैटर तो इसको प्लस जे लो या माइनस जे। टॉर्क का फॉर्मूला एम क्रॉस बी, यस एम की डायरेक्शन, और दिस इज एन आई ए क्रॉस बी। अच्छा यहाँ पे अब क्रॉस बी हटा ही रहा हूँ क्योंकि मुझे दिख ही गया कि ये जे कैप में है और मैग्नेटिक फील्ड आई कैप में है, तो ऑलरेडी मुझे समझ में आ गया कि वो एंगल उनके बीच का 90 है, तो यहाँ पर साइन 90 का टर्म हटाई दे रहा हूँ, वो 1 हो गया, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? एन आई, सॉरी एन आई का काम कर रहा है आई, ए का काम कर रहा है पाई आर स्क्वायर, बी का काम कर रहा है, अरे ये तो बहुत ही आसान नहीं हो गया, बस यही हो जाएगा आंसर, और क्या इसमें तो कुछ नहीं, केवल केवल फॉर्मूला पता होना चाहिए, जस्ट हैव टू पुट डाउन द वैल्यूज ऑफ दिस, है ना? मोस्टली तो मतलब ये 4 पाई, यहाँ पे आर स्क्वायर नहीं लिखा है, आई डोंट नो मतलब आगे वाले ऑप्शन में क्या है। अच्छा सो ये आंसर है यार, अब अच्छा ओके अब ऑप्शन में अब पता नहीं, अब ये एग्जैक्टली सो बेसिकली आंसर इज दिस, है ना, जहां पर हमें एन आई ए इंटू बी के बराबर है आंसर। अब वो ये आई लिखा है, बी लिखा है, ये पाई स्क्वायर नहीं लिखा होगा, या तो पाई आर स्क्वायर होगा हो सकता है, या फिर सेकंड या फोर्थ ऑप्शन में पाई आर स्क्वायर जैसा कुछ, देन प्रॉब्ली वो आंसर हो जाए हमारे पास, ठीक है ना? सो इट वोंट बी पाई स्क्वायर, इट आइदर कुड बी पाई आर स्क्वायर सेकंड या फोर्थ ऑप्शन में जो भी है, ठीक है ना? सो इट ऑब्वियसली वोंट बी जीरो, इज दैट क्लियर? ये समझ में आ गया ना? ये पता है यार, ये आई गेस कन्वर्ट करने का कुछ प्रॉब्लम हो गया शायद, मैंने हर बार ऐसा कभी होता नहीं है आई गेस, ये जो आई कैप और ये जे कैप होते हैं ना, पाई स्क्वायर ओनली। अच्छा तो अगर ये पाई स्क्वायर है ना, तो फिर सेकंड या फोर्थ ऑप्शन में होगा कुछ आंसर, तो बेसिकली तुम अच्छा उससे कंफ्यूज मत हो, तुम्हारा आंसर ये जो भी ऑप्शन में ये वाला होगा ऑप्शन, दैट वुड बी द आंसर। फोर्थ में अपॉन एन आ रहा है, अपॉन एन तो नहीं आएगा, ऊपर ही एन आएगा, नो तो फोर्थ भी नहीं होगा। आंसर क्या दिया है फर्स्ट सेकेंड में, आंसर क्या, विच इज द आंसर? अब नहीं, व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन व्हिच इज गिवन? फर्स्ट दिया है ना, तो फर्स्ट ये फिर पाई स्क्वायर नहीं है, वो फिर करेक्शन कर लो उसको, पाई आर स्क्वायर आई एन, ये है आंसर। ओके सो जस्ट करेक्ट इट, शीट का गड़बड़ है बट करेक्ट द आंसर, आंसर इज दिस वन। ओके क्वेश्चन नंबर 26 यार, ये तो चलो म्यू नॉट की वैल्यू है, ये क्या पूछा गया है, सेंटर ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड पूछे, सो दिस इज समथिंग लाइक टेस्ला, मतलब दैट मच ऑफ टेस्ला, ठीक है? तो ये तो फिर हमारे पास यार ये तो कुछ नहीं है, ये तो प्रॉब्लम आई गेस सबने करे हुए होंगे, अगर मेरे पास अगर एक ट्रायंगुलर लूप है, ठीक है, उसकी वजह से अगर मुझे सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो बहुत आसान है, क्या कि क्या तीनों वायर एग्जैक्टली सिमेट्रिकल है विद रिस्पेक्ट टू सेंटर? यस, तो हम एक की वजह से निकालें और उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें, मेरा उत्तर आ जाएगा। एक की वजह से निकालना आसान है क्या? हाँ आसान ही है, मतलब ऐसा कुछ डिफिकल्ट जैसा कुछ नहीं है बहुत ज्यादा, राइट? कि अगर इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, अच्छा कहना से ये पूरा एंगल होता है 120, है ना, तो कहना से आधा एंगल हो जाएगा 60, तो ये भी 60, तो हमें क्या पता है कि अगर एक फाइनाइट वायर है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा या थीटा 1 प्लस थीटा 2, जो भी हाउस एवर यू राइट, है ना? तो कहना से आर मुझे पता है, हाँ अगर ये मुझे दिया गया है 1, है ना, ये अगर 1 है तो बेसिकली दिस इज ऑल्सो, सॉरी दिस इज 60, तो कहने से ये 30 हो जाएगा, ये मेरे पास 1/2 हो जाएगा क्योंकि पूरी लेंथ 1 दी गई है, तो 1/2 है ये 30 डिग्री है, तो ये लेंथ आ जाएगी क्या? हाँ, tan थीटा इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस,
राइट, तो कहना से ये लेंथ आ जाएगी तो वो हमारा आर का काम करेगा. सो व्हाट आई एम सेइंग इज प्लीज अंडरस्टैंड, 10:30 इज इक्वल टू आर अपॉन 1/2. तो आर का काम कौन कर रहा है, 1/2 10:30. तो आर पता लग गया. अल्फा बीटा क्या होते हैं, परपेंडिकुलर से एंड पॉइंट ऑफ द फाइनाइट वायर के बीच के एंगल. इट इज ऑलवेज फ्रॉम द परपेंडिकुलर. तो परपेंडिकुलर से एक एंगल 60 है, दूसरा एंगल भी 60 है, तो अल्फा और बीटा दोनों का काम 60 डिग्री करेगा. आई मुझे गिवन है, हाँ गिवन है 10 एम्पियर. कैन ऐसे सारी वैल्यूज डालोगे सर, इज द म्यू इज म्यू, अच्छा दिस इज म्यू 18 म्यू नॉट इनटू टी, नहीं म्यू नहीं होगा क्योंकि ये वैल्यू जो होती है ना वो म्यू नॉट की होती है, ये कुछ और होगा. ये क्या हो सकता है यार, ये सॉल्व करके ही पता लगेगा मुझे कि क्या है ये, अनलेस नॉट गिवन इन योर दिस थिंग. यार म्यू तो नहीं होगा मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी म्यू इज इक्वल टू जो 4π, म्यू नॉट अपॉन 4π की वैल्यू होती है ना 10^-7 है ना, तो माइक्रो, हाँ माइक्रो हो सकता है, हाँ ऐसा कुछ हो सकता है. सारे ऑप्शन में इतने सारे क्वेश्चन मार्क म्यू में ही दिए हैं. नहीं नहीं यहाँ माइक्रो टेस्ला हो सकता है यार, नहीं ये क्वेश्चन मार्क तो यार वो वर्ड का वो है यार, वो कन्वर्ट उनके वो नहीं होते, माइक्रो वाला ही है ना. अच्छा माइक्रो वाला म्यू, आई थॉट यू आर सेइंग म्यू नॉट वाला म्यू. ओके हाँ माइक्रो टेस्ला हो सकता है, राइट ओके ओके है ना. सो इट इज नॉट अ म्यू नॉट इनटू टेस्ला, उसका कोई सेंस नहीं बनेगा. सो बेसिकली इट कुड बी माइक्रो टेस्ला, हाँ यहाँ पे 3 माइक्रो टेस्ला, क्योंकि जब इसको सॉल्व करोगे, क्योंकि ये वैल्यू बहुत छोटी होती ना, तो वो माइक्रो में आ सकता है मोस्ट प्रोबेबली. That's not a problem. But logic समझ में आ गया है ना, है ना कि हमने एक की वजह से निकाला, उसको directly 3 से multiply करना है. So your answer is this multiplied by 3. Is that clear? है ना? Okay. तो ये पूरा, अरे यार option गायब है इसमें. ऐसा लगा कि ये सही है. एक मिनट. ओके ओके ऑप्शन नहीं है, कंसेप्ट हम सीख ही सकते हैं. कंसेप्ट इज सिंपल है ना, ऑप्शन जो भी है ठीक है. तो हमें क्या बोला गया, एक स्क्वायर लूप है जिसमें आई करंट फ्लो कर रहा है, कैपिटल आई लिखा है, इसका मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट को छोटा एम बोला है. मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट हम नॉर्मली बड़े एम से डिनोट करते हैं, बट हमें क्या मतलब है, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट डिपेंड्स अपॉन आई इंटू ए, क्योंकि जो भी करंट इसमें, इसकी लेंथ को अगर मैं एल बोल दूं ठीक है, वो कहीं ना कहीं रिप्लेस हो रही होगी. तो कहने से एम इंटू एल स्क्वायर हो गया. उन्होंने बोला इस स्क्वायर लूप को हमने चेंज करा एक सर्कुलर लूप में और उसमें सेम करंट फ्लो हो रहा है, तो हमारा लूप को चेंज करा मतलब जो इसकी लेंथ है वही इसकी लेंथ होनी चाहिए. तो अज्यूमिंग दिस ये एल है, तो इसकी टोटल लेंथ ऑफ द लूप कितनी हो गई, 4L. तो वो किसके बराबर होगी, 2πr के, अगर मैंने इसको इसमें कन्वर्ट करा. तो कहने से आर मेरा एल के टर्म्स में आ गया, विच इज एल अपॉन सॉरी 2L/π, 2 से 2 कट गया, 2L/π आ गया. तो कहने से मेरे पास इसका जो नया वाला मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट होगा वो क्या होगा, करंट सेम फ्लो करा रहे हैं कैपिटल आई, अरे कैपिटल आई से फर्क नहीं पड़ा है ना, और इसका एरिया कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर. दैट्स इट, खत्म हो गया प्रॉब्लम. आई इनटू पाई, आर की जगह हम डाल सकते हैं इसका स्क्वायर, मतलब 4L² / π². सो नाउ व्हाट कैन आई से, आई इनटू एल स्क्वायर को हम डाल सकते हैं एम. तो मेरा उत्तर क्या हो जाएगा, 1π से π गायब, 4 बचा अपॉन में पाई बचा, इसकी जगह हम पुराना वाला एम डालते हैं. तो 4m/π जिस भी ऑप्शन में, दैट वुड बी योर आंसर. जल्दी से देखो, समझ में आ गया क्या, देखो 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 देखो, क्लियर ना, जस्ट इन केस मतलब ऑप्शन जो भी होगा, सो दैट वुड बी द योर आंसर. क्लियर है, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, है ना, बड़े आगे. क्वेश्चन नंबर 28 है क्या सही सलामत, ऑप्शन छोड़ दो एक बार, ऑप्शन पे आई एम नॉट काउंटिंग, आई एम जस्ट सेइंग कि कांसेप्ट एक बार. टू वेरी लॉन्ग वायर स्ट्रेट इंसुलेटेड वायर कैप्ट एट 90 डिग्री ईच अदर, द वायर कैरीज करंट इक्वल मैग्नीट्यूड हुज डायरेक्शन आर शोन इन फिगर दैट मैग्नेटिकली एट पॉइंट पी. क्या ये बहुत आसान सवाल है क्या, ऐसा लग तो रहा है ना, क्यों, क्योंकि ये एक इन्फाइनेट वायर है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे कितनी आएगी, जो कि डी डिस्टेंस पे है, कहने से वो आएगी म्यू नॉट आई बाय 2πr है ना, और डायरेक्शन क्या आएगी, डॉट हॉरिजॉन्टल वाले की वजह से, ऊपर वाले की वजह से, अच्छा ऊपर वाले की वजह से तो क्रॉस आ रही है, और दोनों एग्जैक्टली डी डिस्टेंस पे, तो आंसर तो 0 ही हो जाएगा इसका. बताओ बताओ बताओ, है ना, अच्छा मैंने कुछ किया नहीं, ये तो बहुत ही आसान सा था, है ना, कि इसकी वजह से डीएल क्रॉस आर कर रहा हूँ, आई होप सबको समझ में आ रहा होगा हाउ आई एम डूइंग डीएल क्रॉस आर,
इसकी वजह से डीएल क्रॉस आर किया, दोनों की वजह से हमने देखा कि एग्जैक्टली ऑपोजिट आ रही है, बोथ आर एग्जैक्टली एट द सेम डिस्टेंस, तो हमारा आंसर जीरो आंसर, राइट। 29th, ओके ये जल्दी से बता देता हूँ, अभी अभी हमने इसको थोड़ा सा, ये ए क्या है, अभी रिजिट स्क्वायर लूप दिया गया है। अच्छा ये ए छोटा ए होगा, यहां तक ए होगा है ना, ये नहीं होगा क्योंकि लूप की साइड ए दी गई है। सो ये भी ए है और ये भी ए है ना। ओके ये अभी अभी ध्यान से देखो, अभी अभी हमने ये डिस्कस करा, क्या ना इसे इसको मैं डायरेक्टली केवल क्योंकि मुझे डायरेक्शन बतानी है। ओके तो पहली चीज, इस वायर का काम क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करना। हमें पता है कि अगर करंट ऊपर फ्लो हो रहा होता है तो राइट साइड में मैग्नेटिक फील्ड हमेशा क्रॉस होती है। पहली चीज, क्या ना इसे जितना मैं दूर भागूंगा क्या ना इसे मैग्नेटिक फील्ड उतनी ही कम होगी, क्यों, क्योंकि बी में फैक्टर आता है म्यू नॉट आई बाई टू पाई एक्स का, राइट। जितना एक्स बढ़ेगा या आर बढ़ेगा तो उतनी मैग्नेटिक फील्ड, तो फॉर श्योर इस पर जो मेरे पास फोर्स लग रहा होगा ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड वो ज्यादा लग रहा होगा क्योंकि वहां पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इस पोजीशन पे ज्यादा है। इसको मैं पोजीशन एक्स ए बोल दे रहा हूँ, अरे यार बी तो लिखा ही है, पी और क्यू बोल दे रहा हूँ। सो दिस पोजीशन पी और जो यहाँ पर हमारे पास पोजीशन है क्यू, दोनों जगह पे करंट हमारे मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस है, बट डीएल क्रॉस आर करोगे ना तुम यहाँ पे डीएल क्रॉस आर, तो इस पे फोर्स आ रहा है इधर पे और इस पे डीएल क्रॉस आर करो तो फोर्स आ रहा है इधर। तो कैन आई से, मुझे मैं सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, कैन आई से जस्ट बाय लुकिंग एट द डायग्राम आई कैन से यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है ना उसकी वैल्यू ज्यादा होगी, वैल्यू ज्यादा होगी तो ये फोर्स ज्यादा होगा, ये फोर्स ज्यादा होगा तो मुझे सोचना ही नहीं है कि ये, तो इन दोनों को अगर मैं सोचूं तो कैन आई से ये रिपेल कर रहा है। अच्छा इज एंड इक्वल टू, अच्छा यहाँ पर कुछ वैल्यूज भी दी गई है, मतलब ओके तो दे आर आस्किंग कि वैल्यू भी बतानी है तुम्हें, बट आई होप ये वाली चीज समझ में आ गई कि ये फोर्स एक तो हमारा रिपल्सिव होगा। इज दैट क्लियर, मेरा आंसर ये गलत और जीरो नहीं होगा तो ये गलत। क्यों जीरो नहीं होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड अगर कॉन्स्टेंट होती है तब लूप में जीरो होता है, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड इन दिस केस इज नॉट कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट समझना, कॉन्स्टेंट का मतलब मेरा क्या है कि जैसे यहां से मैं आगे जा रहा हूँ देन इट इज नॉट कॉन्स्टेंट, अलग अलग जगह पर अलग अलग है, तो पहली चीज तो मुझे ये पता लगी तो रिपल्सिव है। एंड अगर वैल्यू निकालनी है तो इस पे जो फोर्स रिपेल कर रहा है वो कितना है, आई एल बी, आई का काम कर रहा है आई टू, एल का काम कर रहा है ए, बी का काम इस जगह पर, इसकी वजह से बी का काम कौन कर रहा है, म्यू नॉट आई वन अपॉन टू पाई ए के बराबर। दिस इज द फोर्स विच इज टूवर्ड्स राइट, द फोर्स विच इज टूवर्ड्स लेफ्ट इज दिस वन, वो कितना आएगा, करंट आई एल बी, आई का काम ये, ए का, एल का काम ये और बी का काम कौन करेगा, म्यू नॉट आई वन अपॉन टू पाई आर। कैन आई से इसके लिए जो आर की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी ए प्लस ए विच इज टू ए। कैन आई से ये हमारा फोर्स है ये वाला, बिकॉज दिस फोर्स इज ज्यादा कंपेयर टू दिस फोर्स, तो नेट फोर्स मेरा कहाँ आएगा, टूवर्ड्स राइट। कैन आई से इन दोनों को माइनस करूंगा तो मेरा उत्तर आ जाएगा। तो यहाँ पे सारी चीजें ऑब्वियसली सेम ही है ना, यहाँ पर ए है, यहाँ पर वन बाई टू है, तो कैन आई से वन माइनस वन बाई टू है, वन बाई टू आ जाएगा। सो मेरा आंसर वुड बी म्यू नॉट म्यू नॉट आई वन आई टू, अच्छा ए से ए भी कैंसिल हो रहा है, आई वन आई टू आ रहा है अपॉन में टू पाई, यहाँ पर है टू पाई है, हाँ तो फोर पाई आ जाएगा बस, केवल फोर पाई नहीं, केवल फोर पाई आ जाएगा। बताओ इज दैट क्लियर, क्या वो ऑप्शन देख के तुम्हें समझ में आ जाएगा कि क्या है, बट आंसर शुड बी समथिंग लाइक दिस। बताओ बताओ बताओ, क्लियर है क्या, या जल्दी बोल दिया मैंने वापस से, कुछ कुछ कोई पार्ट अगर समझ में नहीं आया हो तो जल्दी से बताएंगे। क्या सब लोग समझ में आया क्या, टेल मी है ना, बढ़िया के ओके कूल। अच्छा एक चीज और यहाँ पे एक और चीज बताना चाह रहा था, जरूर बताएंगे। अच्छा नहीं, एक चीज और भी बताना चाह रहा था, किसी ने ये सवाल नहीं किया, जस्ट टेलिंग यू एक बार कि सर इन दोनों वायर का क्या हुआ, आपने इसका बता दिया, इसका बता दिया, ऊपर वाले वायर्स और ये हॉरिजॉन्टल वायर है इनका क्या हुआ। तो ये ऊपर वाले जो वायर होते हैं, अगर यहाँ पर एक वायर लू तो एग्जैक्टली सामने यहाँ पर लू तो वो हमेशा कैंसिल होते हैं, क्यों, क्योंकि एक में करंट अगर लेफ्ट में है दूसरे में करंट राइट में, और ये दोनों सेम पोजिशन पे, अगर इस पोजिशन को मैं एक्स बोलूँ तो ये भी सेम पोजिशन पे, तो इसकी वजह से एक्स डिस्टेंस पे जो मैग्नेटिक फील्ड आती है उसकी वैल्यू सेम है, और क्योंकि डायरेक्शन ऑपोजिट है तो यहाँ पे जितना भी फोर्स इधर लग रहा होगा और जितना भी इधर लग रहा होगा वो हमेशा कैंसिल हो रहा है, इसलिए हमने हॉरिजॉन्टल को ट्रीट ही नहीं किया, क्योंकि उनपे नेट फोर्स जीरो हो रहा है इवन दो द मैग्नेटिक फील्ड इज वेरिएबल, क्योंकि उसका एक ऑपोजिट पेयर है, बट जो वर्टिकल वायर है उनका नहीं है,
पोटेंशियोमीटर, हाँ मतलब बिल्कुल अलग चीज है, बट यार यू कैन थिंक इन दैट, चलेगा। क्वेश्चन नंबर 30 सही से है क्या? एक रेक्टेंगुलर कॉइल दिया है, दिस क्रॉस दिस, नंबर ऑफ टर्न्स दिए हैं, करंट दिया है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सेंटर्ड एट द ओरिजिन इन द एक्स जेड प्लेन। ओके, एक्स जेड प्लेन में, तो मुझे पहली चीज इमीजिएटली तुरंत स्ट्राइक क्या करी कि जो इसका एम होगा वो जे कैप में होगा, प्लस जे माइनस जे डिपेंडिंग अपॉन कि करंट कैसे फ्लो हो रहा है। वैल्यू क्या होगी? एन इंटू आई इंटू ए। क्या एन गिवन है? आई एम नॉट सॉल्विंग, आई एम जस्ट टेलिंग यू। एन सेम है, यस। आई सेम है, यस। एरिया से एरिया गिवन है क्या? हाँ, तो मतलब एम गिवन है, इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ जे। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड बी इज अप्लाइड अलोंग द एक्स एक्सिस, ये जे कैप में है, मैग्नेटिक फील्ड तुमने अप्लाई करी है एक्स एक्सिस मतलब आई कैप, सो बी इज समथिंग इन आई कैप। इफ द कॉइल टिल्टेड थ्रू 45 डिग्री अबाउट जेड एक्सिस देन द टॉर्क ऑन द कॉइल। हमें आई पता है, ये पता है, अगर हमने कॉइल को 45 डिग्री अगर टिल्ट किया तो कहना है से हमारा जो एम है वो भी टिल्ट हो जाएगा, तो जो एंगल पहले हमारे पास एग्जैक्टली 90 डिग्री था, कहने से अब वो थीटा का काम करेगा 45 डिग्री। तो हमारे पास क्यों? क्योंकि टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? एम क्रॉस बी, विच इज एम इंटू बी इंटू साइन थीटा। क्या एम पता है? यस। मैग्नीट्यूड बी पता है? यस। मैग्नीट्यूड पता है? हाँ पता है, कहीं तो लिखा था 1 टेस्ला, है ना। थीटा हमें, अगर हमने टिल्ट कर दिया तो कहने से वो 45 हो जाएगा। बताओ बताओ बताओ, इज दैट क्लियर टू एवरीवन? तो हमारा थीटा 45, वैल्यू डालो, आंसर आ जाएगा। जल्दी 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 जल्दी, क्लियर है ना? क्या ये बात सबको समझ आ रही है? पक्का? ओके, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, सेगमेंट ऑफ द वायर ए बी, लेंथ इज 6 सेंटीमीटर, करेंट कैरिंग। बहुत आसान है क्या प्रॉब्लम? नहीं बताऊंगा तो चलेगा क्या? क्या बोला गया है? ये 6 सेंटीमीटर है, इसकी वजह से इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बतानी है। अभी अभी हमने क्या बात करी? फाइनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड में हमारे लिए काम क्या होता है? म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। क्या ध्यान रखना है? ओनली थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर इज, आर निकाल लूं मैं किसी तरीके से, अल्फा निकाल लूं, बीटा निकाल लूं, मेरा उत्तर आ जाएगा। आर क्या होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द वायर। अल्फा बीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर से एंड पॉइंट ऑफ द वायर के बीच का एंगल, अल्फा एंड दिस इज बीटा। आर निकाल सकते हैं, ये 5 पता है, ये 6 है, तो ये 3 हो गया। अच्छा, ये 3 हो गया तो बहुत आसान हो गया, ये 3 ये 5, कहने से अल्फा बीटा दोनों हो गए 37 डिग्री। अल्फा बीटा 37 होगा, ये 5 है, आर कितना हो जाएगा? 5 cos 37। बताओ बताओ बताओ, इज दैट क्लियर? क्या सबको बात समझ आ रही है ये वाली? फटाफट। अच्छा, मैंने बहुत जल्दी बोला है, ये जो प्रॉब्लम मैं जल्दी बोलता हूँ, मतलब मैं एक बार बता चुका हूँ, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि ये तुम्हें समझ में आना चाहिए फट से। बोलो, या किसी को लग रहा होगा कि सर नहीं नहीं समझ में आया, बहुत जल्दी बता दिए, एक बार वापस बताओ तो बताओ, और इज दैट क्लियर? जल्दी से टेल मी क्विकली, 31 इज क्लियर और नॉट? ओके, कूल। एक आध दो प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं, नॉट लेट मी टर्न ऑन द कैमरा, लेट मी चेक यार, क्या क्या वो अगर हैंग करो तो बता देना यार, सो दैट बिफोर आई लीव यू शुड नो दैट आई एम टीचिंग। ओके, क्वेश्चन नंबर 37, या 37 अभी अभी हमने डिस्कस कर ही लिया, राइट? अभी अभी डिस्कस नहीं करा ये यार, ये एस सी वर्मा का प्रॉब्लम है, एक बार बस आइडिया बता रहा हूँ। डू यू रिमेम्बर अभी अभी क्या बात करी हमने कि जहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड जितने भी पोर्शन में एग्जिस्ट करती है तभी तक फोर्स लगता है, जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड बंद हुई पार्टिकल उस टाइम पे जिस डायरेक्शन में जा रहा होता है उसी डायरेक्शन में चलता चला जाएगा, और फिर हमारे पास वो सिंपल सा एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ई टी स्क्वायर वैसा वाला है। है ना, हमें कंसेप्ट बता दे रहे हैं, इतनी एनर्जी से वो एंटर कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, तो एनर्जी चेंज होती नहीं है, तो हमारे पास ये पता है, मतलब उसकी एनर्जी पता है, हाफ इसको बराबर करेंगे हाफ एम वी स्क्वायर के, तो वेलोसिटी पता है, वेलोसिटी पता है तो हमारे पास जब ये निकला है तब उसकी वेलोसिटी पता है, उसको कितना टाइम लग रहा है पहुंचने में वो निकाल सकते हैं। ये 2 दिया है, ये 8 दिया है, ठीक है, तो ये हमें पता लग गया कि 6 सेंटीमीटर मूव कर रहा है विदाउट मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। सिमिलरली मुझे ये दिया गया है 8 सेंटीमीटर पे वो टकरा रहा है, हमें बोला गया पी और क्यू के बीच की डिस्टेंस बताना, कहने से एक सिंपल काइनेमेटिक्स का प्रॉब्लम है, राइट?
ना, ये एक्चुअली एससी वर्मा में भी सेम प्रॉब्लम, एग्जैक्टली सेम प्रॉब्लम, कि हमारे पास एक छोटा सा पोर्शन दिया और वहां पर मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है और फिर वो जा रही है। कोई एक अच्छा प्रॉब्लम ले लेते हैं कार्ड, जो लेट लेट एंड विद अ गुड प्रॉब्लम। ओके, दिस वी हैड डिस्कस, दो तीन प्रॉब्लम डिस्कस कर चुके हैं, राइट। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, हीलियम दिया है, एनर्जी सेम है। कौन सी एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी, है ना, सर्कुलर ऑर्बिट में है, रेडियस का रेशियो बताना है। सो आई विल रिमेम्बर, कूल, अगर याद है तो इट्स वेरी गुड, ठीक है। सो बेसिकली ये है, इसका यूज करना है, क्यों? सेम एनर्जी है तो ये वाला यूज कर लेंगे, है ना। तो कहना से प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, ही, अच्छा यही तो डिस्कस करा है, क्या डिस्कस करना, अभी डिस्कस करा है, जो भी आंसर आता, राइट, सेम प्रॉब्लम ही डिस्कस करा था। कोई एक अच्छा प्रॉब्लम बताओ। अच्छा ना, यू गाइस टेल मी व्हिच वन शुड आई डिस्कस। I1 I2 दिया है, सेपरेशन दिया है, जीरो। ये भी अभी काइंड ऑफ हमने डिस्कस करा है ना, कि अगर एक वायर रखा है फोर्स पर यूनिट लेंथ वाला, है ना, याद करो क्या था, म्यू नॉट, मैंने बोला था याद ही रखना है, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी, है ना। कि अगर तो हमें क्या बोला, कि एक वायर ये है, एक करंट ये है, ये बीच में कोई चीज रखी है जो कि इससे एक्स डिस्टेंस पे है, और इससे कितनी हो जाएगी, डी माइनस एक्स पे। तो कैन आई से दिस थिंग, कि एक एक्स पे, एक डी माइनस एक्स पे, अगर मैं इस पे नेट फोर्स जीरो चाहता हूँ, है ना, तो नेट फोर्स जीरो कब हो सकता है, जब इसका अट्रैक्शन का इसके अट्रैक्शन के बराबर हो, या फिर इसका रिपल्शन का और इसका रिपल्शन का बराबर हो। कैन आई से, ये केवल वैल्यूज रखोगे, इसको सॉल्व करोगे तो उत्तर आ जाएगा, बताने की जरूरत है क्या, ये वाला हो जाएगा। अरे ये तो खत्म ही हो गया। अच्छा, आई वाज थिंकिंग ऑफ वन गुड प्रॉब्लम। ओके, अच्छा ठीक है, अच्छा चलो खत्म ही हो गया यार, हमने तो बीच के बहुत सारे, चलो अच्छा है, हमने काफी प्रॉब्लम्स ले ली फिर तो, कूल। ओके चलो, वी एंडेड ऑन अ गुड दिस थिंग। तो व्हाट यू हैव टू डू, व्हाट सर, क्या सर, दिवाली, यू हैव टू डू क्या? ओके, सो मोस्ट प्रोबेबली हम, सो फर्स्ट थिंग, विश यू अ हैप्पी 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 दिवाली, एंजॉय योर दिवाली, बिकॉज वी विल बी मीटिंग फॉर, आई गेस मोस्ट प्रोबेबली एज फार एज आई रिमेम्बर, तुम्हारा नेक्स्ट वीक शायद हॉलीडे है ना, उसके वीक वाली, बाद वाली जो क्लास है ना, वो शायद प्रोबेबली कब होती है, आई फिगर आउट अबाउट दैट, क्योंकि तुम्हारी जो फ्राइडे क्लास होती है विच इज ऑन 5th, वो नहीं होगी, सेवेंथ होगी। हाँ, सो प्रोबेबली यू विल बी हैविंग सम समथिंग सम गैप, ठीक है। अगेन आई वुड सजेस्ट एवरी वन कि, ठीक है, दिवाली है, वट एवर इज देयर, जितने प्रॉब्लम्स बाकी रह गए, प्लीज कंप्लीट द प्रॉब्लम एंड एंजॉय दिवाली, एंड वी विल, ये सवाल सब हम बाद में करेंगे। सो इसके बाद हम मिलते हैं, उसके बाद फिर जो भी आगे वाले चैप्टर से, विल कीप ऑन डूइंग इट, एंड अगेन, ओके, हैप्पी दिवाली टू यू गाइज, एंड सी यू सुपर सून आफ्टर दिवाली, एंजॉय दिवाली, एंड मैं भेजता हूँ ये वर्कशीट, ठीक है, चलो, बाय बाय बाय, अलविदा, चलो बाय।